नाउ, तो आई एम स्टार्टिंग नाउ दिस पार्ट थ्री। इसके अंदर बेसिकली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी सारा थॉट प्रोसेस है, वो इसमें आज हम देखने वाले हैं। और ये आपका अभी नाउ वी हैव एडवांस फ्रॉम द बिगिनर टू द नेक्स्ट लेवल। अभी मैं बिगिनर्स वाले की बात नहीं करने वाला खुद की मैं, तो ये सारा का सारा जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें आपको अपना मतलब माइंड लगाना है, सोचना है। नाउ द थॉट प्रोसेस चलेंगे आपके, तो वो आपको इसमें देखना है। ओके सो सबसे ये पहले या सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये यूट्यूब में आपका मैसेज आ रहा है, वेटिंग फॉर पीके कोठारी, मेनी पीपल आर आस्किंग इन ग्रुप। अरे इसका मतलब वो मेरा YouTube इधर चालू नहीं हुआ है, दैट मींस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उधर। हाँ अभी छोड़ दीजिए इसको, फिर इसको मैं अपलोड करूंगा मैं उधर, क्योंकि इधर काफी डिमांड है। हाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें। मीनू मैम म्यूट कर लीजिए खुद को। ओके तो व्हाई आई एम सो पैशनेट अबाउट द कवर स्ट्रेटेजी, मेरे को मतलब इतना क्यों अच्छा लगता है, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू, एंड हो सकता है ये सेम थॉट प्रोसेस आपका भी चले। तो सबसे पहला जो वजह है जो मैं इतना पैशनेट हूँ, मुझे इतना पसंद है कवर स्ट्रेटेजी, कि 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्री सेट टारगेट, जो मैं टारगेट फिक्स करता हूँ जब मैं स्ट्रेटेजी लेता हूँ, तो मेरी 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट मेरे मीट होंगे। और जबकि अगर मैं इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो सिर्फ 50% का प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट का। तो 100% प्रोबेबिलिटी मुझे पता है डे वन को कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जबकि मैं इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर में, मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं तो मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो दैट इज द नंबर वन रीजन। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है, आई एम एबल टू ओवरकम एंजाइटी ऑफ माई क्रैश और फियर ऑफ बुकिंग प्रॉफिट अर्ली ड्यू टू प्री सेट टारगेट। मतलब ये है कि एक बार मैंने प्री सेट टारगेट फिक्स कर लिए, तो ये जो एक हमारे को एक जो डर लगता है कि अगर मार्केट क्रैश ना हो जाए या मैंने प्रॉफिट बुक करके जल्दी तो नहीं निकल गया, ये सब मेरे को कोई चिंता नहीं है ना, क्योंकि मेरे टारगेट फिक्स हैं। और वो टारगेट जो मैंने फिक्स किए हैं उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि 100% प्रोबेबिलिटी में मेरे टारगेट मीट होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा एक रीजन है। फिर इसका तीसरा रीजन है कि आई एम एबल टू जनरेट मंथली रिटर्न रादर देन एंडलेस वेटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। जो सारे लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है कि आप शेयर को लॉन्ग टर्म में लगाओ, आपका शेयर बढ़ेगा, एप्रिसिएशन होगा, सब ठीक है जो बोलते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट इशू की वो क्या उसके लकुना है, बट मेरे को इसमें अच्छा क्या लगता है कि मेरे को हर महीने मेरा रिटर्न आ रहा है और मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट रीजन है कि मुझे कोई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे कोई टिप्स नहीं चाहिए किसी की भी, मुझे किसी से पूछना नहीं है कि भैया ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई टेक्निकल स्टडी नहीं करना पड़ रहा है, मुझे फंडामेंटल स्टडी नहीं करना पड़ रहा है। सो दैट इज द नेक्स्ट एडवांटेज विच आई एम फाइंडिंग इट। देन आई डोंट नीड टू ट्रैक द प्राइसेस होल डे एंड एबल टू स्लीप पीसफुली। मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं दिन में 10 बार रेट देखूं कि अभी क्या रेट हो गया, अभी क्या नहीं होगा, रात को क्या हो जाएगा, कल वो क्या हो जाएगा। वो पहले ट्रम्प के इतने वो वार्ड मैसेजेस आते थे और मार्केट रिएक्ट करता था, एंड मार्केट जो है 1000 पॉइंट नीचे खुल जाएगा, ऊपर खुल जाएगा, वो कुछ चिंता नहीं है। आई एम एबल टू स्लीप पीसफुली बिकॉज माई टारगेट्स आर फिक्स। नाउ आई एम एबल टू फोकस और मॉनिटर ए क्वालिटेटिव एंड कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो। मतलब मेरे को 2-3 शेयर का ही मुझे काम करना है, तो मैं एक अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को सेलेक्ट करूंगा और उसको मैनेज करूंगा। सो लाइफ बिकम वेरी इजी। आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, एंकर्स, ऑपरेटर्स हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट। आज जो भी टीवी पे आते हैं, जो भी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन देते हैं या जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है, इनके सबके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके। और वो हमको रिटेल वालों को समझते हैं कि हम लोग तो मतलब गाय हैं, इनको जो है इनको दूध लो, जितना जितना जो कहते हैं ना गाय से जितना दूध लेना निकाल लो। तो दे टेक द रिटेलर्स एज द काउ। तो वो मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ क्योंकि मैंने अपने टारगेट फिक्स कर लिए। देन जो मोस्ट पॉपुलर सेइंग है आज शेयर मार्केट की, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सेइंग व्हिच वाज प्रमोटेड बाय वॉरेन बफेट। तो जो मैं कवर्ड ऑप्शंस कर रहा हूँ विद द सेफ्टी हेलमेट, जो मैं मेरे को सेफ्टी मिलता है ऊपर और नीचे का, उसकी वजह से आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। सो नॉट ओनली मेरा कंट्रेरियन वाली ये स्ट्रेटेजी चल रही है, उसके साथ में मेरा सेफ्टी भी चल रहा है, तो इसलिए मुझे पसंद है। देन ये देखिएगा, इट स्टिमुलेट माई एक्सपीरियंस, माई स्किल, माई रिस्क मैनेजमेंट। जो मैंने 40 साल में या 30 साल में जो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में सीखा, जो मैंने जिस तरह से मैं डिसीजन लेता था, जिस तरह से मैं सोचता था, रिस्क मैनेजमेंट करता था, वो सारे के सारे मैं इन स्ट्रेटेजी में कर पा रहा हूँ।
और अगर मैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड में करता हूँ तो इसे प्योर गैम्बलिंग, वो तो एक चाहे दूसरी क्लास का बच्चा हो या दसवीं क्लास का बच्चा हो वो भी कर लेगा। वो ये सारा जो जो रिस्क मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं, जो जो हम स्किल लगा रहे हैं वो उसमें मुझे नहीं मिलता, तो डिस्टिमुलेट माई माइंड। देन विद द कवर स्ट्रेटेजी आई हैव कंकर्ड द फाइनेंशियल वीपन ऑफ द मार्क डिस्ट्रक्शन। ये अगेन वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है कि एफेंडो इज द फाइनेंशियल वीपन ऑफ मार्क डिस्ट्रक्शन, बट अगर मैंने कवर स्ट्रेटेजी ले लिया तो आई हैव रियली कंकर्ड, मतलब मैंने इस पर विजय पा ली है, क्योंकि मेरे टारगेट फिक्स है, मेरी पोजिशन कवर्ड है, तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट इज द एडवांटेज। नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी लोगों से, क्या आप मेरे को कोई एक बेटर स्ट्रेटेजी बता सकते हैं जो कि मेरे को सेफ हो, कंसिस्टेंट मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देवे? ऐसा कोई आपको अगर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है या कोई तरीका मुझे बता सकते हैं, तो आई एम विलिंग टू फॉरगो द कवर्ड स्ट्रेटेजी, अदरवाइज वी विल से कि वी विल कंटिन्यू विद द कवर्ड स्ट्रेटेजी ओनली। दिस द यू कैन से चैलेंज आई एम गिविंग टू एवरीबॉडी, कम अप विद द स्ट्रेटेजी, कम अप विद द थिंग कि जो मुझे कंसिस्टेंट पैसा देवे, सेफ होना चाहिए। आप मुझे बोलेंगे एफडी में डाल दो, एफडी बहुत सेफ है, मैं बोल रहा हूँ सेफ है, लेकिन एफडी में मेरे को 4% का रिटर्न आ रहा है टैक्स के बाद में, मुझे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो इट शुड बी बेटर, सेफर एंड कंसिस्टेंट आरओआई स्ट्रेटेजी देन द कवर्ड स्ट्रेटेजी। इफ एनीबडी कैन गिव मी, आई बी वेरी हैप्पी। सो फाइनली द कवर्ड स्ट्रेटेजीज गिव मी पीस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट and time to enjoy my life. That is the reason I am so passionate about the cover strategy. That is the reason I am spreading and I am, you know, जो मेरे webinar हैं या जो लोगों को बता रहा हूँ कि ये अगर आप करने वाले हो तो you will have a peace, much better return and time to enjoy your life. Because you will be taking 2 or 3 trade in a month, which you can easily do it. कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप पैसा आता रहेगा। Now I am starting with the last discussion जो हमने ATM ITM और OTM पे जो हमने डिस्कशन किया था उस पे वी विल गो। तो जो कवर्ड स्ट्रैंगल विद OTM प्राइसेस से करता है, स्ट्रैंगल विद OTM प्राइसेस कौन था कि आपका शेयर से कॉल का प्राइस जो है वो ऊपर है और पुट का प्राइस नीचे है, तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो करते हैं कवर्ड स्ट्रैंगल विद OTM प्राइसेस, दैट मींस दे सेल OTM कॉल एंड दे सेल OTM पुट। ये कौन लोग करते हैं? जो कंजर्वेटिव होते हैं और जो पैसिव इन्वेस्टर, whoever are the conservative and the passive investor, they do the cover strangle with OTM prices. They are not interested in selling own holding. They love their holding so much that they are not interested. उनको बोलो कि यार कि मुझे कम किराया आएगा चलेगा, लेकिन मेरे शेयर का मेरा मैं बेचना नहीं चाहता हूँ या मैं शेयर खरीदना नहीं चाहता हूँ, तो वो लोग जो है विद द OTM prices करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि there is a very low probability of assignment. असाइनमेंट का मतलब ये है कि आपका जो रेट है वो OTM के ऊपर जाने का या OTM पुट के नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी। हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। देन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम, मतलब रेंटल इनकम ही आपको आने वाला है, क्योंकि आपका शेयर बिकने वाले नहीं है या शेयर लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने बड़ी सेफ स्ट्रेटेजी खेली है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम, बट रेंटल विल बी लो एंड ब्रेक इवन विल बी लो। अब ये कैसे हम आगे देखेंगे, दैट मीन्स कि रेंटल तो मिलेगा, पक्का रेंटल मिलेगा, बट वो इतना नहीं मिलेगा, और जो ब्रेक इवन आपको मिलते हैं वो भी आपका थोड़ा छोटा रहेगा। सो दिस इज मोस्टली प्रिफर्ड बाय द बिगिनर्स, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि यू प्लीज डू ओनली विद द OTM प्राइसेस। वंस यू बिकम एक्सपर्ट एंड वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट, देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे एक और इशू आएगा कि देयर विल बी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जिट विद प्रॉफिट बिफोर एक्सपायरी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने अगर कॉल और पुट अगर आपने 10-10 रुपए में बेचा है, तो मतलब 10 का वो धीरे 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 करके नीचे जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, बट इट विल टेक अ टू मच ऑफ अ टाइम। सो आपको बाहर निकलने का जो इन बिटवीन में जो हम स्पायर अप करके निकल जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलेगी। ATM और ITM प्राइसेस में क्या होता है, ATM और ITM प्राइसेस के अंदर यू विल सेल ATM कॉल एंड ATM पुट, और यू विल सेल ATM कॉल एंड ITM पुट। ये और यू कैन ऑल्सो हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ITM, ATM, OTM, दैट मीन्स कि 1 leg विल बी ITM एंड अनदर लेग विल बी OTM। ये मैंने पिछली बार डिस्कस नहीं किया है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेबिनार इन डिटेल। ये एक लेग ITM और दूसरा लेग OTM क्या चीज है, ये क्या बोला, ये कॉम्बिनेशन क्या चीज है, वो मैं आगे भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ये इस कॉम्बिनेशन में होता है। इसका वजह सबसे बड़ा ये है कि ATM प्राइसेस आर मोस्ट लिक्विड। तो ATM पुट और ATM कॉल जो होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, एंड दे मूव
इन लाइन विद द स्पॉट प्राइसेस, नॉट इन लाइन, सिमिलर टू स्पॉट प्राइसेस। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे आपका स्पॉट 10 रुपए बढ़ा तो आपका एटीएम प्राइस 6 रुपए 5 रुपए बढ़ेगा, और अगर स्पॉट प्राइस घटा है तो वो एकदम से उतना ही आपका एटीएम का प्राइस भी घटेगा। सो दे मूव वेरी सिमिलर टू स्पॉट प्राइसेस। बट आईटीएम का जो होता है, जो इन द मनी जो होती है, दे आर इलिक्विड है, बट दे मूव एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट इन लाइन विद द स्पॉट प्राइस। इसका मतलब यह है कि अगर आपका आपने आईटीएम का कॉल बेचा है तो अगर आपका स्पॉट प्राइस 10 रुपए अगर आपका बढ़ा या घटा, आईटीएम का प्राइस भी आपका ऑलमोस्ट 9 रुपए 10 रुपए के आसपास घटेगा बढ़ेगा। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईटीएम। ओके, ये कौन यूज करता है? ये जो एग्रेसिव और जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, दे यूज द कवर्ड स्ट्रैंगल। ये आपके जो बिगिनर्स हैं उनको ये यूज नहीं करना है, बट इफ यू आर एन एक्टिव, यू आर एन एग्रेसिव, यू अंडरस्टूड द स्ट्रेटजीज, देन यू विल बी टेकिंग दिस स्ट्रेटजीज। नाउ यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक जो है कि देयर इज नो अटैचमेंट विद द होल्डिंग, मतलब कि आपको उन शेयर से कोई प्यार नहीं है, आपको बेचने में भी आपको दुख नहीं होगा और आपको खरीदने में भी आपको दुख नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं, मजा नहीं आएगा। मतलब यू विल बी डू मैकेनिकली, यू विल बी डूइंग, मतलब यू विल बी वर्किंग लाइक अ बिजनेसमैन कि मैंने हापुस का आम खरीदा, हापुस का आम बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, बाहर आ गया। ये नहीं कि मैं उस चीज को लेकर बैठा रहा हूँ, वो इसमें नहीं होता। सो दैट मीन्स यू आर विलिंग टू गिव और टेक डिलीवरी। नाउ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ असाइनमेंट, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो वो शेयर आपके असाइन हो जाएंगे क्योंकि आपने एटीएम और आईटीएम लिया हुआ है। जैसे हमने ओटीएम में देखा था कि वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। नाउ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम, क्योंकि असाइनमेंट ज्यादा हो रहा है तो रेंटल इनकम का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर रेंटल इनकम मिला तो बहुत ज्यादा रेंटल इनकम मिलेगा, एंड आपका ब्रेक इवन भी बहुत बड़ा है, छोटा ब्रेक इवन नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े ब्रेक इवन मिलेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। सो दिस इज प्रिफर्ड बाय एडवांस एंड द डे ट्रेडर्स। इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यूरस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी विल गेट ड्यूरिंग द मंथ टू एग्जिट, मतलब कि महीने के अंदर वो एटीएम प्राइसेस और आईटीएम प्राइसेस भी आपके शेयर के साथ साथ चल रहे हैं, तो जब भी आप देखेंगे मेरी पोजीशन प्रॉफिट में है 25% 30% 40%, आप एग्जिट कर सकते हो आप, जो कि आपको स्ट्रंगल में कम मिल रहा था। सो द मैसेज हियर इज स्टार्ट विद द ओटीएम, और स्टार्ट विद द ओटीएम, वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट मूव टू द एटीएम, एटीएम से एटीएम में आइए, एंड देन वंस यू बिकम एक्सपर्ट कि हाँ आपको मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, 6 महीना हो गया, देन यू मूव टू आईटीएम एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। सर ये कोई मिस्टर प्रतीक है, उनको म्यूट कर दीजिए सर। ड्यूटी है 11 क्या बात सर, यूट्यूब हैज नॉट स्टार्टेड। अरे यार उसमें प्रॉब्लम कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे को वापस बंद करके वो 5 मिनट लगेगा मुझे वापस जाने में, तो मैंने स्टार्ट करना उसको। कर सकते हैं सर, काफी लोग वेट कर रहे हैं। और इसको मैं अपलोड, फिर मुझे 5 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा इधर सब कुछ, और तो चालू करना पड़ेगा, तो जाने दीजिए कोई बात नहीं चलता है, उसको अपलोड तो कर ही दूंगा 2 घंटे बाद में। हाँ तो कवर्ड स्ट्रैंगल हमने लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि बीपीसीएल का 400 में स्पॉट प्राइस है, तो एक्सपायरी 450 350 420 380 में क्या क्या हमारे रेट आ रहे थे, ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ओके, इसमें अभी आप ये देखिए, थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। ओटीएम में आपने सेल किया है 440 360, प्रॉफिट 20 रुपए आ रहा था, 380 में 20 रुपए आ रहा था, लेकिन जब आईटीएम में हम शिफ्ट हुए थे तो आईटीएम में हमारा प्रॉफिट जो हमारा सेल प्राइस जो था वो 440 से 460 हो गया, एंड हमारा जो बाई प्राइस था वो भी हमारा बेटर हो गया, जो 360 में हम खरीद रहे थे वो 360 से हमारा 340 हो गया, और एक्सपायरी पे जो हमारा जो जो हमारे को जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी 20 रुपए से 40 रुपए हो गया, और जो हमारा नीचे प्राइस चला गया था अगर शेयर गिरता था तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट 40 रुपए हो गया। दैट मीन्स कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि आईटीएम अगर जब मैं कॉल और पुट सेल कर रहा हूँ तो मेरे को सेल प्राइस ज्यादा मिल रहा है, मेरे को बाई प्राइस भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ वाला मिल रहा है, और मेरा प्रॉफिट भी 40 रुपए बढ़ गया है, और मेरा एक्सपायरी अगर प्राइस गिर गया तब भी मेरा प्रॉफिट ज्यादा रहा, मतलब हर सिनेरियो में मेरे को ज्यादा बेटर प्राइसेस मिल रहे थे।
चाहे मैं ज्यादा बेचूं या कम में खरीदूं, वो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा था। ये हमने लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया, ओके। एंड ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि असाइनमेंट का प्रोबेबिलिटी लो हाई एंड वेरी रिस्क है। तो अभी आप जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन जो दिखाने वाला हूँ उसमें आप अपना पूरा देखिएगा और उसमें आपको सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कसिंग कवर्ड स्ट्रैंगल विद ITM, ATM एंड OTM कॉम्बिनेशन। इसमें आपको अपना जो सारा जो अभी आपने जो आपको जो कहते हैं ना आपका स्किल है या जो आपका एनालिटिकल है पावर है जो आपको यहाँ लगाना है, दैट इज द ब्यूटी। मेरे को इसमें मजा आता है कि यस मैं दिमाग लगा रहा हूँ। देखिए अभी सेम कॉम्बिनेशन हमने पुराना वाला लिया था कि BPC हमने 400 बेचा, 420, 380 का OTM CE है। ये हमारा जो हमने पहले वाला जो देखा था ये पहली लाइन वो है। ये भी पहले वाले में देख लिया कि अगर ITM अगर हम सेल कर रहे हैं तो 40 रुपये का हमें प्रॉफिट मिल रहा है कोई भी रेट हो जाए। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो 460 में सेल कर रहा हूँ और बाई कर रहा हूँ तो 340 में था। नाउ अभी हमें देखने का इससे भी कुछ बेटर हो सकता है क्या। तीनों कॉम्बिनेशन देख लिए, ITM का कॉम्बिनेशन देख लिया, ATM का कॉम्बिनेशन देख लिया, OTM का देख लिया। अब मुझे इससे भी ज्यादा है, मुझे और लालच आ रहा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे और भी कुछ पैसा मिल सकता है क्या, कैसे, तो वो हम देखेंगे। सपोज आप बेयरिश हैं, सपोज आपको पता है कि साहब ये ड्यूटी सेल का शेयर इस महीने में गिरने वाला है, दैट मीन्स कि जो ऊपर वाली जो हमने अभी तक जो हमने किया था उसमें हमारा कोई व्यू नहीं था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा एक व्यू है कि हो सकता है ये महीने के एंड में ड्यूटी सेल का शेयर गिरने वाला है। अगर वो गिरने वाला का मेरे पास है और मेरा व्यू है तो मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं ITM की कॉल बेचूंगा और OTM का पुट बेचूंगा। तो दिस इज कॉम्बिनेशन, क्या करूंगा मैं ITM का कॉल बेचूंगा और OTM का पुट बेचूंगा। मैंने 380 की कॉल बेची और 380 का मैंने पुट बेचा, तो मैंने कॉल बेची तो मुझे 40 रुपये आया और पुट बेची तो मुझे 10 रुपये आया। अभी 380 रुपये रेट हो जाता है, दैट मीन्स कि जो मैंने सोचा था वास्तव में मार्केट गिरा है और शेयर आपका 380 हो गया है। इस वाले कंडीशन में मेरा प्रॉफिट जो है 50 रुपये हो गया। देखिए आपको समझ में आ रहा है, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ITM में आ रहा था वो 40 रुपये का आ रहा था, वो 40 रुपये से मेरा प्रॉफिट अभी बढ़ गया है, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मैंने बियरिश व्यू लिया था और मेरा जो व्यू था वो सही प्रूव हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट मेरा 10 रुपये बढ़ गया और बढ़ गया मेरा। अगर ये भाव अगर 350 के नीचे चला जाता, 380 की जगह, तो 350 के नीचे जाता मुझे शेयर खरीदने पड़ते, और मुझे शेयर खरीदना पड़ता तो मेरा जो नेट बाइंग प्राइस होता वो 330 रुपये होता, यानी कि मुझे और अच्छा प्राइस मिल रहा है। ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में मेरे को शेयर 360 में खरीदना पड़ रहा था जब मैं OTM बेच रहा था, जब मैं ITM कर रहा था तो मैं 340 में मुझे शेयर खरीदना पड़ रहा था, जब मैं ये स्ट्रेटेजी ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाली तो वही शेयर मेरे को 330 रुपये में मिल रहा है, तो दिस इज अगेन ए बेटर। लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान भी है। क्या नुकसान हो सकता है कि अगर मुझे शेयर बेचना पड़ गया, दैट मीन्स कि मेरे व्यू के अगेंस्ट में अगर मार्केट चला गया तो मेरे को शेयर बेचना पड़ेगा, वो मुझे शेयर बेचना पड़ेगा 430 रुपए में, तो यहाँ मेरा जो है सिचुएशन मेरा खराब, मतलब यानी कि दो में मुझे फायदा हो रहा है कि शेयर उसी रेंज में रह गया या उसे नीचे चला गया तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, या मेरे को बाइंग प्राइस मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मिलकर मुझे 330 का शेयर मिल रहा है। लेकिन अगर वो शेयर मेरे व्यू के अगेंस्ट में चला गया तो मेरे को 10 रुपए का उसमें मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब मेरा सेल जो है वो 430 में होगा, मुझे 10 रुपए कम मिल रहा है, क्योंकि मुझे OTM में 440 में मिल रहा था, ITM टू ITM में 460। तो यहाँ आपको अभी सोचना है कि ये क्या हो रहा है। अभी ये मेरी स्ट्रेटेजी था, अभी साथ सपोज मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि साहब डिविडेंड आने वाला है BPCL का, तो BPCL का शेयर 500 हो जाना चाहिए मंथ एंड में, तो मेरा बुलिश व्यू है तो मैं क्या करूंगा, What I will do, I will sell OTM call and ITM put. सोचिएगा, देखने का सुना, मैं OTM का कॉल बेच रहा हूँ और ITM का पुट बेच रहा हूँ, तो मैंने कॉल बेचा 420 का 10 रुपए में और पुट बेचा मैंने 40 रुपए, ठीक है, क्योंकि पुट ITM वाला था। एक्सपायरी अगर 420 में होती है तो मेरे को पूरा 50 रुपए मिलता है, अगेन मेरा प्रॉफिट जो है मेरा 10 रुपए बढ़ गया, क्योंकि मैंने एक व्यू लिया और मेरा व्यू प्रूव हो गया और रेट आपका 400 से 420 हो गया था, तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। बराबर है, अभी मान लीजिए वो एक्सपायरी 380 पे हो जाती है, दैट मीन्स कि जो मेरा व्यू था वो व्यू के अगेंस्ट में चला गया, तो इस केस में मेरे को शेयर जो है 370 में बाई करना पड़ेगा, जो कि मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, जो पहले मैं 360 में खरीदता था अभी मुझे 10 रुपए ज्यादा में खरीदना पड़ रहा, ठीक है ना, 370 में खरीदना पड़ रहा। लेकिन अगर मैं सेल करता, अगर शेयर मान लो और ऊपर चला जाता, 450 चला जाता,
420 की जगह शेयर 450 हो गया तो मेरे को 470 रुपए मिल रहा है, यानी कि मेरे को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ भी आपको दो सिनेरियो में बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ एक सिनेरियो में जब आपका व्यू के अगेंस्ट में शेयर चला गया है तो आपको 10 रुपए ज्यादा में खरीदना पड़ रहा है। तो अगेन ये कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल है, इफ यू हैव अ व्यू कि यस मैं ये बुलिश व्यू ले रहा हूँ तो अब ये वाला स्ट्रेटजी लेंगे, बेरिश वाला व्यू ले रहे हैं तो अभी ये वाला ले, अभी हम देखने का इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है क्या, मतलब मेरे लालच का एंड नहीं हो रहा है, आई वांट इवन द बेटर देन दिस, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? लेट्स सी, एक पॉसिबिलिटी और है। अभी मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ, तो मैं बेरिश ही नहीं हूँ, मेरे को 100% कन्फर्म है कि मैं तो यार बीपीसी का शेयर गिरने ही गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैं क्या करूंगा, मैं 300 का जो है डीप आईटीएम का जो है मैं कॉल बेचूंगा और 300 का ही मैं ओटीएम का पुट बेचूंगा, मतलब कि बहुत नीचे वाला मैं कॉल बेचूंगा और बहुत नीचे वाला मैं पुट बेचूंगा, क्योंकि मैं बहुत बेरिश हूँ, मुझे पता है ये बीपीसी का शेयर तो 100 पे गिरने वाला है ही है, तो मैं ये वाला काम करूंगा। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपकी एक्सपायरी अगर 300 रुपए में हो गई, जो आप 400 रुपए में सोचा था, आपको लग रहा था कि 100 रुपए शेयर गिरने वाला है, तो आपने जो है 100 रुपए नीचे का आपने जो है कॉल बेचा और वास्तव में वो 300 रुपए पे बंद हो गया, तो आपका प्रॉफिट 100 रुपए आ रहा, मतलब आप स्ट्रांग बेरिश थे, आपने बेचा और आपको 100 रुपया मिला, 100 रुपया पता कितना होता है, 100 रुपया इंटू 1800 180,000 रुपए आपको एक पोजिशन में मिल रहा है, 180,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रांगली बेरिश थे और आपने अकॉर्डिंगली काम किया। लेट अस सी बाकी से नहीं होते, आपको मतलब प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है, 180,000 एक कॉल के अंदर, मतलब एक पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैं दूसरा अगर एक्सपायरी है आपकी उससे भी नीचे हो गई, 300 पे नहीं हुई, 350 में एक्सपायरी हो गया, मतलब वो शेयर आपका 150 रुपए गिर गया, तो आपको जो शेयर है वो आप शेयर खरीद रहे हैं सिर्फ 200 रुपए में, प्लीज म्यूट कीजिए आपका। तो जो शेयर आप 330 और 370 में लेने वाले थे वो अभी आपको 200 रुपए मिल रहा है सर, यानी कि ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट में आपको वो शेयर मिल रहा है, देखिए कितना अच्छा है, क्योंकि आप स्ट्रांगली बेरिश थे, आपका जो व्यू था वो सही हुआ है और शेयर 250 रुपए में बंद हो गया, तो ये शेयर आपको 200 रुपए में मिला। इसका जो नुकसान है वो सिर्फ ये है कि अगर ये शेयर आपके व्यू के अगेंस्ट में चला गया तो ये शेयर आपको 400 रुपए में पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन था वो 100 रुपए था, 300 रुपए में आपने कॉल बेची थी या पुट बेची थी, 300 रुपए में वो 100 रुपए जुड़ के वो आपका जो सेलिंग है वो आपको 400 रुपए में करना पड़ेगा। तो अगर आप 400 रुपए में शेयर बेचने को तैयार हो और अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग बेरिश वाला लिया तो या तो आपको 180,000 मिलेगा या आपको 50% डिस्काउंट पे शेयर मिलने वाला है। तो ये तीसरा स्ट्रेटेजी। चौथा जो स्ट्रेटेजी है वो है कि अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं, अभी जैसे हम बीपीसीएल में बहुत बुलिश हैं, डिसइन्वेस्टमेंट 100% होने वाला है और आपका डिविडेंड 60 रुपए का आने ही वाला है, तो आई कैन बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश। इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, आई विल सेल 500 कॉल एंड आई विल सेल 500 पुट। तो मैंने 5 रुपए में कॉल बेचा और 95 में मैंने पुट बेचा। अनिल त्रिपाठी जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक मिनट मुझे, या तो फिर मैं सबको म्यूट कर देता हूँ परमानेंटली, ओके, फिर मैं बाद में सबको चालू कराऊंगा। हाँ सर, वो म्यूट कर दीजिए, वही कर दीजिए। तो मैं सबको मैं म्यूट करता हूँ, परमानेंट म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, अभी आप तो अभी आपको जो भी क्वेश्चन है मेरे को आप चैट बॉक्स में डालना। ओके, तो अभी आप देखेंगे जब मैं स्ट्रांग बुलिश हूँ तो मेरे को प्रॉफिट फिर 100 रुपए का आ रहा है, क्योंकि मैंने बुलिश व्यू लिया था और बीपीसीएल वास्तव में 400 से 500 चला गया, तो मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज इक्वलेंट टू 1,80,000। मतलब सिर्फ आपने एक व्यू लिया और व्यू लेने के बाद में आपने जो है कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया और आपको जो है 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी 180,000 का फिर आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है। अभी तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इस वाले केस में अगर वो शेयर आपका जो है 450 पे बंद होता है, 500 पे नहीं बंद हुआ, 450 पे बंद हो गया, तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कॉल और पुट से शेयर नीचे चला गया है, तो वो वाले केस में आपका जो बाइंग प्राइस है वो 400 रुपए हो जाएगा, तो ये इसमें आपको नुकसान है। तो अगर आप वो 400 शेयर का, लेकिन आप ये सिनेरियो देखो कि 400 रुपए में शेयर था तब आपने ये सिनेरियो लिया, तो एक लॉट आप 400 रुपए में और ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 100 रुपीज। और अभी देखिए तीसरा वाला जो सिनेरियो है, अगर वो एक्सपायरी अगर 550 का हो गई, मतलब जो आपने व्यू लिया था जब 400 रुपए का चल रहा था वो शेयर आपका 550 हो गया, तो आप अपना शेयर जो बेचेंगे वो 600 रुपए में मिलेगा, 600 रुपए मिलेगा। कैसे 600 रुपए मिलेगा, क्योंकि आपका 100 रुपए का आपका ब्रेक इवन जो आपका सेफ्टी मार्जिन था वो 100 रुपए आपने 400 रुपए में जोड़ा, तो वो टोटल जब 500 का जो जोड़ा तो आपका शेयर बिका
और शेयर बिकने के बाद में जो आपको वो और मिला तो टोटल आपका 600 रुपए में आपका शेयर बिका, यानी कि 50% एडिशनल आपको प्रॉफिट मिला है। तो अभी आप ये देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, आप एटीएम में बेचिए, आईटीएम में बेचिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाइए, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। अब ये आपको कोई बताएगा नहीं, कोई आपको आके टीवी वाला है या अखबार वाला है या कोई आपको नहीं एक्सप्लेन करेगा, ये आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको एक एक व्यू लेना है और आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। इसमें आपको मजा आएगा, ये आप यहाँ पे सट्टा नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं कि आपने यार कुछ भी ले लिया कुछ भी बेच दिया, नहीं है, कोई भी पोजिशन आप ले रहे हो आप उसमें सोचिए कि यार ये क्या हो रहा है, इसमें मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मुझे लॉस हो सकता है, कितने में मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा, कितने में मुझे बेचना पड़ेगा। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन जो हम कॉर्पोरेट लाइफ में करते हैं ना, कि आज मैंने पेट्रोल पंप में ये पेट्रोल लगाया तो पेट्रोल मेरा कितना बिकेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग एरिया में कितने रिटेल आउटलेट हैं, कितना मुझे कितना ट्रैफिक है, कितने वहाँ के गाँव वाले, कितना एग्रीकल्चर है, हम सारे कॉम्बिनेशन फैक्टर्स लेते हैं ना, सेम तरह से आपको यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स आपको एनालाइज करना है। उसमें मजा आएगा आपको कि यार यस आई एम एबल टू यूज माई इंजीनियरिंग, आई एम एबल टू यूज माई CA, जो भी मैंने आज तक सीखा है वो प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे उसको लगा रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे ये कॉम्बिनेशन आते हैं और कैसे आता है इसका एक जो इसका मैं आपको, तो ये जो है काफी आप जो कॉल आउटपुट जो हम नॉर्मल बाय करते हैं काफी अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कॉम्बिनेशन का एक आपको एल्गोरिथम दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये देखिए इसको आप थोड़ा ऊपर वाले मैंने कॉम्बिनेशन वही रखे हैं और नीचे वाला आप देखिए मैं OTM CE और OTM PE बेच रहा हूँ तो मुझे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 40 रुपए, सेल भी 440 में हो रहा है और एवरेज में मेरा 360 में। मैं क्यों ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि ये आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए कि यार ये इतने सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अभी काफी लोग जो है वो ट्रेड ले रहे हैं बगैर सोचे समझे, वो जब उन्होंने सुन लिया वेबिनार में, चलो जाके मैं पुट भेज देता हूँ, चलो मैं जाके कॉल भेज देता हूँ, ये दुनिया वहीं खत्म नहीं हो रही है, उसके बहुत आगे का वर्ल्ड है। तो आपको ये सारा का सारा ये सोचना है कि यार मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूं, मैं स्ट्रॉन्ग बियरिश हूं या बुलिश हूं या मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं बिगिनर हूं, और उसके हिसाब से मेरा क्या मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा ब्रेक इवन प्राइस कितना है। अभी देखिए ब्रेक इवन प्राइस या प्रॉफिट जो था आपका 40 से 50 हुआ, 50 से 100 रुपया हो गया, सेल में 440 में भी माल बिक सकता है, 430 में भी बिक सकता है, 600 में भी मेरा माल बिक सकता है जो मेरे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री रखी हुई है। सिमिलरली अगर मुझे बाई करना है तो 360 में भी खरीद सकता हूँ मैं, 200 में भी मुझे खरीदने का मौका मिल सकता है अगर मैं डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटेजी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज सीखिए इसको, देखिए इसको क्या इसका मतलब है, सोचिए अपना अपना थोड़ा इसको दिमाग में सोचिए ठंडे दिमाग से कि जो मैं करने वाला हूँ उसके क्या क्या रिपरकशंस हैं, प्रॉफिट कितना आएगा, सेल कितना आएगा, सेल करूंगा तो क्या होगा, बाइक रोड, उसके बाद अपना डिसीजन ले लीजिए, तब आपको मजा आएगा। और एक बार आपने वो अपना डिसीजन ले लिया फिर आप भूल जाइए, बट फिर आप रोज मत देखिए, आप वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिर ये नहीं कि हर दो दो घंटे के अंदर आप देख रहे हैं, एक आपने व्यू ले लिया वो महीने तक अपना वो व्यू फिक्स रहेगा, आपको अपने टारगेट फिक्स होंगे, जो आपने टारगेट पहले फिक्स किया है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, सेल में इतने में करूंगा, बाइक इतने में करूंगा, बस वही चलेगा, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट 5000 पॉइंट गिर जाए, 5000 पॉइंट ऊपर चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट फिक्स है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा नाउ विच स्ट्रेटेजी लुक्स मोस्ट प्रॉमिसिंग, मैंने ये सारे तो दिखा दिए आपको, अब इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कौन सा है, लेट अस सी। अभी आप ये, फिर मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, हम लोग जितने भी लोग हैं वो हम बाई नेचर हम बुलिश हैं, हम सदा शेयर को पहले खरीदते हैं। अभी कैसा, अभी ऐसा कोई मुझे एक आदमी बता सकता है जो शेयर पहले बेच देता हो, वो बेच ही नहीं सकता जो शेयर नहीं होगा। तो हम सदा 100% जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पहले शेयर खरीदता है, और शेयर खरीदने का मतलब क्या है, वो बुलिश है, बराबर है। तो रिटेल इन्वेस्टर इज ऑलवेज अ बुलिश एंड ही ऑलवेज बाय द शेयर फर्स्ट। तो अगर हमें शेयर पहले खरीदना है या पहले पैसा लगा के लेना है तो लेट अस सी कि कौन सा स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे। एक तो यह है कि आप इक्विटी बाई कर लिया, 50% का प्रोबेबिलिटी, जो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि बाई इक्विटी 50% प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आप एक दूसरा जो है, जो काफी जो रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं, जो कि अनिल या
सो दूसरा जो है कुछ रिटेल वाले जो है रिटेल इन्वेस्टर जो काफी लोग जो पैसा गवाते हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉल या कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे, मतलब देयर नॉट बाइंग द ऑप्शन. तो उस केस में देयर इज ओनली 20% प्रोबेबिलिटी है, 20-25%, 15% कि वो प्राइस जो है वो शेयर प्राइस से भी ऊपर बढ़ जाए और आपको प्रॉफिट हो. तीसरा जो है सेल द पुट और सेल द कॉल. तो इसमें देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी व्हिच इज ऑलमोस्ट 80% और 90% कि यू विल गेट अ रेंटल और यू विल गेट अ शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 8-10%. हम ये सिनेरियो देख रहे हैं कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजी है ना बुलिश वाला, जो हम सदा शेयर खरीदते हैं, तो उसके अल्टरनेट हम देख रहे हैं. तो पहला अल्टरनेट देखा इक्विटी वाला, दूसरा देखा हमने कॉल ऑप्शन वाला, तीसरा जो ऑप्शन देखा हमने है वो पुट सेल करने वाला. तो पुट सेल में 80% प्रोबेबिलिटी आपको रेंटल आ जाएगा या आपको शेयर जो है जो आप करंट रेट पे ले रहे थे बेस्ड ऑन द टीवी रिकमेंडेशन, यहाँ आपको शेयर अपने को 8-10% और डिस्काउंट में मिल रहा है. नाउ इफ यू सेल कैश सिक्योर्ड पुट, अभी ये तो हमने देख लिया कि साहब पुट सबसे अच्छा है, लेकिन पुट में भी सबसे अच्छा कौन सा है? OTM अच्छा है, ATM अच्छा है या ITM अच्छा है? तो लेट्स सी कि BPCL इज ट्रेडिंग एट 400 एंड एक्सपेक्टेड टू मूव बिटवीन 375-450. जब आपने एक पोजिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं उस समय आपके दिमाग में एक एक सिनेरियो चल रहा है कि यार ये BPCL का शेयर बेस्ड ऑन द लास्ट 2 मंथ और लास्ट 6 मंथ में किस रेंज में मूव होगा. तो आपने देखा कि यार ये BPCL का शेयर जो 375 और 450 के बीच में मूव होगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल बोल दीजिए या एवरेज प्राइस देख लीजिए, ये एक आपने व्यू लिया. अभी इसमें आपने मान लो 380 का OTM पुट बेचा 10 रुपए में, तो आपको 10 रुपए का रेंटल मिलेगा और या शेयर आपको 370 में खरीदना पड़ेगा, बराबर है? तो 380 का आपने बेचा है तो 10 रुपया रहा है तो 10 रुपया आएगा, या जो आपको 380 में से 10 रुपया माइनस किया या 370 में आपको शेयर खरीदना पड़ेगा और शेयर का जो करंट रेट था 400 रुपए. अभी आपने 400 का ATM बेचा आपने 20 रुपए में, तो आपको 20 रुपए किराया आएगा या आपको 380 में शेयर खरीदना पड़ेगा. तीसरा है 420 का आपने ITM बेचा 40 रुपए में, तो इस वाले में आपको 40 रुपए का किराया मिलेगा या आपको 380 में शेयर खरीदना पड़ेगा. 420-40, 380. अभी आपने 450 का ITM बेच दिया, 450 का ATM मान लीजिए आपने 60 रुपए में बेचा है, तो आपको 60 रुपए का किराया मिलेगा या आपको शेयर 390 में खरीदना पड़ेगा. ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखा रहा हूँ कि आपको एक टेबल में नजर आ जाएगा कि देखो मैंने डिसीजन लिया डिफरेंट वाला, तो मेरे को बाइंग प्राइस कितना आ रहा है और मेरे को रेंटल कितना आ रहा है. कम रेंटल कम शेयर में खरीदना पड़ रहा है, ज्यादा रेंटल चाहिए शेयर ज्यादा में खरीदना पड़ रहा है, वो अपने को सोचना है. 500 रुपए का आपने पुट बेचा 90 रुपए में, तो रेंटल आपको 90 रुपए का मिल सकता है, लेकिन आपको शेयर 410 में खरीदना पड़ेगा, तो आपको शेयर ज्यादा में खरीदना पड़ेगा. दिस इज अ क्या बोलते हैं इसको, रिवार्ड एंड रिस्क एनालिसिस है कि आपको रिवार्ड कितना मिलने वाला है और आपका रिस्क कितना है, यानी कि आपको शेयर कितना ज्यादा में खरीदना पड़ रहा है और आपको रिवार्ड रेंटल का आपको कितना मिल रहा है, तो वो सिनेरियो में देखना पड़ता है. मैं क्या करता हूँ, आई नॉर्मली ट्राई टू सेल 500 रुपए का वाला पुट, 500 का पुट मैं बेचता हूँ 90 रुपए में. उसका वजह यह है कि जो 500 रुपए का जो 90 रुपए वाला प्रीमियम है वो आपका पूरे महीने में मूव करेगा 50-100 रुपए के बीच में, 40 या 30, उससे 100 रुपए के बीच में मूव करेगा, ठीक है ना? तो क्योंकि वो शेयर 375 और 450 में मूव होने वाला था, तो जो इसका जो पुट का जो प्रीमियम होगा 500 रुपए वाला वो मूव करेगा 50 और 100 रुपए के अंदर. वही अगर 380 वाला बेचता 10 रुपए वाला, तो 10 रुपए वाला मूव करता 5 रुपए या 15 रुपए में, यहाँ मूव कर रहा है 50 रुपए की रेंज में. सो आई एम बुलिश इन BPCL, तो मैं 500 का पुट बेचता हूँ तो शेयर अनलाइकली टू मूव टू 375, बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू 450 और 500. तो इसलिए मैंने 500 का पुट बेचा है, मैंने स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला व्यू लिया. सो आई एम गेटिंग अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट विद 25% to 50% ऑफ मैक्स रेंटल. नाउ आई विल नॉट वेट टिल द मंथ एंड. मैं क्या करूंगा मैं कि जैसे ही मैंने बेचा, उसने बेचने के बाद में मैं एवरीडे बेसिस और मैं भी 2-3 दिन में मैं देखूंगा कि मेरे को मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है स्ट्रेटेजी में. अगर वो स्ट्रेटेजी में मेरे को 25% प्रॉफिट आ गया 1-2 दिन के अंदर ही, तो मैं उसको बेच के बाहर निकल जाऊंगा. मेरे को 6-7 दिन के अंदर 50% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि मेरे को मतलब 50% मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 100 रुपया था, 100 रुपये का मुझे अगर मान लो 30-40 रुपया मिल रहा है, 30-40 रुपया इंटू 1872,000 रुपया होता है, तो वो मुझे अगर 50% का अगर प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 6-7 दिन के अंदर, तो मैं मेरा पोजीशन को स्क्वायर करके बाहर निकल जाऊंगा, मैं एंड तक वेट नहीं करूंगा. तो ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ. नाउ इसमें आप थोड़ा सोचिए कि अभी हम वो शेयर 400 रुपए में खरीदना चाहते थे, जब BPCL का शेयर था वो 400 रुपए में खरीदना चाहता था, ठीक है ना? अभी अगर मैंने ये 500 वाला पुट बेचा तो मेरे को जो शेयर पड़ रहा है वो 410 में पड़ने वाला है,
क्योंकि 500 माइनस 90 410 का ब्रेक इवन है, तो मैं 400 की जगह 410 में मुझे शेयर खरीदना पड़ा। अगर नीचे चला भी गया वो भी मुझे कब खरीदना है, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी कितना दिन बाद में है, 30 दिन या 45 दिन। अगर मैंने मई का बेचा है तो 30 दिन हो सकता है, जून का बेचा तो वो और आगे चला के 45 दिन तक, यानी कि 45 दिन के बाद में मुझे 10 रुपए तो ज्यादा देना है, वो मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए इसके ऊपर, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन लेने के पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक सोचना है। बिकॉज नाउ यू आर इन एडवांस स्टेज में आप आ गए हो, यू आर नॉट ए बिगिनर नाउ। तो आप जो शेयर बेच रहे हैं तो आप देख रहे हो यार कि जो 400 में, वैसे भी आज शेयर खरीदता इसके बजाय मैं 410 में खरीदूंगा, मुझे चलेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट 10 रुपए लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को इतने सारे मौके मिलेंगे कि मैं प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका माइंड जो थॉट प्रोसेस है आपका वो चलना चाहिए। सो बट इसमें क्या कि जो डीप आईटीएम वाली प्राइस है, 500 वाला जो रेट, 500 वाला जो मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ पुट वाला, इसको बोलते हैं डीप आईटीएम, तो ये इलिक्विड होते हैं। तो इलिक्विड होने की वजह से आपको क्या है कि मतलब यू हैव टू कीप ट्राइंग एवरी डे, जब भी आपको मौका मिले आपको बेचना है। और मौका मिलना कैसे बेचना है कि जो सेलर खड़ा है उस सेलर से 5 पैसे रेट कम डालो आप, अब बाइंग वाले रेट पे नहीं डाल देना है, सेलर वाली रेट से 5 पैसा कम करके अपना रेट डालना है, देखो कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ये इलिक्विड है, 500 वाला पुट बहुत इलिक्विड होगा, सिमिलरली 400 वाला जो आपका कॉल, अगर आप बेचने 300 वाला कॉल बेचने की कोशिश करेंगे तो 300 वाला कॉल जो डीप आईटीएम है वो इलिक्विड होगा, लेकिन हो जाता है 1-2 रुपया में 3 रुपया में आपको मिल जाएंगे मौके। अगर वो मौका मिल गया तो समझ लीजिए आपको 40-50 हजार आपको मिल गया। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन बता दी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं यार ये कैसे मैं इसको ट्रेड करूंगा, मैं कैसे इसको मैं ट्रेक करूंगा। मतलब आपको क्या करना है कि ओपन योर ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन जो एनएससी वाला है या मनी कंट्रोल का है, कहीं से भी आप अपना ऑप्शन चेन खोलिए, और ऑप्शन चेन का जो हर लाइन है, एवरी लाइन, हर लाइन का पुट और कॉल को टोटल कीजिए। जैसे कि 450 का कॉल और 450 का पुट, या 500 का कॉल या 500 का पुट, या 350 का कॉल या 350 का पुट, ये बहुत आसान है, फटफट फट करके आप जो है वो अपने दिमाग में आप उसको टोटल कर लेंगे, और जहां आपको लगे कि यार ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि आपका जो है वो ब्रेक इवन जो आप निकालेंगे दिमाग में, वो निकालेंगे कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपने दोनों का सेम लिया है, 450 तो 450 का ही कॉल लिया है, 450 का पुट आपने आप चेक कर रहे हैं, तो उसमें आप उसमें अपना ब्रेक इवन, ऊपर वाला ब्रेक इवन कैसे आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम, और नीचे वाला जो ब्रेक इवन कितना आ रहा है, स्ट्राइक प्राइस में से आप जो है कॉल का प्रीमियम पुट का प्रीमियम माइनस कर दीजिए। अब जैसे 450 वाला है, 450 का मान लीजिए 50 रुपए आ रहा है, तो 50 रुपए आपका ऊपर, यानी 500 में आपको शेयर बेचना पड़ेगा, और 500 में से 450 में 50 रुपए कम किया, यानी 400 में शेयर खरीदना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से आप जो है ना इसको ट्रैक कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये बस चेन खेलिए, ऑप्शन चेन खोलिए, उसमें हर लाइन को देखिए, हर लाइन का कॉल और पुट का प्रीमियम को टोटल करो, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि वो लिक्विड है या इनलिक्विड है, कितना ट्रेडिंग हो रहा है वो भी आइडिया लग जाएगा, उसको टोटल करो और चेक करो कि यार मैं इस ब्रेक इवन से मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं। ओके, अभी आप जो है मैं अभी ये इसको खोल रहा हूं मैं, एंड क्योंकि अभी आगे वाला जो है मैं स्ट्रेटेजीज पे, दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा मैं, इस पे आपको जो भी क्वेश्चन है कुछ भी है यू कैन आस्क मी। या आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या कौन सा समझ में रहा था, यू हैव एनी डाउट ऑन दिस थिंग नाउ? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आपको? सर डाउट तो थोड़ा बहुत है, बट एक्चुअली व्हाट आई वुड लाइक टू सी वेदर यू कैन सी द ऑप्शन चेन एक बार देखने के लिए द प्रीमियम, लाइक आई वाज सीइंग फॉर बीपीसीएल दैट फॉर 500 पुट फॉर जून इट वाज कमिंग टू 7.45 राइट नाउ, सो आई माइट 7.4 कॉल का ना? हां सर, कॉल का पुट का कितना है, पुट का कितना है? आई हैड ओपनड, अभी देखना पड़ेगा, तो आपको दोनों टोटल करना है, आपको दोनों टोटल करना है, दोनों टोटल करके आपको ये देखना है कि ये आपका सेफ्टी मार्जिन है, उस सेफ्टी मार्जिन पे आप कंफर्टेबल हो गया, यानी कि आपने कॉल और पुट का अगर प्रीमियम टोटल किया और वो प्रीमियम आप खरीदने को तैयार है और 500 प्लस 85 में आप बेचने को तैयार है। If you are comfortable with the situation, go ahead. That is what you have to think like that. ठीक है ना?
एक बार सर ऑप्शन चेन का एक बार क्या आप स्क्रीन में दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ, मुझे बंद करना पड़ेगा। इफ यू वांट आई कैन शो इट। If others are all comfortable, no problem. It's only if there are other like me. No, then... we are comfortable. We want to see that option chain. Yes, the request. Chain? If you could show the option chain, yes, sir. Yes. Okay. Yeah, please take NSE option chain. Yeah. I'm not for now. NSE वाला करता हूँ. NSE. सर ये put का rate इतना ज़्यादा क्यों है? 78 क्यों है इस समय? In the money. अभी ये मैंने अभी आपको दिख रहा है ये? या ये मैं आपका जो देख रहा हूँ ये मैं मई का महीना देख रहा हूँ, मैं जून का नहीं देख रहा हूँ। तो वी विल सी राइट नाउ फॉर मंथ ऑफ मई। अभी आप मई में देखेंगे, मई में देखेंगे अपन जैसे 500 वाला देखते हैं राइट नाउ 500 वाला देखते हैं। 500 में मेरे को 2 रुपया कॉल में मिल रहा है और 59 रुपीज पर को पुट में मिल रहा है। सर कहाँ लिखा है ये? लिखा है ये 59 दिख रहा है ना आपका, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 59 है आपका पुट का, और कॉल का जो है आपका रेट है वो 2 रुपया दिख रहा है आपको? सर नहीं दिख रहा, कौन सा कॉलम है? नीचे देखिए, नीचे देखिए। अभी आपको ये दिख रहा है 2 रुपया? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा ये आपको ये 59 दिख रहा है इधर? हाँ राइट सर, ठीक है ना। हाँ जी, इसका हाँ मतलब ये कि पुट का प्राइस 59 चल रहा है और कॉल का प्राइस 2 रुपए चल रहा है, दोनों का टोटल हमने किया तो 61 आया, ठीक है। तो यानी 500 माइनस 61 में मेरे को शेयर खरीदना पड़ेगा और 500 प्लस 61 में मुझे शेयर बेचना पड़ेगा अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी लिया। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ 561 में बेचने को तो मैं ये फट से ले लूंगा, क्योंकि या तो मुझे किराया 61 रुपए मिलेगा या मैं 561 में शेयर बेचूंगा और या मैं शेयर को खरीदूंगा 500 माइनस 61 यानी कि 449 रुपए मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा। 439। तो अगर मैं ये इक्वेशन से कंफर्टेबल हूँ तो मैं 500 वाला लूंगा। अभी इसी को हम जो देखेंगे जून का देखते हैं, अभी जून का देखते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने जून का दिखाया, अभी जून का देखिए। अभी जून में बहुत मामला जो है इतना लिक्विड नहीं है, लेकिन जून का अगर आप देखेंगे एक 78 पे ट्रेड हुआ था और ये 745 है, यानी 78 और 7 मिला के मेरे को मिल रहा है 85 रुपीज, ठीक है। तो 500 प्लस 85 में मेरे को शेयर बेचना पड़ेगा या 500 माइनस 85 यानी कि 415 रुपये मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा या मुझे रेंटल 85 रुपीज का मिलेगा। अभी जब मैं 85 रुपीज का स्ट्रेटेजी जब लूंगा ना तो मेरे को अभी नेक्स्ट 45 डेज में मुझे कितने ही मौके मिलेंगे। हमारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसमें तो लोग मास्टर हो गए इसके अंदर, वो तो फट फट प्रॉफिट लेके निकल के बाहर निकल जाते हैं। उनको जैसे मिला कि 10 रुपया मिल रहा है, किस टाइप के चांसेस मिलेंगे, किस टाइप के चांसेस मिलेंगे जरा? अरे ये अभी जो 85 रुपीज का है ना, अभी आपको 85 रुपीज मिला, ये 7 रुपए का ये मिला और 78 का ये मिला, तो आपको 85 रुपीज मिला, बराबर है। तो 85 × 1800 रुपए आपको अभी मिल रहा है अभी। अब जैसे जैसे आपका ये जो आपका जून तक जाएगा तो ये जो प्राइसेस है कम होती जाएंगी। ये जो आपका 85 है वो 85 का आपका 75 होगा, 65 होगा और अल्टीमेटली जाते जाते जून एंड तक ये जीरो होने वाला है। अगर ये भाव वास्तव में 500 रुपए हो गया तो ये आपका जो 78 वाला जो पुट था वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो वाले केस में आपको पूरा 85 मिलेगा। तो ये क्या होता है, इसको थीटा इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जैसे वो पीरियड कम होता जाएगा वैसे वैसे इसके प्रीमियम कम होते जाएंगे। जहां आपको लगा कि यार अभी ये मान ले 50 रुपए हो गया दोनों का मिला के और आपको लगा 35 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो 35 × 1800 यानी कि ऑलमोस्ट मुझे 70,000 रुपए मिल रहा है, मैं प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊँ। मैंने कहा मेरा 70,000 रुपए आई एम हैप्पी, मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पोजीशन। ये मौके कॉल बाय करके, हाँ कॉल बाय कर लेंगे, कॉल भी बाय कर लेंगे, पुट भी बाय कर लेंगे। अभी आपको जीरोधा के अंदर वो कंबाइंड दिखाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे 45 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। अभी ये ऑलमोस्ट ATM प्राइस है, तो मैंने 45 रुपए का मैंने मेरे को ब्रेक इवन था, कंफर्टेबल 495 में शेयर बेच दूंगा और 400 रुपए में मैं शेयर खरीद लूंगा, आप ये वाला ले लेंगे। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, मतलब आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन पकड़ो
लाइन का, कॉल का और पुट का आप उसमें ऑप्शन जोड़ो और उसमें देखो कि ये ब्रेक इवन से मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं, बस दैट्स ऑल। जितना मैंने अभी तक बुलिश और बीरिश, बुलिश और बीरिश को माइंड में नहीं रखें। नहीं, बुलिश बीरिश का अगर है तो और अच्छा है। अगर आपको कंफर्म न्यूज है कि हाँ मेरे तो ये शेयर बढ़ने ही वाला है तो देन यू कैन टेक बुलिश और बीरिश। अगर आपको नहीं भी है तो एटीएम वाला ले लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये ऑप्शन चेन देखना है और ऑप्शन चेन में आपको इनका टोटल करके आपको एनालाइज करना है और फिर आपको डिसीजन लेना है। अभी जो मेरे पास रिक्वेस्ट आता है कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं 500 का बेच लूँ क्या, तो ये क्या है ना कि हर एक का अपना अलग व्यू है। मैं क्या बोलूँ उनको, मैं इतने मैसेज आते हैं मेरे को कि मैंने पटेल साहब मैंने ये वाला पुट बेच दिया है, ये कॉल बेच दिया है। अरे भाई, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप किस चीज पे बेचने में कंफर्टेबल हो, किस में खरीदने में कंफर्टेबल हो, आपका रेंटल का एक्सपेक्टेशन क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। तो मेरा जो ना मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जो 450 है सर, जो 450 है, इसका मतलब कि हम कॉल भी 450 की सेल कर रहे हैं और पुट भी 450 की सेल कर रहे हैं। हाँ, ये जो मैंने बताया ना आपको एटीएम वाला, जो आपको दूसरा सिनेरियो बताया था, ये मैंने एटीएम और पुट, एटीएम भी मैंने एटीएम कॉल बेची, एटीएम पुट बेची है। नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं वो ओटीएम बेचते हैं। ओटीएम यानी कि वो 480 की कॉल बेचेगा और 430 का पुट बेचेगा, मतलब दोनों ओटीएम वाला बेचेगा। तो जो ओटीएम वाला बेचेगा, जैसे मान लो आपने 420 का कॉल बेचा, 420 का पुट बेचा, तो आपको 9.85 रुपए मिल रहा है, और आपने 480 का अगर आपने कॉल बेचा तो 11 रुपए मिल रहा है, यानी 11 और 9 यानी 20 रुपए का आपका प्रॉफिट मार्जिन। अब आप बोलते हैं मेरे को तो 20 रुपए नहीं मिल रहा, 50 रुपए चाहिए, तो 50 रुपए चाहिए तो फिर आप एटीएम वाला लो। आप बोलोगे नहीं मुझे तो 85 रुपए चाहिए, तो आप 500 वाला लो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने में बेचना है, क्या आपका प्रॉफिट का टारगेट है, कितने में आप बेचने में कंफर्टेबल हो, कितने में खरीदने में कंफर्टेबल हो, ये आपको कोई दूसरा आके नहीं बताएगा। सर, ये ऑर्डर चेन को समझने के लिए मैं देख रही थी, जो आपने 450 पे जब कर्सर रखा तो इसका मतलब कि मैं उसमें कॉल सेल कर रही हूँ। हाँ, 450 का आप सेल, आप एनालाइज कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो 450। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ये जहाँ आपने कर्सर रखा है, ये रेट कॉल का है या पुट का है? ये तो पुट का रेट होगा। 450 के जो लेफ्ट वाले हैं, ये सब कॉल के रेट हैं, और जो आपके राइट वाले हैं वो पुट के रेट्स हैं। देखिए ना, ऊपर जाके आप ऊपर सर, लेकिन अगर मैं सब, हाँ जी, ऊपर जाके देखेंगे, देखिए ये आपको पुट लिखा हुआ है। ओके सर, तो ये जो आपके जितने राइट हैंड वाले साइड है वो सब पुट है और जो लेफ्ट हैंड वाले साइड है वो कॉल है। तो सर, अगर हमें मेरे को रेट अलग अलग रखना है तो दो अलग अलग लाइंस देखनी पड़ेगी ना मुझे कॉल के लिए। अलग देखना पड़ेगा, तभी तो टोटल कर रहे हैं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉल का पुट का रेट टोटल करना है। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, अभी वो आप चाहते हैं कि मुझे तो ये पुट का समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपल से कॉल बेच लीजिए अपना। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो इस ऑप्शन चेन के ऊपर डिसीजन लेना है कि क्या करना है। वही आपको अपना दिमाग लगाना है, वही आपको अपना दिमाग लगाना। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं दोनों स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी करना चाहती हूँ तो मुझे 450 पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉल सेल करना है और 380 में कॉल पुट सेल करना है, तो मुझे अलग अलग दोनों कॉलम्स का प्रीमियम देखना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है ही है ना, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं मतलब वो आपको दोनों का रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं। अभी आप ओटीएम कॉल बेच रहे हैं, ओटीएम पुट बेच रहे हैं, तो दोनों का। अभी जैसे मान लो मैं 420 का, अब मैं मान लो पुट बेचना चाहता हूँ 420 का, तो 420 का मैं पुट का रेट देखूंगा 3.05 रुपए, और मैं 470 का मैं कॉल बेचना चाहता हूँ वो 4.35 रुपए, तो मुझे टोटल 8 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको रेंटल कितना चाहिए, आपको कितने में शेयर बेचना है, कितने में खरीदना है। यू आर होल्डिंग द शेयर, देन आप अपना कॉल बेचिए। अगर आप शेयर भी खरीदने को तैयार हैं और शेयर बेचने को भी तैयार हैं तो आप सेल करेंगे। आप क्या इम्प्लीकेशन है, मुझे मई का बेचू, जून का बेचू, मुझे कितना दिन का मुझे वो पीरियड मिल रहा है। जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे। अभी जैसे हमने मई के प्रीमियम देखे थे, वो जून के प्रीमियम में बहुत फर्क है। अभी एक महीने का इंटरेस्ट है, एक महीने का इंटरेस्ट से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो देन यू शुड सेल जून का। आप ही मई का क्यों बेचेंगे? यानी मई में जैसे आपको 10 रुपया मिल रहा है और जून में अगर आपको 20 रुपया मिल रहा है, तो आपको 10 रुपया ज्यादा मिला और 10 रुपया जो है वो देखोगे इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी कितनी है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट अगर ज्यादा मिल रहा है तो जून का बेचिए, आपको मौके भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये सारे डिसीजन आपको लेने हैं।
मतलब इसे साइंस, ये मतलब वो ये आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, साइंस यूज कर रहे हो आप अपने. Sir, this amount which is invested, we are talking only about the investment amount, apart from the margin money. But when we are, that margin money, if it is also taken for BPCL and all, it is 3-4 lakhs in that range. So, margin money you have to see. And that also has... Pehle batate, that you keep in your mind ki mera margin money kitna lag raha hai. Reliance ka karenge to Reliance mein kam lag raha hai, BPCL mein jyada lag raha hai. So, that is the... Aapko consider karna hi hai. So, if I have to wait till the month end, I have to have in that zero the account. I have to have in the zero the account other than the margin money, the also the money to buy the shares. That also has to be there in the zero the account. हाँ वो तो month end के पहले दो तीन दिन पहले उतना पैसा आपके account में होना चाहिए. अगर आप share खरीदना है तो उतना होना चाहिए. नहीं तो फिर आपका position में problem हो जाएगा क्योंकि last के दो तीन दिन के अंदर margin बढ़ जाएगा. हाँ. और वो margin अगर नहीं है तो फिर आपका position square कर देगा. वो पैसा होना चाहिए. वो मैं सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको वो सब समझ में आ गया है कि मार्जिन कैसे चलता है, कितना रखना है. अभी मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ. ठीक है. अभी स्ट्रेटेजीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने पर आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए. नो नो इट्स क्लियर. ऑल आर क्लियर ऑन दिस और एनी डाउट किसी को भी है ATM क्या होता है, कैसे हमको दिमाग लगाना है, कैसे उसके वो कैलकुलेशन करने हैं. Yeah. This ATM means that as of now, whatever the price is, that ATM is ATM ka, in an ATM ka matlab hai, at the money. Yani ki jo 440 ka rate chal raha hai, to 440 jo hai, wo aapka ATM hai. Yeah, yeah. So that is. Uske upar chale jayenge, to OTM, ATM ho gaya. OTM aur ITM ho gaya. Aur niche jayenge, to OTM, ATM hai. Aisa hai. Haan. Wo bhi ek, aapko mera ek Excel sheet bhi dikhaunga main aapko. Wo main dikhaunga PowerPoint mein dikhaunga. But yahan pe basic assumption, yahan pe basic assumption is that we are already holding one lot of share and doing a selling call and sell puts, no? Yes, yes. Yeah, yeah. That means ki you have the one lot available. So if you and are willing to buy to one give more. The delivery, you are required to give the delivery, you can give the delivery. Or if you are willing to buy one then more. You can buy the share. That means paisa bhi hai aur wo bhi hai. Dono hai aapke paas. Tabhi hoga. Sir, what if these are applied without holding a share? If you are willing to take a chance? नहीं वो तो फिर आपको नेकेट स्ट्रेटेजी में आ गया ना. वो जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है. वो मैंने आपको जो पुराना मेरे रिफ्रेशर वाला दिखाया था उसमें एक स्लाइड था ना कि अगर आपने नेकेट पोजीशन ले लिया तो उसमें क्या क्या हो सकता है. उसमें आपका नेकेट पोजीशन लेके बट वी आर आई एम आइदर विलिंग टू बाय और सेल देन इट इज ओके. नो नहीं आप आफ्टर डिलीवरी कहां से देंगे. आपको शेयर ही नहीं है तो होल्डिंग अ लॉट. फिर आपने कवर्ड पोजीशन लिया ना. नेकेट पोजीशन कहां लिया. तो आपने कवर्ड लिया ना पोजीशन. Sir, in this strategy, if I sell a call, I must sell a put also. And if I buy a call, I must buy a call also, a put also. Haan. Both should be same. Sell should be both call and put and buy. No. Aapko decide karna hai ki mujhe kaun sa strategy lena hai. Mujhe ITM lena hai, OTM lena hai ya mere ko ATM lena hai. Aapko ye dono total, ye sab combination aapko decide karne ki mujhe kaun sa strategy mein jana hai. अभी मैं ये बंद करके मैं वापस पुराना बाजो. इसमें कोई क्वेश्चन है ऑप्शन चेन के ऊपर. बस वन सेकंड है दैट 400 सपोज स्ट्राइक प्राइस यू आर टेकिंग द करंट प्राइस इज 450 ओके. हां नाउ इट इज गॉन टू 460 राइट. सो यू आर सेलिंग इट राइट. यू आर गेटिंग मनी बट इट इज इन द ओटीएम ओनली. बट माय कंफ्यूजन इज यू आर सेइंग ओटीएम मींस यू लूज मनी, आईटीएम मींस यू आर गेटिंग मनी. Whereas we are taking OTM strike price only, but we are getting money here also. That is my doubt. No, I don't understand what you want to say. I am not able to understand what you are trying to say. See, 400 if you are selecting, that is OTM, na? No, 400 you are selecting, 400 call if you select, then ITM. No, 400 you are put and chain. If you are selecting 400, then OTM. So, you have got 1.40 rupees. 1.40 rupees. But we are getting money, na? You said OTM. You are getting money. 1.40 rupees आपके अकाउंट में आ जाएगा ना सीधा. But when you are explaining OTM and ITM, you said OTM means we will be losing money. नहीं. वो मैंने बताया है कि मंथ एंड का रिजल्ट क्या है. अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं. अभी ये करंट प्राइसेस अभी जो चार्ट देख रहे हैं, this shows कि what are the current premiums are there. वो जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताया था कि वो एंड रिजल्ट है. एक्सपायरी पे क्या होने वाला है. But here also, at the end, expiry date may, suppose you have taken the call price, you will get 140, right now? 140 to aapko aaj hi mil jayega. Haan, aaj hi mil jayega, okay. Haan, 140 to aapko aaj hi mil gaya. 400 ka aapne jaise maan lo put becha hai, aur 140 mein becha hai. So 140 into 1800 aapke account mein aa gaya. Abhi aapka buy expiry agar rate 400 ke upar rehta hai,
तो ये 400 का जो पुट है वो एक्सपायर हो जाएगा वर्थलेस। मैं आगरा ही का, तो ये 1.40 रुपया आपका परमानेंट हो गया, मतलब आपको आपको अपना रेंटल आ गया 1.40 रुपया, 1.40 रुपया × 1800 आपको रेंटल आ गया। और अगर वो मान लो नीचे चला जाता, नीचे चला जाता तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, मुझे रेंटल इनकम ज्यादा चाहिए या मुझे शेयर कितने बेचना है, वो डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे रेंटल। इनका क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन ये है कि ये आईटीएम क्यों है और ये ओटीएम क्यों है, इनका ये क्वेश्चन है कि जब हमें पैसा मिल रहा है तो ये फिर ओटीएम क्यों है। अरे बाबा, अभी जब ये अभी 400 रुपए का जब बीपीसीएल 450 रुपए ट्रेड हो रहा है, तो 400 रुपए का आपका पुट है, तो वो 400 रुपए का पुट ओटीएम है, तो वो 1.40 रुपया मिल रहा है। जैसे जैसे आप 400 रुपए को रेट को बढ़ाते जाएंगे, आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अभी 400 वाला 420 हो गया, तो आपको देखो 3 रुपए मिल रहा है, क्योंकि आप जो है थोड़ा अभी एटीएम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और वही अगर आप आईटीएम में हो जाते हैं 460 रुपए हो जाते हैं, तो देखो आपको 22 रुपए मिल रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, 460 - 22 जो ब्रेक इवन हुआ है, और पहले आपका ब्रेक इवन क्या था, 400 - 1 रुपया, 400 - 1.40 रुपया वाज योर ब्रेक इवन व्हेन यू आर सेलिंग 400 पुट ओटीएम। नाउ यू आर सेलिंग आईटीएम 460, तो आपका ब्रेक इवन हो रहा है 460 - 22, यानी कि रेंटल मिल रहा है 22 रुपीज और ब्रेक इवन है 460 - 22 पे आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। तो दिस इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आपको एनालाइज करने हैं। कोठारी जी, या Whatever is the shaded on the top left and the bottom right, that is ITM. That is ITM. Whatever is the white is OTM. You are losing money. And the break even is that 440. Central line. Central line is the ATM. Yeah. That's it. Okay. So I am coming to the presentation again. और उसमें आप फिर से मुझे बताइए कि उसमें क्या आपको उसमें पूछना है। इसमें अगेन मैं वो पुराना वाला स्क्रीन पे जाता हूँ, अब ये वाला देखिए, जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे, ओटीएम कॉल ओटीएम पी, एटीएम कॉल एटीएम पी, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे मेरे को डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा। देखिए आप, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, सेलिंग का मेरा ब्रेक इवन की वजह से मेरा सेलिंग बढ़ रहा है घट रहा है, बाइंग का भी मेरा बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये आपको अपने दिमाग में आपको देखना है और फिर डिसीजन लेना है। कहने का मतलब ये है, ये अभी बहुत एडवांस अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आपको मतलब ऑलमोस्ट वी रीच अबाउट ग्रेजुएशन लेवल, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप आ गए हैं आप लोग, सर ना, तो आपको वो सोचना है। हाँ बोलिए सर, इज दिस अ जनरल व्यू फॉर ऑल आई मीन स्क्रिप्ट्स और इज इट ओनली हाइपोथेटिकल वन? नहीं, हाइपोथेटिकल लिए मैंने, एग्जांपल जो जो फिगर जो लिए हाइपोथेटिकल लिए, बट कांसेप्ट इज सेम। Yeah, so for any OTM call and ITM put, whatever figures will differ, but it will be, figure will differ, but ये similar figure रहेंगे, similar figure रहेगा, concept का समझा रहा हूँ, concept को समझ में आ गया ना, तो फिर आपको implement करने में बहुत आसानी रहेगा, right? This is a concept, these numbers will not be there. Yeah. 100 रुपए का जो profit में दिखा रहा हूँ, वो 100 रुपए नहीं है, वो 50 रुपए आ सकता है, 50 वाला 20 रुपए हो जाएगा. Correct. Oh, 20 भी हो सकता है, but whatever, it will be like that. Concept remains the same. See, Kothari ji, if you see the option chain and there in the open interest, you see the numbers of open interest. Option chain wala that itself will tell you a story, right? That itself will tell you a story. Yeah. Number of open interest which is there, that will give you an indication of what the market is going to move. Haan, main aapko batane wala hu. Mera slide hai, usko bataunga main aapko, aapko achche se clear samajh aa jayega. Uske baad main 2-3 slide ke baad wo slide aane wala hai. Ki aapko kaise aapko price calculate karna hai, kaise aapko decide karna hai resistance ke basis pe. R1, R2, R3, S1, S2, S3, वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। आप जो बताना चाह रहे हैं ना, वो भी मैं अच्छे से स्लाइड में बताने वाला हूँ। ओके, सो वी विल गिव फर्दर नाउ, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गया है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अभी हमको ये जो स्ट्रेटेजीज है, ये स्ट्रेटेजीज को मेरे को इक्विटी में नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे काफी जो मेंबर्स हैं, दे आर कंफर्टेबल इन म्यूचुअल फंड्स और दे आर कंफर्टेबल इन द इंडेक्स। जो लोगों ने बोले साहब, हमने लाखों रुपए हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, नाउ कैन वी यूज दिस स्ट्रेटेजी इन द म्यूचुअल फंड, कैन वी यूज दिस स्ट्रेटेजी इन द निफ्टी 20? तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली फॉर दोज इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है,
अगर वो इक्विटी में नहीं करना चाहते तो इवन म्यूचुअल फंड में यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। तो इसमें जो रैशनल है, रैशनल ये है कि जो इंडेक्स फंड होता है, जो निफ्टी 20 जो इंडेक्स फंड हमारा जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, या जो आपके लार्ज कैप है, अभी लार्ज कैप में आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, तो जो उनका एनएवी होता है, दैट एनएवी और इंडेक्स फंड का जो रेट है, दैट मूव्स ऑलमोस्ट इन लाइन विद द निफ्टी। कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी अगर आज आपका 100 पॉइंट बढ़ा है एक दिन में, तो आपका एनएवी भी आपका उसी रेशियो में बढ़ेगा, सिमिलरली आपका इंडेक्स फंड का रेट भी उसी रेट में बढ़ेगा, दैट इज द रैशनल। वो अगर रैशनल समझ में आ गया तो ये आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपने लिए हुए हैं, आपने फोकस फंड लिए हुए हैं, लार्ज कैप वाले जो कितने सारे एक्सिस का है आपका, मिराई का है, देन टेम्पलटन का है, किसी का भी लार्ज कैप में अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका अगर आप एनएवी देखेंगे एवरी डे, आज शाम का 3:30 बजे का एनएवी आएगा, कल दूसरे दिन का 3:30 बजे का एनएवी आएगा, आप देखेंगे कि वो जो एनएवी का जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट इनलाइन विद निफ्टी है। अगर निफ्टी अगर 1% बढ़ा है तो आपका लार्ज कैप का एनएवी भी ऑलमोस्ट 1% बढ़ेगा, हो सकता है 0.9 हो जाए, हो सकता है 1.1 हो जाए, बट द मूवमेंट विल बी ऑलमोस्ट इन लाइन विद दैट वन। तो अगर वो अगर लॉजिक है तो कैन वी यूज दैट जो जो लॉजिक है, कैन वी यूज इन द निफ्टी 20 एंड म्यूचुअल फंड, दैट इज द व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20, यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द टॉप वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनी, इट इज वेरी सिमिलर टू लार्ज म्यूचुअल फंड। तो लार्ज म्यूचुअल फंड जो होता है वो इनवेरियबली दे इन्वेस्ट ओनली इन द टॉप वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें रिलायंस होगा, इन्फोसिस होगा, एचडीएफसी बैंक रहेगा, जितने भी जो लार्ज कैप वाले हैं, आपका बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, वो वाले शेयर में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम इनका भी कोरिलेशन देख रहे हैं। नाउ जो निफ्टी का जो लॉट होता है, द निफ्टी लॉट इज 50 का होता है, निफ्टी का जो फ्यूचर में जो ट्रेडिंग हो रहा है उसका लॉट 50 साइज है, और निफ्टी 20 का इक्वलेंट अगर हम देखेंगे तो 1/100 इज इक्वलेंट टू निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 इज इक्वल टू 1/100 ऑफ निफ्टी, और फेस वैल्यू निफ्टी 20 का 10 रुपया है। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे एक लॉट निफ्टी 50 लेना है, निफ्टी का खरीदना है, तो आई शुड हैव 5000 निफ्टी 20। अगर मैंने 5000 निफ्टी 20 खरीद लिए तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1 निफ्टी लॉट। सो दिस इज द इक्वेशन। तो निफ्टी का जो लॉट आपका आज की तभी से, अभी निफ्टी का जो रेट चल रहा है 14,800 चल रहा है, मान लीजिए अभी 14,850 चल रहा है, मान लीजिए 14,800 का लॉट है, तो आपका निफ्टी का जो नॉशनल वैल्यू हुआ वो 7,40,000 हुआ, 14,800 × 50 7,40,000। सो निफ्टी 20 जो मुझे लेना पड़ेगा वो 5,000 लेना पड़ेगा, तो अभी का रेट मान लो चल रहा है 158 रुपये, 158-157 रेट चल रहा है अभी, तो उसका वैल्यू हो गया 7,90,000। तो आपने इफ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और इफ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन द निफ्टी 20, यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ समवेयर अराउंड 7,90,000। तो अगर आपका लार्ज कैप में अगर आपने 8,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी लार्ज कैप में, और तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो 8,00,000 का जो एनएवी का जो ग्रोथ आएगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इन लाइन विद द निफ्टी का जो चलेगा। ओके तो अभी आपको क्या करना है, सो यू विल डू द कवर्ड कॉल इन द सेंस कि क्योंकि आपके पास वो म्यूचुअल फंड है या निफ्टी 20 है, दोनों में से कुछ भी है चलेगा, तो आपको निफ्टी का ओटीएम कॉल बेचना है। निफ्टी का ओटीएम मई का या जून का, आपको निफ्टी का ओटीएम कॉल बेचना है, उससे आपको या तो रेंट मिलेगा, और अगर रेंट नहीं मिलती जगह अगर वो आपका निफ्टी ऊपर चला गया, यानी कि आपका जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा और निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगा, तो आपको निफ्टी 20 आपको बेचने का मौका मिल जाएगा, एंड वो आपको हायर रेट मिलेगा, क्यों, कि आपने ये स्ट्रेटेजी लिया हुआ है। तो अभी इसमें सपोज आप 15,500 का निफ्टी मई का कॉल बेच रहे हैं 170 में, अभी आप अपना ऑप्शन चेन में देखेंगे ये भी रेट मेरा ये पुराने वाले रेट है, अभी आप जून का देखेंगे तो आपको रेट मिल जाएंगे, जब मैंने स्लाइड बनाया था तो थोड़ा 15-20 दिन पुराना वाला स्लाइड है, तो 15,500 का जो निफ्टी का जो मई का कॉल था वो 170 रुपए में बिक रहा था, तो आपने 170 रुपए में अपना अपना ये आपने निफ्टी का अपने कॉल बेच दिया। सिनेरियो वन में क्या होगा,
अगर आपका निफ्टी 15,500 से नीचे बंद हुआ तो यूर गेन इन द कॉल इज फुल 170 रुपीज, तो 170 इंटू 50 8,500 का आपको किराया आ गया, यानी कि एक महीने का आपको किराया मिल गया 8,500 म्यूचुअल फंड से, आपको 8,500 का किराया आपको मिल गया, विच इज इक्वलेंट टू 1% रेट, यानी कि आपको मई का महीने का 1% आ गया, फिर जून में भी 1% आ जाएगा, यानी कि एक साल का आपको 12% का आपको रेंट आपको मिल रहा है विद यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ओनली। आपको म्यूचुअल फंड तो आपको रिटर्न 6 से 8% दे रहा है साल का, और 12% आपको यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन हम कोई भी ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगेन फिर आपको अगेन यू हैव टू कम टू योर थॉट प्रोसेस एंड आपको सोचना है कि यार कि मैं निफ्टी मैं म्यूचुअल फंड खरीद के इसको भूल जाता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड को मैं छोड़ देता हूँ कि यार जो होगा देखा जाएगा 10 साल के बाद देखूंगा। अरे लेकिन 10 साल में वो किराया तो आपका गया ना। अभी जैसे आपने कोई ये घर खरीदा और घर को ताला लगा के आप बैठ गए तो घर का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है, 10 साल के बाद में जब आप घर बेचेंगे तो आपको अप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगा, लेकिन रेंटल का तो नुकसान हो गया क्योंकि आप ताला लगा के बैठ गए थे, और वही अगर आपने किराए पे भी दे दिया तो आपको किराया भी आ रहा है और आपका एप्रिसिएशन भी हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड से या निफ्टी भी से आपको किराया भी मिलना चाहिए और आपका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हैं तो आपको दोनों चीज मिल रहा है, तो ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। और सिनेरियो नंबर 2 में अगर आपका वो निफ्टी भाग गया 15,500 के ऊपर तो उस वाले केस में आपको अपने निफ्टी 20 बेचने हैं या आपको म्यूचुअल फंड आपको बेचना है, लेकिन जो आप बेच रहे हो तो आपको 6% का रिटर्न आ रहा है उस एक महीने में, मतलब जो रेंट आपको 1% मिलता था वो आपको 6% का आपको उस महीने में आपको फायदा हो गया उस म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड से अभी आपको दोस्ती नहीं है, आपको कोई लव मतलब जो कहते ना मेरे को मेरा लॉन्ग टर्म वाला मेरा व्यू नहीं है, हमको बहुत मौका मिलेगा उसको वापस खरीदने का। अभी आप बिजनेसमैन की जैसे सोच रहे हो आप, तो आपने वो अपने म्यूचुअल फंड या निफ्टी बेच दिए क्योंकि आपका ये मई का जो प्राइस था वो 15,500 के ऊपर चला गया, तो आपको गेन हो गया 6% वाला जो हम इक्विटी में करते थे। तो हम कवर्ड कॉल जब BPCL या HPCL में कर रहे हैं, जैसे मुझे वहां पे मुझे जब शेयर बेचने पे प्रॉफिट होता था, सिमिलर मेरे को म्यूचुअल फंड और निफ्टी 20 में फायदा हो रहा है। अब आप बोलोगे यार यार मेरा तो म्यूचुअल फंड मेरे हाथ से निकल गया, मैंने इतने साल से रखा था, तो विल सी नाउ। अभी हम क्या करेंगे, ये करने के बाद में अगर मुझे मान लो मैंने डिलीवरी दे दिया तो मैं अभी मैं निफ्टी का पुट बेच दूंगा, तो निफ्टी का जब पुट बेचूंगा मैं 15,000 का या 14,500 का मैं पुट बेचूंगा, तो पुट बेचने से अगेन मुझे या तो किराया मिलेगा या फिर मुझे नीचे में वो निफ्टी 20 खरीदने का मौका मिल जाएगा या म्यूचुअल फंड मुझे नीचे में खरीदने का मौका मिल जाएगा। क्यों कि अगर निफ्टी गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, निफ्टी 20 भी गिरेगा, तो मैं वापस जो मैंने बेचे थे जो 6% का गेन आया था उस चीज को मैं वापस ले लूंगा, फिर मेरे को 10% या 8% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेट अस सी कैसे मिलेगा। तो आपने भी 14,000 का मान लीजिए निफ्टी का मई का पुट बेचा, उसमें भी आपके जो 70 रुपए प्रीमियम मिले हैं उसमें भी 2 सिनेरियो हैं। सिनेरियो नंबर 1 में अगर वो 14,000 के ऊपर बंद रहा तो आपको 8,500 रुपए का पुट पे गेन हो गया, विच इज इक्वलेंट टू 1% रेंट, 1% रेंट हो गया, पैसा आपके आपके पास ही है। मतलब वो आपने जो निफ्टी 20 या म्यूचुअल फंड बेच दिया था उसके बाद में भी आपको किराया मिल रहा है, मतलब आपने घर बेच दिया फिर भी आपको किराया मिल रहा है, क्या बढ़िया सिनेरियो है, और क्या चाहिए सर ज्यादा, 1 रुपया वो मिल गया। अगर मान लो वो वास्तव में अगर वो जो आपका निफ्टी जो था वो 14,000 के नीचे बंद हो गया तो इस वाले केस में आपको निफ्टी 20 या जो म्यूचुअल फंड है उनके भाव भी आपके इतने गिर जाएंगे कि आपको ऑलमोस्ट 9.3% का डिस्काउंट मिल रहा है करेंट मार्केट प्राइस पे। यानी कि या तो आप म्यूचुअल फंड अपना 6% प्रॉफिट बेच रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड आप 9.3% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। आप जो बताइए कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमको ये फैसिलिटी दे रहा है आज की तारीख में। आज मैं म्यूचुअल फंड लेता हूं तो जो भी मेरा करंट प्राइस है मुझे उस पर खरीदना पड़ता है या उस पर बेचना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी लगा के या तो मुझे किराया मिल रहा है या मैं 6% ज्यादा पे रेट बेच रहा हूं या मुझे 10% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो अगर आपको इक्विटी में काम नहीं करना है, अगर आपको शेयर्स में फ्यूचर में काम नहीं करना है, सिंपल और सिंपल अगर म्यूचुअल फंड में काम करना है तब भी आप ये करके आप इतना पैसा उसमें से कमा सकते हैं। तो मेरा ये था कि मैं ये आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यू कैन जनरेट मच मोर मनी फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड फ्रॉम योर इंडेक्स फंड। अच्छा इसमें क्या है कि आप जो ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं वो निफ्टी 20 विच इज इक्वलेंट टू लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप अगर आपका होल्डिंग है तो आप निफ्टी 20 में करोगे। अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो वो कॉपी करता है बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में सारे बैंक वाले शेयर है, तो अगर आपने फाइनेंस वाले में लगाया हुआ है जैसे ICICI का है, HDFC का है, जो म्यूचुअल फंड है
जो फाइनेंशियल वाला है वो उसमें करता है, तो वो फिर आप बैंक 20 से करेंगे, बैंक 20 में आपका 25 का होता है, सेम स्टोरी वहां भी लगेगी। और मिड कैप में अगर आपको करना है, बट मिड कैप में मेरे को निफ्टी अवेलेबल नहीं है, तो मैं मिड कैप में मैं नहीं कर पाऊंगा। मिड कैप का जो इक्विवेलेंट होता है वो जूनियर 20 होता है। और गोल्ड में अगर आपको सेम स्ट्रेटेजी करना है तो गोल्ड 20 में कर सकते हैं। गोल्ड का कॉल और पुट आपका एमसीएस में बिकता है, बट वहां पे उसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक किलो गोल्ड का वैल्यू 45 लाख है। अगर आपका एक किलो का गोल्ड है अगर है और उसको आप ये स्ट्रेटेजी लगाते हो, महीने का आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाओगे आप सिंपल ये स्ट्रेटेजी से। बट यू शुड बी प्रिपेयर टू गिव द डिलीवरी एंड यू शुड बी प्रिपेयर टू टेक द डिलीवरी। मतलब एक किलो गोल्ड देने को तैयार है, एक किलो गोल्ड लेने को अगर आप तैयार हो, आप हर महीना उस गोल्ड से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा लोगे स्ट्रेटेजी लगा। सर फिजिकल गोल्ड देना पड़ेगा हमें, फिजिकल गोल्ड देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और डीमैट फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जीरोधा में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जीरोधा जो है वो डिलीवरी वाला काम नहीं करता है, तो आपको कोई दूसरा ब्रोकर देखना पड़ेगा जहाँ पे भी आप गोल्ड को ले सकते हो, दे सकते हो। काफी सारे ब्रोकर जो है वो गोल्ड का फिजिकल में आप गोल्ड में आपको डीमैट फॉर्म में डिलीवरी देते हैं या डिलीवरी लेते हैं, वहां करेंगे, जीरोधा नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली। Sir, for this Nifty 20, suppose I don't have any mutual fund, so I can start this with buying Nifty 20. Yeah, Nifty 20 आप खरीद रहे हैं तो it is almost much better than your mutual fund. मैंने तो जो मेरा जो सेफ जो 100% सेफ स्ट्रेटेजी वाला जो वेबिनार था उसमें मैंने ये बताया था कि सारे म्यूचुअल फंड को बेच के आप एक निफ्टी 20 में आ जाओ, आपको सेम म्यूचुअल फंड है, आपको यहाँ पे 2% का तो सीधा सीधा महीने का वैसे ही फायदा हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो अपना 2.5% है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अपना सिर्फ 0.03-0.04% है, तो 2% का तो आपको एडिशनल फायदा होगा। प्लस आप 50 शेयर में आप जो है टॉप 50 कंपनीज में लगा रहे हो, तो दिस इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड। सो दिस लॉट इज दिस लॉट सर किस स्टेज में हमें करना चाहिए? तुरंत बेच के तुरंत मुझे आप अपना निफ्टी 20 ले लीजिए और फिर आप एक स्ट्रेटेजी चालू कर दीजिए। सर कोई स्टेज नहीं है कि इस स्टेज पे बेचें या इस स्टेज? नहीं नहीं नहीं, अरे आप जब एक जगह बेच के दूसरी जगह खरीद रहे हो आप, तो क्या फर्क पड़ता है चाहे आप आज बेचो चाहे आप 15 दिन बाद में बेचो, आप एक तरह म्यूचुअल फंड बेच रहे हो और उसी वैल्यू का निफ्टी 20 ले रहे हो, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम पे कर रहे हो ना। सर कैन वी अप्लाई दिस ऑन वीकली एक्सपायरी? किस पे? वीकली एक्सपायर पे भी आप कर सकते हो, यू कैन डू वीकली एक्सपायर, वो थोड़ा एक्टिव वाला करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रिटर्न ज्यादा आएगा आपको, बट वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, उसमें भी कर सकते हो। उसमें जो 1% रेंटल आ रहा है वो 1% का वो 0.3 आएगा, हर वीक 0.3-0.4 के आसपास आपको रेंटल मिलेगा, तो महीने का जो है आपका रेंटल 1.5 के आसपास आ जाएगा। ट्राई कर सकते हैं? हाँ ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है ये, पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल फंड लेके भूल गए हैं और जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, और ये म्यूचुअल फंड वाले हमारा इतना फायदा उठा रहे हैं, करोड़ों रुपया वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वो इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हम उनको म्यूचुअल फंड दे रहे हैं और वो पैसा हमारे पैसे को रियल मिसयूज कर रहे हैं। मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि वो हर साल कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों का म्यूचुअल फंड में, हजारों एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, वो आपका जो सचिन तेंदुलकर दिन में 50 बार आके बोल रहा है म्यूचुअल फंड लो म्यूचुअल फंड लो, अरे भैया तेरे को जाके क्रिकेट खेलना, हमको म्यूचुअल फंड में क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, उसको कौन पैसा दे रहा है? उसको पैसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना? तो म्यूचुअल फंड से तो इंडेक्स फंड में स्विच हो रही है। अच्छा, ऑन दिस गोल्ड बीज एंड गोल्ड, आई एम टोल्ड गोल्ड बीज देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लाइक इन निफ्टी बीज आल्सो, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2% कैसे 2% आएगा? वही आपका ब्रोकरेज आपका जो लगता है वो लगता है, डिलीवरी लेने का ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा। I am told it is better to trade actually in the gold commodities trade because you don't have to pay all this. नहीं problem वो कर सकते हो आप, वो gold में जाके पूरा gold कर सकते हो, लेकिन मेरे को अगर gold 20 में धीरे धीरे क्या खरीद रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि मैं एक साथ तो 45 लाख रुपए का gold 20 नहीं खरीद सकता मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने में जो है जैसे जैसे गोल्ड गिरता जा रहा है मैं हर महीने 500-1000 गोल्ड 20 खरीदता जा रहा हूँ मैं, और एक बार मैं वो accumulate हो गया then मैं I can use that strategy, otherwise you can do straight away there in MCX. आप कर सकते हो आप, बट वो सीधा 45 लाख से आपको करना है, यहां पे एवरेज तो सेम थिंग इन निफ्टी वर्सेस निफ्टी बीज, इवन इन निफ्टी बीज देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 0.8%। अरे बाबा, लेकिन यहां मेरे को छोटा छोटा लेने का मौका मिल रहा है ना, मैं आप म्यूचुअल फंड एक साथ खरीदते हैं क्या? आप मुझे बताइए 50 लाख का, या म्यूचुअल फंड आप 10 लाख का एक साथ लेते हैं क्या कभी? आप म्यूचुअल फंड का SIP करते हैं ना, अब SIP क्यों करते हैं आप? SIP इसलिए करते हैं कि आपका एवरेजिंग हो जाए, बराबर है ना? तो वही मैं निफ्टी 20 में एवरेजिंग कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम से 10 लाख का निफ्टी 20 खरीद लो, आप उसका एवरेजिंग करके एक बार अपना एवरेज कॉस्ट आ जाए
जैसा आप SIP म्यूचुअल फंड में लेते हो वैसे ही आपने निफ्टी 20 लिया और देन फिर आपने स्ट्रेटेजी चालू किया, ठीक है ना। अभी जैसे आपके म्यूचुअल फंड इकट्ठे हो गए आपके, आपके पास मान लो 20 लाख का पोर्टफोलियो है। अभी मैं बताता हूँ हमारे जो 100 मेंबर अभी सुन रहे हैं तो 100 मेंबर में कम से कम 80% लोगों के पास में 10 लाख के ऊपर के म्यूचुअल फंड है और वो जस्ट पड़े हुए हैं। अभी वो 10 लाख का म्यूचुअल फंड बेच के आप अपना निफ्टी 20 एकदम एक साथ ही खरीद दो एंड देन यू कैन यूज योर स्ट्रेटेजी। और जो नए इन्वेस्टर हैं, जो यंगस्टर हैं, दे कैन स्टार्ट विद द स्टेट अवे विद थोड़ा 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 करके निफ्टी 20 लेते जाओ। जैसे मार्केट गिरे फिर 1000 ले लिया, 500 ले लिया, 200 ले लिया, ऐसे करके अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लो एंड देन यू कैन डू दिस स्ट्रेटेजी। Sir, for the what call for Nifty Bees, we will have to put the same like to go to Market Watch and put that Nifty Bees May and then that way only, you know. Yeah, वही same Nifty Bees का trading होता है ना, तो Nifty Bees का even मैं तो कह रहा हूँ कि जो trading करते हैं आपको 10 share में trading करने के बजाय अगर आप सिर्फ Nifty Bees में day trading करो तो उसमें भी आप रोज का 2,000-3,000 रुपए कमा लोगे। क्योंकि Nifty Bees क्या है कि बहुत कम volatile है। निफ्टी 20 का जो डेली का मूवमेंट है वो 2-3 रुपए का मूवमेंट होता है उसमें। अभी आपको उसमें ये देखना है कि मार्केट गिरा निफ्टी 20 खरीद लिया, मार्केट ऊपर गया निफ्टी 20 बेच दिया, सिंपल। उसमें आप आराम से 2-3 हजार रुपए रोज का कमा लोगे। अगर आपने 10-12 लाख रुपए का अगर निफ्टी 20 का काम कर रहे हो आप, आराम से रोज का 3,000 रुपए आपको मिलेगा। सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना। सर व्हाट शुड बी आइडियल प्रीमियम फॉर दिस निफ्टी 20? आइडियल प्रीमियम मतलब आइडियल प्रीमियम रेंट रिसीव्ड जैसा 1% या आपको 1% मिलेगा। आपको इंडेक्स में आपको 1% से ज्यादा नहीं मिलेगा महीने का। स्टॉक में आपको 2% भी 3%-4% तक महीने का मिल जाता है। निफ्टी 20 में आपको 1% से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। 1%, 0.9, 1.1 आपको इतना रिटर्न आएगा रेंट में, क्योंकि ये वोलेटाइल कम है। वोलेटाइल कम बस निफ्टी 20 बोल के नहीं है ना, इट इज लाइक निपॉन समथिंग। हाँ, वो निपॉन का ही है। निफ्टी 20 जो है उसका जो म्यूचुअल फंड जो ऑपरेट कर रहा है वो निपॉन कंपनी कर रही है। उनका जो नाम है उसका शेयर का या इंडेक्स फंड का, वो नाम है निफ्टी 20 है। तो निफ्टी 20 डालेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ओनली निपॉन का है क्या, और कुछ कंपनी का भी है? नहीं, सभी कंपनियों के हैं, सभी कंपनियों के हैं। निपॉन का ही नहीं है, निपॉन, HDFC है, सबके हैं। पर बाकी का प्रॉब्लम क्या है कि वो लिक्विड नहीं है। अच्छा अच्छा, वो लिक्विड नहीं है। HDFC का अगर इंडेक्स फंड खरीदना है तो लिक्विड नहीं है। मेरे को HDFC कंपनी में जाना पड़ेगा, वहाँ AMC को रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तब तक तो यहाँ मार्केट कहाँ चला जाएगा। तो मेरे को ऐसी चीज लिक्विड चीज चाहिए ना, लिक्विड वाला। तो लिक्विड ये है, वेरी वेरी हाईली लिक्विड। क्या सर निफ्टी बीज नियरिंग द एक्सपायरी डेट बेचना चाहिए या कैसे? नहीं नहीं, वो तो आप तो सिनेरियो ले रहे हो ना, सिनेरियो 1 है या सिनेरियो 2 है, अकॉर्डिंगली तो आपको डिसीजन लेना है। जैसे हम इक्विटी में डिसीजन लेते हैं, इक्विटी में डिसीजन लेते हैं कि अगर वो मेरे कवर्ड कॉल से रेट का ऊपर चला गया तो मुझे डिलीवरी देना है, तो वो डिलीवरी जगह मैं निफ्टी भी इसका डिलीवरी दूंगा मैं। और म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड का डिलीवरी दे दूंगा, तो मेरे को 6% का फायदा हो गया 1% की जगह। तो पूछा था मुझे पहले ही सिनेरियो करना है, निफ्टी भी मैंने लेके बेच दिया, मुझे 1% बस है प्रीमियम। हाँ, तो फिर आप जो है आगे का पुट बेचते रहोगे 15,500 का, मतलब जैसे अभी रेट चल रहा 14,800, आपने 700 पॉइंट आगे का पुट बेचा है, आपने कॉल बेचा है, ठीक है ना। तो आप आगे का कुल बेचिए, इसका और ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं कि मुझे 1% नहीं, मैं 0.8 से हैप्पी हूँ, तो आप 16,000 का पुट, 16,000 का कॉल बेचिए, तो 16,000 तो रेट आएगा ही नहीं, तो आपको हर महीने 0.8% रेंटल आता रहेगा। अच्छा, वही सर मैं करना चाहती हूँ पहले से, निफ्टी बीज और बीपी सेल शेयर में, वो दो से मैं करूंगी। हाँ, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं, मई एक्सपायरी का मतलब कभी भी ले सकते हैं हम लोग, मई एक्सपायरी मतलब मई। नहीं नहीं, एक्सपायरी पे क्या रेट था मई का, जो 27 मई को जो क्या रेट होगा वो मैंने एनालाइज किया कि अगर रेट 15,000 या ऊपर रहा ऐसा। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज अबाउट 13-14 lakhs, ओके? क्यों? वी वर सेइंग ना, बोथ बाइंग एज वेल एज यू वांट टू, दोनों अगर कॉल और पुट का अगर आप दोनों काम करना है तो करीबन 13-14 लाख रुपए लगेगा। राइट, व्हाट यू आर सेइंग इन गोल्ड वी रिक्वायर 50 लाख है, 50 हां 46 लाख है अभी, 1 किलो गोल्ड का वैल्यू 46 लाख है ना। तभी आप वहाँ पे पुट बेचवाओगे, अभी आप वहाँ पे MCX में क्या करोगे, अभी रेट 40,000 रुपए चल रहा है और 44,000 का पुट बेचोगे।
ठीक है, 44,000 का पुट का आपको मान लो जैसे 600 रुपए मिल रहा है तो आपको 60,000 रुपए मिल गया। अगर वो 44,000 पर रेट नहीं आता, 44,000 के नीचे चला गया तो आपको 44,000 में डिलीवरी लेना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 44,000 माइनस जो आपने जो प्रीमियम लिया था। तो सेम स्ट्रेटेजी वाला लगेगा, प्रिंसिपल रिमेंबर। No, no, what I'm saying, we have to deal in 1 kg only, it cannot be 1 ounce or... Hey, वहाँ पे 100 ग्राम वाला भी, 100 ग्राम वाला भी है, 100 ग्राम वाले को मिनी गोल्ड बोलते हैं वहाँ पे, बट उसमें लिक्विडिटी नहीं है, उसमें इतना लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड जो है वो 1 kg वाला है। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम लिक्विडिटी का सबसे बड़ा। अभी आप वो सर बैटल क्या है, मिनिमम सर बैटल क्या है कि हम लोग निफ्टी बीज में करें या हम शेयर्स में करें, बेटर क्या है? निफ्टी बीज आई विल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो बीपीसीएल का शेयर है तो बीपीसीएल के शेयर में कीजिए, म्यूचुअल फंड को कन्वर्ट करके निफ्टी बीज में जाइए, ये बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें वोलेटिलिटी नहीं है तो अच्छा है ना, मेरे को हर महीने किराया आएगा, आई एम वेरी हैप्पी ना। Okay. मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, मेरे को 1% किराया आया, आई एम वेरी हैप्पी, तो बढ़िया है ना, जितना आ रहा है वो तो आ ही रहा है, प्लस एप्रिसिएशन भी आपका हो ही रहा है निफ्टी बीज में, क्योंकि इट इज एन इंडेक्स फंड, तो योर एप्रिसिएशन विल बी अराउंड 15-16% पर ईयर, तो वो रिटर्न आ ही रहा है, प्लस रेंट भी आ जा रहा है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ मेरे को 15% ही आता था, या म्यूचुअल फंड वर्सेज निफ्टी बीज में 15% रिटर्न अगर आपको निफ्टी बीज में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में 13% आएगा, 2% कम आया, प्लस आपको रेंट भी आ रहा है। అవి ఆబ్జెక్షనబుల్ వర్డ్స్ అని స్కాన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. అదే నాకు చెప్పాడు కదా ఫోన్ చేసి, మదర్ ఆఫ్ కవర్డ్ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ, ఏ ఆప్ సబ్ లోగ్ సీఖ్ లీజియే బస్, ఏ అగర్ హో గయా నా आपको कुछ नहीं सोचना है, ओनली दिस इज द सारे स्ट्रेटेजीज का जो एक जो है ना वो है, दिस इज द मदर ऑफ कवर्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, दैट इज द रियल स्ट्रेटेजी। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सेल योर ऑल शेयर्स, ऑल म्यूचुअल फंड को बेच दीजिए, इरेस्पेक्टिव दिमाग के मत लगाइए, सारे शेयर बेच दीजिए, सारे म्यूचुअल फंड आपने बेच दिए हैं, एंड यू हैव टू कीप द कैश रेडी इन द बैंक जहाँ के आपको 6% का ब्याज मिल रहा है। अगर आपने मान लो शेयर नहीं बेचते हैं या म्यूचुअल फंड नहीं बेचते हैं तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने अपने अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होगा, बट मेरा सजेशन ये है कि यू सेल ऑल योर कैंसर है ये, व्हेन यू कीप 100 शेयर और व्हेन यू कीप 50 म्यूचुअल फंड, इट इज अ कैंसर इन द बॉडी, इस तरह से वो आपका जो है वो जो खून पी रहे हैं, तो हमारे को इन सबको बेच देना है और ये बेच के हमको उसको कैश में कन्वर्ट करना है और बैंक में रखना है, हमको 6% गारंटेड मिल रहा है, दैट इज नंबर वन स्टेप। नंबर टू स्टेप, अभी आपको क्या करना है, अभी आप कोई भी 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू कैन टेक HDFC बैंक, यू कैन टेक रिलायंस, यू कैन टेक इन्फोसिस, यू कैन टेक BPCL, IOC, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, यू जस्ट टेक 2 or 3 or 5 स्क्रिप मैक्सिमम, जितना आपका पैसा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या करना है, नाउ जस्ट यू डोंट बी कैरीड अवेट बाय TV वाले क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्या वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, ये सब आपको फंसाने के लिए है, तो जस्ट उनको मत सुनिए, आप अपना 3 शेयर सेलेक्ट कर लो, 3 शेयर को आपको अभी वॉच करना है। ओके, नाउ क्या करना है आपको, नाउ अब आपने जो 3 शेयर सेलेक्ट किए थे, सपोज आपने BPCL सेलेक्ट किया, एक आपने रिलायंस सेलेक्ट किया और एक आपने इन्फोसिस सेलेक्ट किया, अभी इसमें आप ब्रेकडाउन का वेट करो, जब भी ये शेयर 3%, 5%, 10% गिरते हैं, कभी ना कभी आता है मौका, ये महीने में आपको 3-4 मौके मिलेंगे जब आप ये देखोगे शेयर आपको 2-4-5-6% गिरेंगे, अब हो सकता है अपना जो स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है जैसे आपका रिलायंस है, रिलायंस इतना नहीं गिरेगा लेकिन BPCL आपका गिरेगा, 5% गिरेगा, ठीक है ना, तो वो अभी आपको देखना है कि ये शेयर आपका कब गिरा है, वो आपको वॉच करना है, ठीक है। नाउ जिस दिन पे वो शेयर आपका गिर गया, 5-7-10% आपका शेयर गिर गया, उस दिन आपको पुट बेचना है with the target price to buy with a further 5-10% discount। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर BPCL का शेयर है, BPCL का शेयर अगर 450 रुपए में ट्रेड हो रहा है तो मैं 400 का पुट बेचूंगा, तो यानी कि मुझे ऑलरेडी 10% का डिस्काउंट मिल गया और शेयर ऑलरेडी जो 460 चल रहा था वो ऑलरेडी 440 पे या 450 पे आ चुका है, यानी कि ऑलरेडी BPCL का शेयर गिर चुका है, या रिलायंस का शेयर ऑलरेडी जो 2000 पे चलता था वो 2000 वाला आज 1900 रुपए में चल रहा है, तो ऑलरेडी मेरा वो शेयर 5% गिर गया है। ओके, अब वो 5% गिरने के बाद में मैं उसके ऊपर और 5-10% का मैं डिस्काउंट लगा के मैं OTM का पुट बेचूंगा,
यानी कि मेरा जो सेफ्टी मार्जिन है देखिए कितना बढ़ गया, मेरा 10 या 15% मेरा सेफ्टी मार्जिन बढ़ गया जो आज की जो रेट है उससे। तो ये मैं पुट सेल करूंगा, सबसे पहले जो मेरे पास कैश पड़ा था वो मेरा सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में मैं पुट बेचूंगा, दैट इज नंबर वन स्टेप। अभी अगर ये पुट आईटीएम हो जाता है, आईटीएम का मतलब क्या बताया मैंने कि आपका जो जो प्राइस है वो उससे नीचे चला जाता है, यानी कि जो आपने पुट बेचा है मान लो बीपीसीएल का आपने 400 का पुट बेचा है और वो 400 का पुट अगर आपका आईटीएम हो जाता है यानी कि वो पुट का पुट जो स्पॉट प्राइस है वो 400 के भी नीचे चला गया, तो वो वाले केस में आप शेयर खरीद लेंगे जो आपने ऊपर पैसा इकट्ठा किया था, जो आपने सारे शेयर बेचे थे जो म्यूचुअल फंड बेचे थे उसमें से जो आपको पैसा मिला था वो पैसे से आपने 20% नीचे थे बीपीसीएल खरीद लिया। सो दैट इज द नंबर टू स्टेप, अगर वो बीपीसीएल आईटीएम हो जाता है तो आप शेयर खरीद लोगे। अगर वो आईटीएम नहीं रहता है ओटीएम ही रहता है, मतलब कि वो पुट से प्राइस ऊपर रहता है, तो आप अपना रेंटल इनकम आपने कमा लिया उस महीने का, आपको रेंटल इनकम आपको आ गया, ठीक है। अभी एक और ये साइकिल आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आप वो शेयर को खरीद नहीं ले, जब तक आपके वो शेयर जो खरीद आपने खरीद नहीं लिए, जो आपने पुट बेचा है हर महीने जो पुट बेच रहे हो, जब तक वो शेयर आप खरीद नहीं रहे हो जब तक आपकी पुट ओटीएम नहीं हो रही है तब तक आपको रेंटल आता रहेगा, और जिस दिन भी जिस महीने भी वो आपका आईटीएम हो गया तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। तो जब तक आप शेयर नहीं खरीदते हो आप ये साइकिल को रिपीट हर महीने आप अपना किराया कमाते रहो, दैट इज द नंबर वन स्टेप पे टू डू। नाउ दूसरा क्या करना है, एक बार आपने शेयर खरीद लिया उसके बाद में आपको अभी कॉल बेचना है, अभी आपको अब स्ट्रेंगल नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सेफ वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कॉल बेचा, आपका आईटीएम हो गया, तो आपने शेयर खरीद लिया, आप शेयर खरीदने के बाद में आप उसको पुट बेचना है, और उसके लिए आप थोड़ा सा उसका करेक्शन का वेट करो जिससे क्या कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो जैसे शेयर थोड़ा ऊपर जाए आपको उसका कॉल बेचना है, और इसमें भी सेम अगर कॉल का आईटीएम हो जाता है यानी कि वो आपका कॉल का रेट आपके स्पॉट प्राइस से ज्यादा चला जाता है, मतलब स्पॉट प्राइस आपके उससे ऊपर चला जाता है, तो आप अपना डिलीवरी दे दोगे, यानी कि आप अपना शेयर जो आपने शेयर खरीद देते थे उन शेयर को आप बेच दोगे। अगर तो और अगर मान लो वो नहीं चाहता है ओटीएम ही रहता है तो आपको उसका किराया मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि आप एक साइकिल में काम कर रहे हैं, आप पहले पुट बेच रहे हैं, पुट बेचने के बाद में कॉल बेच रहे हैं, कॉल अगर रेट ऊपर चला गया तो डिलीवरी दे देंगे तो आपको 8 से 10% का रिटर्न आ जाएगा, और अगर वो ओटीएम ही रहा तो आपको रेंटल आ जाएगा, और तब तक रेंटल आता रहेगा हर महीने करोगे आप, क्योंकि शेयर आपके पास है हर महीने आप बेचते रहोगे। जिस दिन भी वो आईटीएम आ जाएगा आप डिलीवरी दे दोगे, और डिलीवरी दे दोगे तो आप शेयर बेच दोगे, आपका कैश आपके पास आ जाएगा। तो आप जो है एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो नीचे में खरीद रहे हो ऊपर में बेच रहे हो, ओके। सो इसमें आपको 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बनाओगे, 90 क्या मैं तो 100% प्रोबेबिलिटी आप पैसा कमाओगे। 10% प्रोबेबिलिटी है जब वो शेयर आपके उससे भी नीचे चला जाए, तो उसमें अपने को एक दो महीने वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर मौका मिलेगा, क्यों कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में काम कर रहे हो, आप वो फालतू वाले शेयर में इंडिया बुल टाइप शेयर में काम नहीं कर रहे हो जो नीचे जाता जाएगा। आप जो है वो टाटा मोटर जब गिरा था 800 से 100 रुपये आ गया था, ऐसे शेयर में काम नहीं कर रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग शेयर में कर रहे हो, इन्फोसिस में काम कर रहे हो आप, HDFC बैंक में काम कर रहे हो, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो उसमें तो 100% प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉफिट का है, अगर कभी किसी महीने में वो शेयर नीचे चला भी गया तो थोड़ा वेट कर लो वापस आ जाएगा। सो सर TCS में भी कर सकते हैं, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, टॉप के 10 शेयर ले लो, उसमें किसी भी शेयर में करो आप ये काम, आंख बंद करके काम करो आप पैसा कमाओगे आंख बंद करके। तो इट इज मच बेटर देन डायरेक्ट इक्विटी फ्यूचर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जहां आपको 50% प्रोबेबिलिटी है और लॉस की है, यहाँ पे 90% प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट की। एम विल स्ट्रेटेजी विद डिसिप्लिन, बस इसमें आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको कैरिड अवे नहीं होना है, आपको रोज रोज शेयर का भाव नहीं देखना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया महीने के एंड में जाके अपना आप देखिए कि आईटीएम है ओटीएम है, अपना काम खत्म करो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। जैसे हम किराया हर महीने घर किराया दिया है, महीने के एंड में जाती है जैसे मकान मालिक किराया लेता है, वैसे आप अपने तो किराया ले लोगे या उसको बेच दोगे। तो कवर्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी वर्क ऑन द कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग विद अ सेफ्टी मार्जिन, यानी कि आप कॉन्ट्रेरियन आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो बट आपको सेफ्टी आपको एडिशन मिल रहा है। सो हियर द रूल इज ऑलवेज लव द प्रॉफिट, दैट इज ऑलवेज लव द रेंटल नॉट द शेयर। शेयर को प्यार मत करो, प्रॉफिट को प्यार करो, विच इज द बिगेस्ट इशू विद ऑल ऑफ अवर रिटेल इन्वेस्टर। हमको इतना हमारा माइंड अटैच्ड है
ये मैंने बीपीसीएल का शेयर 10 साल से रखा हुआ है, ये आईटीसी का शेयर 25 साल से रखा हुआ है, ये मेरे फादर ने खरीदा था, ये मेरे ग्रैंडफादर ने लिया हुआ था, बी ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की जैसे बिहेव करोगे यू विल ग्रो मच फास्टर, यू विल कम टू द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो दिस इज द मदर ऑफ कवर स्ट्रेटेजी। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टार्ट दिस स्ट्रेटेजी। अगर आप वो सारा जो मैंने पहले का बताया वो भूल भी जाते हैं, सिंपल और सिंपल ये वाली स्ट्रेटेजी करते हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दिस इज द फादर ऑफ एवरीथिंग। फादर बोलो, मदर बोलो, कुछ भी बोलो, ये स्ट्रेटेजी करोगे आपको कभी नुकसान होने वाला नहीं। क्लियर सर? इसमें रेट कम होने के बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉल सेल करनी है, तो हम रेट कम होने के बाद क्यों मतलब उसको करना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने बोला था ना जिस दिन 5% वो गिरेगा, हाँ, उस दिन आप करिए। हाँ, उस दिन करेंगे तो उससे क्या कि मेरे को मेरा सेफ्टी बढ़ जाएगा। मेरे को सेफ्टी लेना है, पहले मुझे सेफ्टी लेना है कि आपका जैसे बीपीसीएल का शेयर है, अभी बीपीसीएल का 450 का रेट चल रहा है, ठीक है। अभी आपका अभी वो ऑलरेडी आपका 10% गिर गया है, मान लीजिए वो 480 से 450 ऑलरेडी आ गया है। अभी मेरे को और सेफ्टी चाहिए, तो मैं 400 का पुट बेच रहा हूँ, तो मुझे और 10% का सेफ्टी मिल गया, तो मैं सेफ्टी मैं इसमें मेरे को सेफ्टी पहले चाहिए, ठीक है ना। तो या तो मुझे किराया मिलेगा, सेफ्टी मतलब प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ज्यादा, ब्रेक इवन मिल गया ना, मुझे शेयर खरीदना नहीं पड़ेगा जब तक 400 ना आ जाए। भाई मेरे को वो शेयर तब खरीदना पड़ेगा जब 400 को नीचे चला जाए, तब मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा। तो मेरे को 400 से 450 का मुझे सेफ्टी मिल गई, 50 रुपए का मेरे को मार्जिन मिला हुआ है, 50 रुपए तक मैं आराम से आई एम सेफ, मुझे रेंटल मिलेगा। 50 रुपए तक अगर शेयर गया तो मेरा किराया पक्का है, जब 400 के नीचे जाएगा तो मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां से सर यही स्ट्रेटजी, अगर मैं यही स्ट्रेटजी अगर मैं 480 पे करती तो फिर मुझे मतलब 400 पे नहीं मिल, मतलब हमें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता, फिर ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, ज्यादा वो तो स्ट्रेटजी मैंने पहले बताया हुआ है। ये स्ट्रेटजी क्या है कि ये बिगिनर्स के लिए या जो थोड़े से कंजर्वेटिव है, पैसिव टाइप लोग है, उन लोगों के लिए है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। कुछ मत कीजिए, ये समझ नहीं आया, ये करते रहिए। हां क्या सर, इसमें एक प्रॉब्लम ये समझ नहीं आया कि आपने कहा कि जब वो 5% गिरेगा आप उस दिन पुट बेचिए। हां मुझे तो ट्रेडिशनल सेफ्टी चाहिए। अरे बाबा, इसका मतलब यह है कि वो बीपीसीएल 470 ट्रेड हो रहा था 3 दिन पहले, उस दिन मैं पुट बेचने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उस शेयर को पहले गिरने का वेट करो। जब वो 470 से 445 आ गया या कल 440 अगर आ जाता है, उस दिन अगर आप पुट बेचोगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, ज्यादा किराया, ज्यादा किराया मिलेगा। वही अगर मैं 480 के दिन, 480 के दिन अगर मैं 400 का अगर पुट बेचता तो मुझे किराया मिलता ओनली 0.5%, और वही मैं जब 440 पे पुट बेचूंगा 400 का, तो मुझे किराया मिलेगा 2%, ठीक है ना। तो जब भाव गिरे तब अपने वो पुट बेच रहा, ठीक है ना। आपका शेयर बहुत ज्यादा गिर गया है और अगर आपने कॉल बेचा और आपको डिलीवरी देना पड़ गया तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। Now, sir, इसको हम sir, ये एक, वाला जो स्ट्रेटेजी है इसको पिक्टोरियली बता रहा हूँ मैं आपको। पिक्टोरियली अगर हम बताएंगे कैसे देखेंगे तो क्या है, एक एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। मेरा नाम घाटे है। यदि मुझे डिलीवरी लेने या देने के फंदे में पड़ना नहीं है, हाँ, और मैं कवर्ड स्ट्रेटेजी में जाता हूँ, यानी कि अगर ATM या ITM या OTM में मैं कॉल एंड पुट साथ में बेच देता हूँ, तो देर इज अ गुड चांस ड्यूरिंग द मंथ दैट आई सी ए गुड प्रॉफिट एंड एग्जिट आउट ऑफ इट। मैंने बताया था ना आपको, व्हेन यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर और व्हेन यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, यू विल टेक ITM एंड ATM कॉल एंड पुट, उसमें आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको प्रॉफिट बाहर निकलने के। एंड देन again in the same month you can enter again another round of profit. Correct you will get lot of opportunity, but wo thoda advanced logon ke liye hai, advanced walon ke liye aise maine zyada usme focus nahi kiya. You can do that and I am doing that only. Sir lekin wheel strategy better kyun keh rahe hain? Option wheel strategy better karke isme koi tension hi nahi hai, isme aapko koi tension hi nahi hai, aapko aapko better hai, aapko har mahine kiraya aa raha hai shanti se na, aapne apna ghar le liya, apna kiraya aapko har mahine shanti se aa raha hai, और आपको कुछ नहीं चाहिए। जो आपको कुछ नहीं आता था म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में आप लेते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ ना सिर्फ वो जब एनआईवी बढ़ता है तभी पैसा मिलता है,
यानी कि जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता तब मिलता है। घर खरीद लिया, घर को आपने ताला लगा के बंद कर दिया, ऐसा ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ले लिया, ताला लगा के म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया। मुझे किराया चाहिए, किराया चाहिए तो मुझे स्ट्रेटजी लगाना। ओके, तो नाउ वी विल गो विद इसी चीज को, स्ट्रेटजी को सी इन पिक्टोरियल फॉर्म। Sir, that means I have to monitor share price every day. इसमें for wheel strategy? नहीं 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 wheel strategy का ये advantage है कि आपको महीने में जाके, महीने के end में जाके decision लेना है। महीने के end में आपको देखना है कोई ITM हुआ है, कोई OTM हुआ है, कुछ नहीं करना है। Okay? अभी आप इसको pictorial form में देखिए कि इसको अपन देखेंगे तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले महीने में आपका एक लोट का कैश अवेलेबल है, यानी कि एक लोट का आपने वैल्यू निकाल दिया। बीपीसीएल का एक लोट का मेरे को वैल्यू 5 लाख रुपए आ रहा है और 5-6 लाख रुपए आपके आपके अकाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले महीने में आपने कैश सिक्योर्ड पुट आपने बेचा। ओके, अभी इसको बेचने के बाद में या तो वो रेट ऊपर जाएगा या रेट नीचे जाएगा। अपन मान लेते हैं कि साहब जो है वो शेयर का भाव ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो आपको अपना रेंट मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वापस आपको अगले महीने में जाके आपको वो साइकिल को रिपीट करना है। सिंपल, पुट बेचा, शेयर का भाव पुट की रेट से ऊपर गया है, जो भी रेट पे आपने पुट बेचा था उसके ऊपर रेट गया तो आपको अपना किराया मिल गया और आपने नेक्स्ट महीने में आप फिर वही साइकिल रिपीट करो। अभी आपका वो शेयर का भाव गिर गया, जो आपने पुट बेचा था उससे भी उसका रेट नीचे चला गया, उस वाले केस में आप शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको, तो आपको वो डिस्काउंट में 15-20% डिस्काउंट में आपने वो अपना माल आपने खरीद लिया। ये वाले केस में अभी आप, क्योंकि आपने शेयर खरीद लिया है तो नेक्स्ट महीने में आप वो पुट तो नहीं बेच सकते क्योंकि आपने शेयर खरीद लिया है और आपको एक ही लॉट का पैसा था, तो अगले महीने में आप कॉल बेचोगे, यू विल सेल कवर्ड कॉल। अब कवर्ड कॉल बेचने के बाद में फिर दो सिनेरियो आएंगे कि वो शेयर ऊपर चला गया या शेयर नीचे चला गया। अगर वो शेयर उसके नीचे रहता है तो आपका आपका रेंट मिल गया। वो आपने कवर्ड कॉल बेचा था 400 का, अगर बीपीसीएल है और आपने 450 का कॉल बेचा और रेट अगर आपका नीचे रह गया तो आपका आपको किराया मिल गया। फिर आप ये साइकिल को रिपीट करते रहोगे जब तक आपको किराया मिल रहा है, हर महीने किराया मिलता जा रहा है, जब तक आप आपका शेयर आपकी प्राइस से ऊपर नहीं चला जाता है कवर्ड कॉल की रेट से, तब तक आप ये अपनी साइकिल रिपीट करते रहोगे। तो अगर आपका शेयर ऊपर चला गया तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, मतलब आपको शेयर बेचने पड़ेंगे। उस वाले केस में आपको 4 गुना रेंट मिल जाएगा, बट आप अपना डिलीवरी आप बेच दोगे, आप उसमें अपने शेयर से या अपने घर से प्यार नहीं करोगे, आप अपना शेयर का डिलीवरी से दे दोगे, आपको 4 गुना प्रॉफिट। फिर आप जो कैश आपके पास आ गया, शेयर बेच दिया, अगेन आप जो है नेक्स्ट महीने में जाओगे, आप यू विल स्टार्ट विद द फ्रेश कैश सिक्योर्ड पुट आप चालू करोगे। तो ये ऐसे व्हील स्ट्रेटेजी चल रहा है, ये गया ऊपर गया तो ये किया, नीचे गया तो ये किया। सिमिलरली जब मैंने शेयर आने के बाद में ऊपर चला गया तो ये किया और नीचे गया तो ये गया। ये है वन लॉट में। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो ज्यादा पैसा है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें। अगर आपके पास 2 लोट का पैसा है, यानी कि आपके पास 15-20 लाख रुपए है, तो आप व्हील स्ट्रेटेजी उसमें कैसे लाओगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक पुट बेचेंगे। आपको पैसा 2 का है लेकिन आपने पुट आपने एक बेचा तो आपका एक रेंट आपके पास आ गया। ठीक है, अभी आपका वो शेयर ऊपर चला गया तो आपको जो रेंट आया था वो रेंट आपका हो गया, मतलब दैट मीन्स कि रेंट आपके पास हो गया और आपने कुछ नहीं किया, तो ये साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। एक ही से किया है, एक ही का बेचा और आपका रिपीट हो गया। अभी आपका शेयर नीचे चला गया, नीचे चला गया तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, तो आपने शेयर को खरीद लिया। उस वाले केस में अभी हम जो है स्टेप नंबर 2 में आ रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप एक कॉल बेचेंगे और एक पुट बेचेंगे, क्योंकि एक शेयर आपने एक लॉट खरीद लिया है, पैसा आपके पास 2 का था तो एक जो शेयर खरीदा तो उसमें एक आपका लॉट काम आ गया, तो अभी आप क्या करेंगे, एक कॉल बेचेंगे और एक पुट बेचेंगे तो आपको 2 रेंट और मिले। अरे एक रेंट तो पहले मिल गया था और 2 रेंट आपको और मिले तो टोटल आपको अभी 3 रेंट मिल गए, 3 गुना आपको किराया मिल चुका है। अभी इसमें फिर वही सेम, शेयर आपका नीचे जाता है या शेयर आपका ऊपर जाता है। अगर आपका शेयर ऊपर गया, शेयर नीचे गया तो जो आपने अभी आपको एक लॉट और खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपका शेयर नीचे चला गया है ना, तो एक लॉट आपने और खरीद लिया। बट और अगर आपका शेयर ऊपर चला गया है तो आप अपना शेयर को बेच देंगे। जब आपने शेयर बेच दिया तो वापस आप स्टेप नंबर 1 में आ जाएंगे, और अगर आपने शेयर आपने खरीद लिया था क्योंकि शेयर नीचे चला गया था,
तो आप स्टेप नंबर तीन में जाएंगे और तीन में जाके अभी आप दो कॉल बेचेंगे क्योंकि दो लॉट आपके पास इकट्ठे हो गए। अच्छा दो लॉट बेचेंगे तो आपको दो किराया और मिलेगा, यानी कि टोटल पांच किराया मिल गया आपको, एक किराया स्टेप नंबर वन में, दो किराया स्टेप नंबर दो में और तीन में आपको दो किराया आपको और मिल गए, तो आपको टोटल पांच किराए मिल गए। इसमें भी फिर वही, अगर शेयर अगर आपका नीचे रहता है तो आप ये साइकिल को रिपीट करते जाएंगे, हर महीने आपको दो किराया मिलता रहेगा, और अगर शेयर ऊपर चला गया तो अगेन आप जो है आप शेयर बेच दोगे और शेयर बेचने के बाद में अगेन आप जो है स्टेप नंबर वन में आ जाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक एक लॉट वाला था वो सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको करेंगे तो आप ये वाला स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। सर कॉम्प्लिकेटेड तो इतना नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पांच किराए मिले हैं ये तीन महीने में मिले ना सर हमें, हर एक महीने में थोड़ी मिले? तीन महीने। अभी ये है जो हमारे होता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेरा ऑप्शन सेलिंग का जो प्राइस है मैं कैसे डिसाइड करूं, मैं कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी सपोर्ट प्राइस क्या है और मेरी रेजिस्टेंस प्राइस क्या है, जो बेस्ट प्राइस है ओटीएम के लिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि कॉल और जो पुट का जो कितना ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट जहां सबसे ज्यादा होता है कॉल का वो एक रेजिस्टेंस होता है, और जो पुट का सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो सपोर्ट होता है। तो जो जितने भी जो बड़े लोग होते हैं, जो DIIs हैं, जो FIIs हैं, वो बेसिकली सेलर है, हम लोग सब बायर है, मतलब हम लोग नहीं, अपना ये ग्रुप तो अभी हम सेलिंग हम वो वाला को कॉपी कर रहे हैं जो HNI या जो FIIs करते हैं, वरना जो इंडिया की जो पब्लिक है 99% जो पब्लिक है वो सदा बायर होती है। तो ये जो FIIs और जो DIIs हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्रिएट करते हैं, मतलब वो ये कोशिश करते हैं कि शेयर इसके बाहर ना जाए, मतलब रेजिस्टेंस के बाहर ना जाए, सपोर्ट के नीचे ना जाए, तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कॉल और पुट बेचा हुआ है, हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल रहा है। अब इसमें तीन तरह के हमको देखने हैं, क्या नोट करना है, हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट और उससे भी नेक्स्ट हाईएस्ट, कि कॉल देखना है और पुट देखना है, यानी कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसमें है, उसके बाद में नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट किसमें है, उसके बाद में उससे भी नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट कितना। तीन हमको कॉल देखना है कॉल साइड में और तीन हमको पुट साइड में देखना है। इसमें जो हाईएस्ट कॉल जो होगा जो एक नंबर वाला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वन है, जो उसके वाला जो हाईएस्ट कॉल है वो रजिस्ट्रेशन नंबर दो है, और जो उससे भी हाईएस्ट वाला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर तीन है, मतलब R1, R2 और R3, मैं भी आगे चार्ट में दिखाता हूँ आपको। सिमिलरली पुट के अंदर जो सबसे ज्यादा वाला है वो सपोर्ट वन है, यदि S1, देन उसके बाद वाला S2 एंड सबसे ज्यादा जो वो उसके बाद में है वो S3 होता है। इसमें जो मोस्ट लाइकली जो रेंज है सोचिएगा, ये इसको बोलते हैं थ्री सिग्मा रूल, ये स्टैटिस्टिक्स का रूल है जो कि बोलता है कि 68% प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी और 99.7% प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो शेयर का भाव है उस महीने के अंदर 68% प्रोबेबिलिटी है वो R1 और S1 में रहने का, 95% प्रोबेबिलिटी है वो R2 और S2 में रहने का, और 99.7% प्रोबेबिलिटी है कि वो शेयर जो है वो S3 और R3 के अंदर रहेगा। तो ये जो आपने IAS से जो डेटा निकाला था उसको यहाँ जाके मैंने स्टैटिस्टिक्स को रिलेट किया है, जो आपने पढ़ा है अपना कॉलेज के टाइम पे वो देखो हमारे भी यहाँ पे कैसे काम आ रहा है। तो फर्स्ट सपोर्ट एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 68% वन स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं उसमें काम करते हैं। जो सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड सपोर्ट है वो 95% प्रोबेबिलिटी वाला है, दैट इज द टू स्टैंडर्ड डिविएशन, वो मॉडरेट वाला काम करता है। और जो थर्ड वाला है जो मोस्ट कंजर्वेटिव है, अगर वो इसमें करेगा तो वो 100% सेफ रहने ही वाला है, 99.7% प्रोबेबिलिटी है कि वो भाव उसमें रहेगा ही रहेगा। नाउ लेट अस सी विद एन एक्चुअल एग्जांपल। ये अभी आप जो है 7 मई का एक्चुअल BPCL का ऑप्शन चेन है, ओके। अब ये ऑप्शन चेन के अंदर ये मैंने आपको पहले बताया था कि 400 का कॉल या 400 का पुट ATM है, OTM है या ITM है। तो जो आपके येलो वाला पोर्शन है उसमें वो सब आपके ITM कॉल थे, ये मैंने बताया था। सिमिलरली पुट जो है वो नीचे वाला जो आपका पिंक वाला पोर्शन है वो पुट वाला पोर्शन है, OTM वाला पुट जो है वो व्हाइट वाला पोर्शन है, और कॉल वाला पोर्शन आपका नीचे वाला है, और सेंटर वाले आपके ITM और ये वाले हैं, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप देखिए मैंने ये R1, R2 और R3 लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके रेजिस्टेंस है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज्यादा OI है वो आपका R1 पे है, जो कि ATM के ऊपर नजर आ रहा है, देखिए 2738,
मतलब इतने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन खड़े हैं वहां पे, तो दैट इज आर वन। सिमिलरली आर टू और आर थ्री, यानी कि उस दिन जो करीबन 4-5 दिन पहले का बात है, उस दिन जो था आपका बीपीसीएल का भाव जो है 500 के ऊपर जाने के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस, तो ये डेटा बोल रहा है विच इज आर थ्री, लेकिन 480 जाने के चांसेस हैं और 450 तो पक्का आपका रेजिस्टेंस है, यानी 440 अगर 450 का रेजिस्टेंस तो कभी भी टूटेगा, तो ये दिखा रहा है। सिमिलरली जो S1 जो आपका सपोर्ट है उसमें भी आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का कहाँ है, देन नेक्स्ट हाईएस्ट जो आपका 755 वाला जो है वो आपका S2 है, और जो उसके आगे वाला है वो S3 है। तो इस तरह से आप अगर अपना OTM प्राइस सेलेक्ट करेंगे, देन यू कैन डिसाइड जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि मेरे को कौन से वाले पे खेलना है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रहना है आप R3 और S3 देखिए, अगर आप मॉडरेट टाइप इन्वेस्टर हैं आप R2 और S2 लीजिए, और बहुत एक्टिव टाइप हैं R1 और S1 लीजिए। ये आपको कहाँ से नजर आ रहा है, जो ऊपर मैंने एरो दिखाया है वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है एक, और एक है चेंज इन प्राइस। ये मैं नेक्स्ट चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं वो नेक्स्ट चार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़ा और एडवांस में है, लेकिन ये जो बेसिक था इससे आपको बस ये देखना है कि मेरे को कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब मुझे कौन सा प्राइस पे सेल करना है, वो R1 R2 R3 देखना है, उधर S1 S2 S3 देखना है अपना। सर उसके लिए तो मुझे O1 सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखना है ना, ओपन इंटरेस्ट देखना, ओपन इंटरेस्ट देखना है। जो आगे वाला चार्ट जो मैं स्लाइड दिखाऊंगा वो थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस है, उसको थोड़ा देख लीजिए, उसका फोटो ले लीजिए, और फिर समझ में आए तो देखना आप, नहीं तो आप इसी बेसिस पे आप अपनी प्राइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सर पुट, सर पुरानी वाली स्लाइड पर S1 S2 कैसे डिसाइड किया सर? S1 S2 वाला नंबर ऑफ OI जो है ना, OI सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा OI पुट का AI है 1036 पे, 1036 पे, तो दैट इज S1। उससे जो नेक्स्ट है वो 755 है, दैट इज S2, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो 728 है, वो S3 वो 400 पे है, यानी कि 99.7% प्रोबेबिलिटी है कि ये शेयर S3 और R3 दैट इज 400 और 500 में ये महीने में ट्रेवल करेगा। अच्छा सर एक चीज और, इस चार्ट में ये नहीं मालूम चलता है कि कितने लोग पुट बेचने हैं के लिए खड़े हैं या कितने और कितने पुट बायर हैं, वो दिख रहा है ना आपको चेंज इन OI से आपको पता चले टोटल ओपन कितना ये खड़ा मिल जाएगा, चेंज इन OI में मतलब कल के मुकाबले में आज कितना हुआ है वो आपको ओपन इंटरेस्ट पता चल जाएगा, लेकिन अभी कितने खड़े हुए हैं ये आपको वहां पे आपको वॉच लिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। कहां से सर? वॉच लिस्ट में। ओके सर, बात लिस्ट में जब आप 450 का देखोगे तो उसमें नीचे नजर आ जाएगा कितने सेलर खड़े हैं कितने बायर खड़े हैं, बट वो उसकी अभी जो क्या रेट चल रही है वो यहाँ से पता चल जाएगी, जो ऊपर है ना ये आस्क प्राइस बिड प्राइस वहां से देखोगे तो करंट रेट आपको वहां से पता चल रहा है, लेकिन उसमें कितने लोग हैं वो यहाँ से पता नहीं चल रहा। ठीक है ओके, तो ये चार्ट से आपको सर फिर हमें किस पे, तो सर हमें फिर किस पे काम करना है, इस वाले चार्ट पे करना है काम या वो सपोर्ट वाले पे करना है? नहीं नहीं, आपको अगर कॉल बेचना है, कॉल बेचना है तो आपको R3 वाला कॉल बेचना है, और पुट बेचना है तो S3 वाला पुट बेचना है, विच इज द मोस्ट कंजर्वेटिव वाला जो है बिगिनर्स के लिए वो है, आप R3 S3 पे काम करो, सवाल नहीं तो ज्यादा ज्यादा R2 पे चले जाओ, R2 और S3 पे चले जाओ, विच इज फेयरली कंफर्टेबल, यानी कि 410 का कॉल पुट बेचा और 480 का कॉल बेचा, विच इज फेयरली ओके, तो उसमें आपको थोड़ा रीजनेबली अच्छा रेंटल मिल जाएगा, R3 S3 पे बहुत कम रेंटल आएगा। सर लेकिन मैंने जैसे मई में यही चीज देख के 1300 का इंफोसिस बेचा था R2 पे, लेकिन आज वो R1 पे आ गया, क्योंकि इंफोसिस हो सकता है, वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल गया, पर प्रोबेबिलिटी का गेम है ये प्रोबेबिलिटी के उस दिन का जो सिचुएशन था उस दिन ये सिचुएशन था, अब हो सकता है महीने में सिचुएशन चेंज हो जाए, मार्केट बहुत गिर गया, मार्केट बहुत बढ़ गया, इंफोसिस के रिजल्ट अच्छे आ गए या इंफोसिस का गाइडेंस खराब आ गया, तो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फिगर है, बट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएंगे तो ये बोल रहा है। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी ये जो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो ऊपर एक मिनट देखिए ऊपर जो मैं दिखाया चेंज इन OI, मतलब एवरीडे आपका जो ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हो रहा है, ये थोड़ा अभी बहुत ज्यादा एडवांस है, थोड़ा सा उसको सुन लीजिए, बस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है और चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, ये भी अगर आप डेली ट्रैक कर रहे हैं तो जो ये नेक्स्ट चार्ट है इसके बेसिस पे आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसका फोटो ले लो आप, अभी आप चेंज इन प्राइस देखो, चेंज इन OI देखो एवरीडे बेसिस पे, तो ये आपको ये इंडिकेट करेगा
कि मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, स्लाइड फुल विजिबल नहीं है सर। क्या विजिबल नहीं है? स्लाइड फुल विजिबल नहीं है। नहीं विजिबल है, विजिबल है, अरे आपके नेटवर्क में विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल विजिबल। तो ये काफी एडवांस है, काफी एडवांस है। अगर आपको ज्यादा इसमें स्टडी करना है तो आप जो है अपना प्राइस कितना चेंज हुआ है एवरीडे, ओआई कितना चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वो शेयर गिरने वाला है या शेयर ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट फिक्स करके लिए है तो ये आपको करने का जरूरत नहीं है एवरीडे। ये नॉर्मली डे ट्रेडर के लिए यूज करता है कि भाई कल मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर चलेगा, तो आपको ये ऑप्शन चेन से पता चल जाएगा। ऑप्शन चेन को स्टडी करके आप यू कैन फाइंड आउट कि कल क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वो साइंस है, ये साइंस अपन ये यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको आप फोटो ले लो एंड देन आप देखो एक बार स्टडी करके देखो कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। बट इनवेरिएबली ये होता है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ओके, नाउ वी विल गो हाउ टू इम्प्लीमेंट द कवर्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसका जो इम्प्लीमेंट करने का, अभी तो हमने देख लिया था मदर स्ट्रेटेजी देख लिया था, अभी इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैं अभी आपको मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, उसको मैंने इसमें इस वाली स्लाइड में डाला है कि कैसे अपने को ये इम्प्लीमेंट करना है। नंबर वन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी टारगेट सेल प्राइस डिसाइड करो, टारगेट बाय प्राइस डिसाइड करो। टारगेट सेल प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, टारगेट सेल प्राइस डिसाइड करोगे जो कॉल का प्रीमियम, कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है, कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम, ये मेरा टारगेट सेलिंग प्राइस है। बीपीसीएल 450 में चल रहा है, प्रीमियम मेरे को कॉल का 20 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए पुट का मिल रहा है, यानी कि 490 रुपए में मैं बेचने को तैयार हूँ। तो एक टारगेट आपने ये डिसाइड किया। सिमिलरली टारगेट बाय प्राइस डिसाइड करोगे आप, कैसे डिसाइड करोगे, पीई का जो प्राइस है माइनस कॉल माइनस पी प्रीमियम, माइनस पी प्रीमियम माइनस कॉल प्रीमियम एंड माइनस पी प्रीमियम, यानी कि 450 का रेट चल रहा है, आपने 400 का पुट बेचा, उसमें आपको 20 रुपया कॉल का प्रीमियम आया, 20 रुपया पुट का प्रीमियम आया, 40 रुपया, यानी कि मैं 360 पे बीपीसीएल खरीदने को तैयार हूँ और 490 में मैं बेचने को तैयार हूँ। ये आप अपने पहले टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे डिसाइड कीजिए मैच बराबर चले बराबर, या आप ये म्यूट कर दीजिए सबको, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज, मस्त मैच चले। या तो आप ऐसे टारगेट फिक्स कीजिए, या फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे इतना किराया चाहिए, 1% 2% 3%, और उसके हिसाब से आप अपनी कॉल या पुट के प्राइस डिसाइड कीजिए। दैट इज द प्रिंसिपल नंबर वन। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है उसके बाद में आप क्या कीजिए कि 5 to 7 weeks बिफोर एक्सपायरी, मतलब कि आपका जैसे जून का महीना है तो जून के महीने का जो एक्सपायरी है वो है 29 जून का, तो 29 जून के 5 or 7 weeks पहले, यानी कि अभी जो पीरियड चल रहा है वो करीबन 5-6 weeks का है, एक्चुअली उसका 1 week पहले से, उस समय अगर आपको अगर कोई रेट मिलती है तो वो रेट आपको बहुत बढ़िया मिलती है, मतलब उससे बढ़िया रेट आपको प्रीमियम का कभी मिलेगा नहीं। तो उसके ऊपर आपको अपनी आंख गड़ा के रखनी है, जो बोलते हैं ना ईगल आई अर्जुन का आई, वो आपको देखते रहो कि मुझे वो प्राइस अगर मिल जाए या मेरा ट्रेड अगर उस पर एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब आपको बाई वाली रेट नहीं लेनी, आपको सेल वाली रेट देखनी है, और सेल वाली रेट पे भी आपको 5-5 पैसे कम करके रेट डालना है, कहीं मार्केट करके ले लिया तो बहुत मस्त हो जाएगा आपको, तो आपको सदा लिमिट रेट डालना है। तो 5 or 7 weeks के पहले आप देखो, आपको बहुत बढ़िया प्रीमियम मिल जाएगा, और वो अगर प्रीमियम आपको मिल गया बढ़िया पैसा मिलेगा, देन उसके बाद में क्या करना है, एक बार आपने कर लिया, अभी आपको 1 week के पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर देनी, यानी कि मई की जो आपको पोजीशन है वो 1 week पहले, यानी कि जैसे 27 तारीख को अपना ये एक्सपायर होने वाला है, तो समवेयर अराउंड 19-20 मई के आसपास में हमको ये पोजीशन से बाहर आ जाना है। सिमिलरली जून में अगर 29 का महीना है तो उसके 6-7 दिन पहले हमको बंद हो जाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो ये है कि आपको जो हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है लास्ट वीक के अंदर, उससे आप बच जाएंगे, जो अभी आपको 20-30% दे रहा है, आपको लास्ट वीक के अंदर आपको 100% तक मार्जिन देना पड़ेगा, तो उससे आप बच जाएंगे नंबर एक। दूसरा, जो वाइल्ड वॉलिटिलिटी होती है लास्ट वीक के अंदर, उस इफेक्ट से आप बाहर निकल जाएंगे, मतलब आप आराम से शांति से काम करके निकल जाएंगे। तो ये आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल आपको देखना है, 1 week पहले हमको बाहर निकलना है, मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर करनी है। और जब आप एक पोजीशन पहले सर मतलब कि रेंट ले लेना है, खाली रेंट ले लेना है, मतलब नहीं, आपको अपना पोजीशन स्क्वायर कर लेना है, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा कम रेंट मिल रहा है, थोड़ा कम रेंट निकल के बाहर निकल जाएंगे, मैं भी वो वाला साइड पे आ रहा हूँ। तो 1 week पहले आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे,
और जब आप बाहर निकल गए तो आपका मार्जिन रिलीज हो गया, और जो जो आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको 75-90% तो आप मैक्सिमम रेंट मिलेगा। जो प्रॉफिट आपका टारगेट था उस टारगेट का आपको 75-90% मिलेगा, क्योंकि आप एक वीक पहले निकल रहे हो, और जब आप एक वीक पहले निकल रहे हो तो उतना थोड़ा सा रेंट आप छोड़ दे रहे हो आप, तो आपको इतना रेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। लेकिन वो रेंट में कॉम्प्रोमाइज करने से आपको फायदा क्या हो रहा है कि आप जून में शिफ्ट कर जा रहे हो आप, क्योंकि आपका मार्जिन रिलीज हो गया। तो जब मार्जिन रिलीज हो गया तो आप उसी मार्जिन को आप जून में यूज कर रहे हो, तो आपने अपनी पोजीशन रोल ओवर कर दी, और जब पोजीशन रोल ओवर करी तो आपको किराया भी अच्छा मिला, मतलब आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। वही अगर आप जून में जाके अगर आप अपना वो बेचोगे तो आपको किराया कम मिलेगा। तो अपने को 5 या 7 वीक पहले एंटर होना है, 1 वीक पहले बाहर निकल जाना है, और 1 वीक पहले निकल के अपने को अगले महीने में शिफ्ट हो जाना है, अगले महीने की किराए की तैयारी करनी है। सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो मैंने बताया था, OTM का जो रेजिस्टेंस और पुट एज का हाईएस्ट OI है, वो हमारे सेफ प्राइसेज है। अब उसमें हाईएस्ट में H1 अपना वो R1 R2 R3 वो देखना है कि मुझे कौन सा वाला ज्यादा सेफ लेना है। जो कंजर्वेटिव होते हैं वो फार OTM लेंगे, फार OTM जो होता है वो R3 होता है, सिमिलरली जो आपका S3 होता है, और एग्रेसिव वाला जो होगा वो OTM नियर वाला लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिसाइड करना है। नाउ अभी आप पूछेंगे कि सबसे अच्छा टाइम कौन है, तो बेस्ट टाइम टू सेल पुट इज व्हेन द स्टॉक इज ऑलरेडी फॉलन बाय 5-10%, यानी कि जब आपका शेयर 5-10% गिर गया है, उस समय अगर आप अपना पुट बेचोगे तो आपको एडिशनल 10% का आपको सेफ्टी मिल रहा है, यानी कि 20% का सेफ्टी मिल गया। या फिर ये ऐसा देखो कि जो शेयर लगातार 4-5 दिन से गिरता जा रहा है, आप एवरी डे अगर प्राइस चेक करोगे, BPCL का प्राइस चेक करो, एवरी डे देखो कि वो एक दिन में तो 5-10% नहीं गिर रहा है, बट हर दिन वो 1% गिरता जा रहा है, तो एक वीक के अंदर वो अगर 8-10% गिर गया तो ये भी अच्छा मौका है पुट को पुट बेचने का। तो वो आपको अपने को ट्रैक करना है कि वो शेयर लगातार गिरा है, एक दिन में गिरा है, लेकिन बेचना अपने को पुट तब है जबकि वो शेयर गिर जाए। सिमिलरली जो कॉल आपको तब बेचना है जब वो शेयर या तो बढ़ जाए 5-10%, या वो रोज 1-2% बढ़ के 5 दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक अच्छा मौका है बेचने का उसको। दैट मीन्स कि वहाँ पोजिशन बिल्टअप हो रही थी और अभी ऑपरेटर कभी भी माल बेचने वाला है, तो अपने को उसके पहले बेच के निकल जाने का, तो वो अपने का बेचने का टाइम। तो अच्छा, लेकिन ये तो हो गया जब आप ये एक एक स्ट्रेटेजी ले रहे हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेंगल कर रहे हो तो स्ट्रेंगल में तो आपको कोई भी व्यू पता नहीं है। स्ट्रेंगल में आप नॉर्मली ये मान के चल रहे हो कि मेरा व्यू नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 5 या 7 वीक के पहले आप जो भी रेट है उस पर ले लो, आपको फायदा होगा। और उस समय फिर आप 5-7% नहीं भी देखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि उस समय अकॉर्डिंगली वो कॉल और पुट का प्राइस एडजस्ट होता है। तो अगर आप 7-6 वीक पहले अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच रहे हो तो बेच दीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि मार्केट गिरा या नहीं गिरा। सो दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। इफ बियरिश और बुलिश अगर आपकी स्ट्रेटेजी है, अगर आपका व्यू है कि ये शेयर गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, तब आप अपना ITM के प्राइसेस को आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या मेरे को ITM पे बेचना है या ATM पे बेचना है, इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ब्रेक इवन आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसमें एक प्रिंसिपल और है, स्टेगर्ड और स्केल ट्रेडिंग। ये स्टेगर्ड या स्केल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके 5 कॉल का पैसा है या 5 फुट का पैसा, एक साथ ये नहीं कि धड़ाक से लेके 5 कॉल बेच दिया या 5 फुट बेच दिया, पहले एक बेचो फिर वेट करो, फिर अगर 2-3% का अगर आपका विनिंग पोजीशन हो रहा फिर एक बेचो, या अगर आपका लूजिंग हो रहा तो फिर एक बेचो, इससे क्या क्या होगा, एवरेजिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी मौके मिलेंगे आपको बाहर निकलने के। नहीं तो क्या है कि अगर आपने एक साथ बेच दिए तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, लेकिन फंस गए तो फिर लंबा फंस जाओगे। तो हमारे को सेफ्टी पहले लेना है, जो मेन प्रिंसिपल है वो अपना ये है कि पहले अपना बचाव करो। अगर हम बच गए, हमारा कैपिटल बच गया, तो मैं लंबा चलूंगा, और मैंने बड़ा रिस्क ले लिया, बड़ा एक साथ ही मैंने 5 कॉल बेच दिया और मैंने सारे माल मेरा निकल गया, तो आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। तो इसको बोलते हैं स्टेगर्ड ट्रेडिंग। 380 का बेचा, फिर 360 का बेचा, फिर 340 का बेचा, ऐसा कर, वो मैं आगे बताऊँ। जो डे ट्रेडर होते हैं इनके लिए स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, इज ओनली फॉर एग्रेसिव या जो आप एक्टिव ट्रेडर हैं उनके लिए है। कि अगर आप बुलिश हैं तो आप फ्यूचर बेचिए और फ्यूचर के साथ में ATM कॉल बेच दीजिए। तो आपने क्या कि दोनों अपोजिट रिवर्ट अपोजिट स्ट्रेटेजी ले लिया, तो आपने अपना पोजीशन हेज कर लिया। और सिमिलरली अगर आप बेरिश हैं तो पहले फ्यूचर बेचिए और उसके साथ में पुट बेच दीजिए, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस का आप एनालाइज करो, और डे एंड में आपको 15-20% या 2 दिन में 25% के आसपास प्रॉफिट आता निकल जाओ। ये एग्रेसिव लोगों के लिए है,
एक्टिव लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, बट जो पूरा दिन बैठे हैं वो लोग ये कर सकते हैं। अभी जैसे कल यूपीएल एकदम से भाव बढ़ रहा था और लग गया था कि यूपीएल आज बहुत जाने वाला है, या बीपीसीएल का पता चल गया था कि साहब बिजनेस में न्यूज आ गई है बीपीसीएल गिरने वाला है। तो जब भी ऐसा लगे फ्यूचर बेचो, उसके साथ में कॉल भी साथ साथ बेच दो, तो कॉल जो बेचोगे उसका जो प्रीमियम मिलेगा वो आपका सेफ्टी का काम करेगा, ऊपर शेयर जाएगा तो थोड़ा कॉल में लॉस होगा, फ्यूचर में डबल फायदा होगा, दोनों को बेच के बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट लेके बाहर आओ। तो ये उनके लिए है, याद इसमें ये रखो सदा कि 75-90% मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी आपको मिल रहा है अपने को शिफ्ट कर जाना। कभी भी पूरा लालच मत करो, पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश मत करो कि मैं तो एंड तक ही जाऊंगा, उसमें आप बहुत सारे मौके छोड़ दे रहे हो आप। नंबर एक कि आपको जो है जो रोल ओवर का जो मौका मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा प्रीमियम देना, ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। तो अपने को क्या है कि थोड़ा सा छोड़ दो टेबल पे और 75-80-90% प्रॉफिट मिल गया। जैसे 20 रुपए का अगर आपने कॉल बेचा है और आपको 18 रुपए मिल रहा है, तो 18 रुपए में 2 रुपए में इसको छोड़ दो और बाहर आ जाओ, 2 रुपए में इसको स्क्वायर कर दो, 2 दिन वेट करोगे तो 2 रुपए ही मिलेगा, नो डाउट। लेकिन आपको जब 18 रुपए मिल गया तो आपको जून में शिफ्ट होने में जून में रेट आपको ज्यादा मिल जाएगा, वही रेट अगर आप जून में जाके करोगे तो कम मिलेगा। तो ये याद रखो कि अपने को थोड़ा सा छोड़ देंगे लेकिन आप अगले महीने शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिस वाज द व्हाट आर द रूल्स। सर ये जैसे अपन मान लीजिए हमने बीपीसीएल का एग्जांपल देते, बीपीसीएल का पुट हमने सेल करा 400 रुपीज का और वो डिलीवरी के समय सपोज 380 हो गया, तो हमको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ी सपोज 380 रुपीज में। ओके सर, एंड देन प्राइस कम होता 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 मान लीजिए उसका 350 या 340 रुपीज हो गया, देन फॉर व्हाट अमाउंट वी शुड सेल द कॉल? क्योंकि अगर हम मैं बता दो, मे बी मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एडजस्टमेंट वाली है, कैसे एडजस्टमेंट करना है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अभी 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 ये जो है मेरी एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल का मैं भी लिंक भी आपको दे दूंगा मैं अभी आपको। इसमें आपको क्या करना है कि ये एक्सेल फाइल मेरी ये मैंने इसको शेयर भी की हुई है गूगल गूगल ड्राइव में है। इस फाइल को आप अपने अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लो और जो मैंने जो ये ब्लू पोर्शन डाला है सिर्फ वो ब्लू पोर्शन आपको आपको फिल करना है और आपको अपना पोजीशन को आप इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, रेंटल कितना आएगा, शेयर बेचोगे तो कितने बेचना है और खरीदोगे कितना करना है। सिर्फ आपको ये ब्लू पोर्शन भरना है, कुछ नहीं करना है। और हर दिन आपको जो है डे वन डे टू डे थ्री में आपको आपको जो है सिर्फ जो है आपका प्रीमियम का रेट डालना है। मतलब पहले दिन तो आप जो है डालोगे जिस दिन स्ट्रेटेजी लिया है उस दिन तो आप उसका कॉल का स्ट्राइक प्राइस, पुट का स्ट्राइक प्राइस डाला और प्रीमियम डाल दिया, मतलब आपने 6 सेल भरे। उसके बाद में डे वन में सिर्फ आपको 2 सेल भरने हैं, सिर्फ प्रीमियम का जो रेट चेंज हो रहा है। तो आप अपना पोजिशन अगर मॉनिटर करना है, अगर नहीं भी मॉनिटर करना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मॉनिटर करना चाहते हैं एवरीडे बेसिस पे या जिसको एग्जिट करना है बीच में 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद एग्जिट करना है, तो वो डेली बेसिस पे सिंपल ये आपको 2 फिगर डालना है पुट और पुट का और कॉल का, तो आपको अपना पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक है सर, आई हैव वन क्वेश्चन, सेलिंग अ कॉल विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू हैव द स्टॉक राइट? दैट इज द क्वेरी ओनली। या दैट्स करेक्ट ना? या जब शेयर होंगे तभी तो आप कॉल बेचोगे, नहीं तो फिर कवर क्या होगा? राइट राइट कनेक्टेड में चला गया। हां वही ठीक है ठीक है। तो ये वाला एक्सेल शीट में अगर आप करोगे तो आपको अपना मॉनिटरिंग करने में बहुत आसानी रहेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग फिर से ध्यान से देखिएगा कि आपको 2-3 लाख रुपए कमाना है। पिछली शीट में एक क्वेश्चन था। ठीक है हाँ सर, इसमें आपने क्या कहा कि हमें सिर्फ वो ये 225 और 240 इसी को ही रेट को चेंज करना है बस? नहीं नहीं नहीं, आपको पहला दिन जिस दिन आप स्ट्रेटेजी ले रहे हो उस दिन तो आपने ये 6 सेल करने कि आपने कितना करंट प्राइस था उस समय, वो एचबीसीएल का शेयर क्या रेट ट्रेड हो रहा था, लॉट साइज कितना है। अगर आप जैसे बीपीसीएल में कर रहे हो तो बीपीसीएल का रेट डालोगे, एचबीसीएल कर रहे हो तो एचबीसीएल का रेट डालोगे, और आपने कितने में कॉल में बेचा है और कितने में पुट में बेचा है। मतलब आपने 240 की कॉल बेची है 10 रुपए में और 200 का पुट बेचा है 8 रुपए, ये आपने पहले दिन आपने डिसीजन लिया था उस दिन आपने ये स्ट्रेटेजी लिया है, तो उससे आपको ये पता चल गया कि साहब मेरा प्रॉफिट का पोटेंशियल 21,600 रुपया है, 4.2% आएगा। अगर मुझे शेयर बेचना पड़ा तो मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा, खरीदना पड़ेगा तो इस रेट पे खरीदूंगा इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा करके आपने पहले दिन ये ले लिया। अभी जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन में आपको जो कॉल और जो पुट बेचा था उसका सिर्फ रेट डालना है,
इस एक्सेल शीट के अंदर, तो ये आपको रिवाइज पोजीशन प्रीमियम प्रीमियम का रेट, हाँ प्रीमियम का रेट, प्रीमियम का रेट डालना, जो 10 रुपया था आपने वो तो ऑलरेडी बेच चुके ना 240 200 का, तो वो चेंज नहीं होगा, वो तो अभी फिक्स हो गया। अभी जो प्रीमियम जो एवरीडे जो चेंज हो रहा है वो आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा अभी रेंट इतना हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या कैसा जा रहे हो या क्या होने वाला है, ये अपने को आगे काम आएगा जब मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको। ओके सर एक मिनट, ये जो एच है ना आपका एच, हाँ तो आपने एच कैलकुलेट किया है, इस एच कैलकुलेट करने में आपने जी माइनस ए इंटू बी कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से तो जी माइनस ये जो हमारा डिफरेंस भी तो आया है ना उसका प्रीमियम का, उसको कंपनसेट करेंगे हम। जी माइनस ए, जी जी क्या है, सेल सेल जो स्टॉक का अपर ब्रेक इन प्राइस है, तो उसमें से इसको जी माइनस ए, ए जो था करंट प्राइस था, तो वो सेल करने के बाद में आपका इतना मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा कि जी माइनस, लेकिन लेकिन अगर कॉल का स्ट्राइक प्राइस बढ़ गया, हां जी माइनस सी होना चाहिए, उसमें भी वो एक ही जगह आपका जो पुट का रेट आएगा, यूर राइट यूर राइट, ठीक है सर। अभी अपने को महीने का 2-3 लाख रुपए कमाना है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, अगर 25 लाख है तो अकॉर्डिंगली हो गया। अभी जो रिटायर्ड वाले जो लोग हैं उनके पास इतना फंड्स अवेलेबल है, अभी मेरे को उससे 2 या 3% लाख रुपए हर महीना कमाना है, तो ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट आपका 4-3% का रिटर्न हो रहा है मंथली रिटर्न। एफडी में रखता तो मुझे कितना मिलता, 6% के हिसाब से 3,000 रुपये, 50 लाख पे 30,000 रुपये मिलता, 30,000 की जगह मैं चाह रहा हूँ मुझे 2 लाख रुपये मिले, तो हम क्या करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे महीने के बिगिनिंग में ही, अगर आपने कर लिया तो यू कैन वर्क ऑन इट। क्या करना है, सेम वही सारे म्यूचुअल फंड बेच दे रहे हैं, सेविंग बैंक में अपना जो 6% इंटरेस्ट आ रहा है, 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, 5 शेयर आपको जो है लेने हैं निफ्टी 50 में से, डिफरेंट सेक्टर में से लेंगे, आज ये नहीं कि BPCL HPCL IOC ONGC एक ही सेक्टर में से लेंगे, डिफरेंट 5 सेक्टर में लो, एक बैंकिंग का ले लो, एक IT का ले लो, एक पेट्रोलियम ले लो, ऐसा करके 5 डिफरेंट सेक्टर आपने ले लिए, इनके आपने R3 और S3 का प्राइस आपको अपने को देखना है कि कितना मेरा हाईएस्ट रेजिस्टेंस S3 R3 या R2 या S2 कहां पर है। उसके बाद में सर ये R3 और S3 जो हमने देखना है सर, ये जिस दिन हम खरीदना चाह रहे हैं उस दिन की ऑप्शन चेन में, उस दिन का। अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि इनके प्राइसेस को आपको बहुत ही मतलब उससे देखना है कि क्योंकि आपको मौके कम मिलेंगे, तो अपने को पूरा ईगल आई रखना है R3 और S3 प्राइस के ऊपर। अभी नाउ यू सेल, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे को PE का सेल करना है, और मेरे को जो है अच्छा एक बार मैंने सबके PE सेल कर दिए, मान लो मैंने 5 शेयर सेलेक्ट किए थे, और 5 शेयर का जो है डिफरेंट इन्फोसिस उनका सेलेक्ट किया, उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो आ रहा है हर कॉल का, जैसे किसी का 4 लाख आ रहा है, पुट का 4 लाख आ रहा है, किसी का 5 आएगा, किसी का 7 लाख आएगा, तो टोटल 50 लाख के अंदर मेरी जितनी पुट बेच सकता हूं मैं उसका मैंने टोटल कर लिया, और उनके सारे का प्रीमियम का जो टोटल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये महीने में मुझे कितना रेंटल मिलने वाला है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपने 5 घर किराए पे ले लिए और 5 घर को आपने किराए पे दिया है, उनका आपको कितना किराया आएगा ये आपको महीने के बिगिनिंग में कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये है। तो 5 डिफरेंट सेक्टर सर, लेकिन अलग अलग सेक्टर का अलग अलग प्रीमियम होगा, तो उसका एवरेज भी हम देखेंगे। हाँ, तो टोटल करेंगे ना, किसी में हो सकता है जैसे बहुत जो स्टेबल शेयर होगा उसमें कम किराया आएगा, जो आपका वोलेटाइल स्क्रीप है उसमें ज्यादा किराया आएगा, यानी कि आप BPCL में ज्यादा किराया मिलेगा, IOC में कम मिलेगा, रिलायंस में और कम मिलेगा, इन्फोसिस में कम मिलेगा, तो आप अपना देखोगे कि मुझे टोटल उन 5 में 6 में कितना किराया आ रहा है। आप ज्यादा वोलेटाइल स्क्रिप्ट ले लोगे तो ज्यादा किराया मिलेगा, मतलब आपको अपना एक कैलकुलेशन करना है। मैं एक मैथमेटिकल तरीका, एक जो होता है ना, एक तरीका बता रहा हूँ, जो हम जो बोलते हैं ना कि जो अपने SOP जो होता है, हम कंपनी के अंदर SOP की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है कि आपको 5 डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं, उनका प्रीमियम निकालना है और प्रीमियम को टोटल करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस महीने में मेरे को इतना किराया तो कम से कम मिलेगा ही, ठीक है। अब इसके बाद में और इनका सबका आपका कैश अवेलेबल है, क्योंकि अगर ये ITM हो गए तो आपको डिलीवरी लेना है। अच्छा, ये सारे तो एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है एक ITM हो जाए, बाकी का किराया आएगा, तो लेकिन ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए।
अभी अगर वो एटीएम हो जाता है कोई, तो आप उसकी डिलीवरी ले लोगे, और डिलीवरी लेने के बाद में फिर उसकी आप कॉल बेचना चालू कर दोगे। अब कॉल बेचना चालू करोगे तो फिर उसका सबका प्रीमियम कैलकुलेट करना है। मान लो तीन कॉल बेची आपने, तीन का माल इकट्ठा हो गया, तीन का कॉल बेचा, उसका भी आप किराया कैलकुलेट करोगे टोटल, और वो टोटल ये किराया और पुट वाला किराया दोनों को टोटल करके देखोगे कि मुझे टोटल जो है कितना किराया इस महीने का आने वाला। तो कॉल बेच के करोगे तो आपको शेयर होना चाहिए, और पुट बेचोगे तो आपको कैश होना चाहिए। तो नाउ एक बार आपने ये महीने के शुरू में कैलकुलेशन कर लिया, अब इसके बाद में आपको रोज रोज नहीं देखना है। आप क्या है कि मैंने देखा है कि अपने यहाँ पे लोग एक बार बेचने के बाद में वो हर आधा घंटे में उसकी रेट देख रहे हैं, उसे कुछ नहीं होने वाला है। वो मार्केट तो आपका फ्लक्चुएट होगा, उसको छोड़ दो भी आप। आपने अपना किराया चेक कर लिया, उतना किराया आपको मिलेगा, या आप शेयर की डिलीवरी लोगे या शेयर बेचोगे, दैट्स ऑल। तो जस्ट डोंट ट्रैक द प्राइसेस ऑफ पीई एंड सी ऑन एवरीडे बेसिस, सिंस थीटा इफेक्ट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो लास्ट वीक में आता है, लास्ट वीक में जाके एकदम से इनकी वैल्यूज कम होती है। तो आप रोज रोज देखोगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ जब भी आपका 75-90% प्रॉफिट आ रहा जो मैंने बताया था, वो रोल ओवर करो, नेक्स्ट महीने में निकल जाओ। ये जो मैं शीट बता रहा हूँ उसका ये लिंक है, वो लिंक मैं या तो शेयर कर दूंगा अभी मैं, और वो लिंक से आप जो है वो जो एक्सेल शीट बनाई है, और वही सेम प्रिंसिपल 75-90% वाला। ये अभी जो मैंने ये शीट बनाई है इसमें अभी मैं पांचवें पोजिशन ले रहा हूँ। मेरे पास मान लीजिए 25 लाख रुपए अवेलेबल है, तो मैंने HPCL, BPCL, IDFC का, एक बैंक का, एक इंफोसिस IT का, एक रिलायंस के, मैंने पांच के पुट बेचे। पांच के पुट बेचने के बाद में मैंने इनका प्रीमियम कैलकुलेट किया, ये क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट वाला प्राइस लिया है तो मेरा किराया कम दिख रहा है। यही अगर मैं जून का करूंगा तो मेरा किराया काफी ज्यादा आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि जो मेरे को किराया मिल रहा है, वो किराया मिल रहा है मेरे को 52,000 रुपये पांच में बेचने के बाद में, जो मैंने कल की रेट ली है। कल की रेट में अगर मैं पांचों के पुट बेचता हूँ और मेरे पास अगर 20 लाख रुपए है, तो मेरे को 52,000 रुपये मिलने वाला है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.6% रेंटल फॉर ए पीरियड ऑफ 12 डेज। तो 27 तारीख को अपना महीना खत्म होने वाला है, ऑलरेडी आज जो है 15-16 तारीख हो गया, तो 1.6% का मुझे रेंटल मिलने वाला। ये अगर मैं जून का करूंगा तो ये मुझे रेंटल 3% के आसपास आएगा। और अगर मैं शेयर बेचना पड़ गया मेरे को मान लो, या शेयर मुझे खरीदना पड़ गया, तो ये मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाया। तो आप कुछ मत कीजिए, ये शीट को डाउनलोड कीजिए, इसमें 4-5 शेयर जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं, एक हो, दो हो, पांच हो, जितना कैश अवेलेबल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, किराया अपना डिसाइड कर लो, एंड चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो। एक हमारी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेडी का, एक हमारी 70 साल की लेडी है हमारे ग्रुप के अंदर, HPCL में शी वाज वर्किंग, शी इज अ 70-year लेडी, शी इज सिंपली डूइंग दिस स्ट्रेटेजी एंड शी इज अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। 5 लाख रुपया महीना कमा रही है, 70 साल की लेडी है, 70 साल की लेडी है, 5 लाख रुपीज, कभी 6 लाख रुपए, कभी 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रही है। सिंपल वो उसने अपना ये एक्सेल शीट बना रखी है, अपने वो कैश अवेलेबल है, उसके पास शेयर भी अवेलेबल है, कॉल बेचती है, पुट बेचती है, कैलकुलेशन करती है, और अपना किराया लेके महीने के एंड में आके निकल जाती है। बताइए आप। तो इसका जो लिंक है वो मैंने लिंक का वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं उससे आप ले सकते हैं। अब नाउ विल गो टू द एडजस्टमेंट। इसके अभी क्वेश्चन इसके पहले कि मैं एडजस्टमेंट पे जाऊंगा। हाँ बोलिए सर, एक बार वो पिछला वाला स्लाइड पे जाएंगे, जस्ट इसके पिछले वाला, इसके जस्ट पिछले वाला, इसके पिछले वाला वाला, हाँ ये वाला सर। इसमें अभी आप कह रहे थे यही था जिसने आपने कहा था 50 लाख है, तो आप वाज इट दिस वन, नहीं इसके बाद वाला शायद, अच्छा यही वाला, हाँ इसमें जो आपने 50, इसमें आपने जो 50 लाख कहा था वो 50 लाख यू आर टॉकिंग अबाउट दी दी व्हाट यू कॉल इट दैट मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और और लगे, ये पैसा वो है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, 1-2 lakh rupees, 3 lakh rupees आपको किराया महीने का मिलता रहेगा। तो आपको क्या माथा पूरी करने की जरूरत है, म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडेक्स फंड में, इधर पैसा रखना उधर रखना, कुछ मत करो। 50 लाख डालो, 2 लाख रुपए महीने का लेके चलेगा। जून का बेचो, अभी जून का बेचो, जून के महीने में जुलाई का बेचो, जुलाई का पुट बेचना है, अभी अपने को जून का पुट बेचना है,
तो आपको ये किराए मिल जाएंगे, फिर जून में आएंगे जुलाई का पुट बेचेंगे, फिर अगस्त का पुट बेचेंगे, बस कुछ नहीं करना, ये करना है। और वो मैंने एक्सेसिव बता दी आपको, ये एक्सेसिव बता दो सर। होल्ड सर, दिस इन दिस शीट इज देयर एनी करेक्शन इन दैट फार्मूला फॉर एच? वही वाला जो ए वाला जो है ना, वो चेंज कर दूंगा मैं इसको रिवाइज कर दी। G-C, G-A जो है उसकी जगह वो कॉल वाला सी आना चाहिए। Whether you'll go for that strategy or you'll buy five shares and do this. अरे वो आपके व्यू पे डिपेंड कर रहा है। अभी अपने आप खरीद नहीं रहे, हम तो पुट बेच रहे हैं ना इसमें पहले। हाँ, इसमें पुट बेच रहे हैं, वो भी अगले महीने का पुट बेच रहे हैं। तो अगले महीने का पुट अभी जब बेच रहे हैं जून का, तो शेयर गिरे या ना गिरे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग में चलते रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको थ्योरीज बताई है, अब वो थ्योरीज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो आप देखो। आप सर कहने का मतलब ये है कि हम फाइव लॉट एक ही शेयर्स के ले लें या अलग अलग फाइव स्क्रिप्ट लें? अरे वो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सब अपने को खुद को आपको डिसीजन लेना है। अगर हमको शेयर लेना ही, अगर हमको शेयर लेना ही है तो एट द मनी पुट भी बेच ले लो, सडनली शेयर भी ले लो। जो आपको मैंने आपको डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको जिसमें आप कम्फर्टेबल हो वो काम करो। कि आपको एटीएम बेचना है, ओटीएम बेचना है, आपको एक बेचना है, पांच डिफरेंट बेचने हैं, सब आपके ऊपर है। बट जो भी डिसीजन लो उस डिसीजन पे स्टिक रहो। फिर आप बीच बीच में फिर आप टेंशन में मत आओ। जो कि मैंने देख रहा हूँ अपने लोगों में हो रहा है, वो एक बार बेच दिया उनको रोज शाम को वो बोल रहे अरे यार ऐसा हो गया, अगर दो रुपए नीचे गिर गया मेरे को लॉस दिखा रहा है, मेरे को वो मत देखो। फिर मंथ एंड में देखेंगे, ठीक है ना? तो अभी इसमें कुछ नहीं है, तो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट हायर लेवल। अभी पीएचडी वाले लेवल पे आ रहा हूँ, अभी यहाँ तक अभी ये मेरे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अभी जो पीएचडी वाला एडजस्टमेंट पे आने वाला हूँ, कुछ है तो मुझे पूछ लीजिए भैया। ओके, सो आई विल गो टू द नाउ एडजस्टमेंट्स। ओके, अभी आपने कोई पोजीशन तो ले लिया, और पोजीशन लेने के बाद में आप ओटीएम वाले नहीं है, कंजर्वेटिव वाले नहीं है, आप जो है एटीएम और आईटीएम वाले हैं। तो अभी आपको डिफरेंट महीने में सिनेरियोज आते रहेंगे, आप सोचोगे यार मैं ऐसा कर लूँ क्या, वैसा कर लूँ क्या। तो आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे आपने एक इनिशियल पोजिशन ली है कि शेयर था 400 रुपये में, और 400 रुपये में आपने शेयर खरीदा, और 450 की आपने कॉल बेच दीजिए, मान लो 20 रुपये। जब आपने 450 की कॉल 20 रुपये में बेची है और एक्सपायरी डेज 30 से 40 दिन है, यानी कि हो सकता है आपने मई की बेची हो, हो सकता है आपने जून की बेची हो, अज्यूम करो कि 30 to 40 days का है और 20 रुपये में कॉल बेची है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? मैक्सिमम प्रॉफिट इज 70 रुपीज, एंड लोअर ब्रेक इवन इज 380 एंड अवर ब्रेक इवन इज 470। वो कैसे आया? जो 50 रुपये जो 20 रुपये का जो आपका था, जो आपका प्रीमियम है, उसको मैंने 450 में जोड़ा तो मेरा अपर का ब्रेक इवन आ गया 470, और अगर वो 400 से अगर मैं 20 रुपये नीचे करूँ, उससे नीचे जाएगा तो मुझे शेयर में लॉस हो रहा है, तो मेरा लोअर ब्रेक इवन है 380। ये एक सिनेरियो है, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है। अभी हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे। एक सिनेरियो आ गया, शेयर भाग गया ऊपर, 400 से शेयर आपका 445 रुपये हो गया। अभी आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे तो आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने शेयर को रिटेन कर लिया, क्योंकि 450 की कॉल को अभी भी रेट टच नहीं किया है, अभी भी आपकी जो कॉल 450 के नीचे चल रही है, तो आपने एक या दो दिन पहले एक्सपायरी के एक दो दिन पहले आपने उस कॉल को 2 रुपये में वापस खरीद दिया। अगर आप महीने के एंड तक जाते तो 0 में जा सकता था, लेकिन आपने उसको 2 दिन पहले ही या 4 दिन पहले 2-3 रुपये में उसको आपने कॉल को वापस खरीद लिया। तो वापस खरीदोगे तो आपका जो प्रॉफिट रियलाइजेशन जो पहले आपको 20 रुपये का होने वाला था, जो किराया 20 रुपये का आने वाला था, वो 20 रुपये के लिए 18 रुपये आएगा, क्योंकि 2 रुपये आपको वापस देना पड़ गया, ठीक है ना? लेकिन ये करने के बाद में व्हाट यू विल डू, यू विल सेल अनदर कॉल इन 30 रुपीज, यानी कि आप जून में शिफ्ट हो रहे हैं भैया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है 445 का जब रेट है तब आप अपनी पोजिशन को शिफ्ट कर रहे हो। तो पोजिशन को शिफ्ट करने के लिए आपने 450 की कॉल को खरीद लिया 2 रुपये में, और आपने 460 की कॉल जून की बेच दी, मतलब अगले महीने की आपने 460 की कॉल फिर 30 रुपये में बेच दिया, ठीक है? तो अब 30 रुपये बेचने से आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो पोटेंशियल यहाँ आ गया है वो 45 रुपये हो गया, क्योंकि 445 का रेट है, तो 445 के रेट पे 15 रुपये, वो 30 रुपये जो कॉल का प्रीमियम है, 45 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है,
लोअर ब्रेक इवन वही माइनस माइनस किया 400-475 का आया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्सेप्ट नंबर वन। 400 का जब 445 हो गया तो मैंने ये किया ओके, अभी 460 हो गया शेयर। दूसरा सिनेरियो होता है कि शेयर 460 हो गया, अब जब 460 का जब शेयर हो गया तो मैं क्या करूंगा कि इसका मतलब कि मेरी कॉल इन द मनी हो गई है, मैंने 450 की जो कॉल भेजी थी वो मेरी कॉल इन द मनी हो गई है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं लास्ट के एक दो दिन का वेट नहीं करूंगा, मैं 3-4 दिन या 5 दिन पहले ही 450 की कॉल में 10 रुपए में खरीद लूंगा। क्या किया मैंने, मेरी कॉल सुनिएगा, मैंने कॉल मेरी इन द मनी हो गई है, पहले वाले में 445 में मेरी कॉल इन द मनी नहीं हुई, यहाँ मेरी कॉल इन द मनी हो गई है। इन द मनी होने से मैंने 450 की कॉल को 3 या 4 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट रियलाइजेशन था वो 70 रुपए से मेरा जो 20 रुपए का था 20 रुपए में से उतना कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट रियलाइज 13-14 रुपए हो गया, मैक्सिमम में से कम हो गया, लेकिन एक्चुअल जो 20 रुपए में से 3-4 कम हो गया 16-17 रुपए का मेरा प्रॉफिट मेरा आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे कॉल को रोल अप करूंगा, कॉल को रोल अप में क्या करूंगा मैं, तो जो मैंने 450 की जो कॉल जो मैंने खरीदी थी जिसको मैंने स्क्वायर किया था उसको मैं 470 में 10 दिन पहले, मैं 10 दिन पहले जो है जो पहले वाला ऑप्शन था वो 3-4 दिन पहले करता था, दूसरा वाला ऑप्शन जो है मैं 10 दिन पहले 450 की कॉल को मैं 15 रुपए में खरीद लूंगा और 470 की कॉल उसी महीने में मैं फिर से बेच दूंगा। खरीद लूंगा और मैं उसके आगे वाली कॉल बेच दूंगा 10 रुपए में, तो उससे मुझे क्या होगा कि मुझे 5 रुपए का एडिशनल मेरे को मार्जिन मिल गया। 470 की मैंने जो मेरा 460 में मैं इंदम नहीं हो जा रहा था वो अभी मैंने 470 वाली बेच दिया, 450 की मैंने बराबर कर दी, उसमें मैं 5 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया, अगर लॉस भी हो रहा है तो मैं लॉस करके उसमें निकल गया और मैंने अपनी कॉल को आगे में शिफ्ट कर दिया, तो मुझे वो टाइम वैल्यू का फायदा हो गया। तो टाइम वैल्यू का फायदा लेने के लिए, थीटा का बेनिफिट लेने के लिए मैंने 470 की कॉल भेज दी, इसको बोलते हैं हम रोल अप, मैंने अपनी कॉल को रोल अप कर दिया क्योंकि मैं एटीएम में आ रहा था। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि मेरा जो 450 की मैंने जो कॉल बेची थी वो 450 की कॉल मेरी इन द मनी हो रही है और मैं डिलीवरी नहीं देना चाहती हूँ मैं, या मुझे डिलीवरी नहीं देना है तो मैं 450 की कॉल को मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करके बाहर आ जाऊंगा, उसमें चाहे मुझे कम प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो मैं बाहर आ जाऊंगा और मैं उसके आगे की कॉल 470 की कॉल बेचूंगा, यानी कि मैं 10 रुपए का एडिशनल मार्जिन दे दूंगा, उससे मेरे को 5 रुपए और मिल जाएंगे प्रॉफिट के अंदर। अभी तीसरा सिनेरियो है कि वो शेयर आपका नीचे चला गया, 400 का जब आपने था 450 की जब कॉल थी वो जो बीच में बेची थी वो आपका शेयर नीचे चला गया। अब नीचे चलने में आपका शेयर तो आप कंटिन्यू टू ऑन करेंगे क्योंकि आपका कॉल से नीचे चला गया है, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे कि आप 450 की जो कॉल है वो 1 रुपए में 4-5 दिन पहले खरीद लोगे, 1 रुपए में आपने 4-5, क्योंकि वो शेयर इतना गिर गया है तो 450 की कॉल भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो 1 रुपए में आपको 4-5 दिन पहले मिल जाएगी और आपने अपना 19 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, बट आपने शेयर अभी भी नहीं बेचे हैं क्योंकि आप यू आर बुलिश हो। आप क्या करोगे कि आप जो है 450 की कॉल को खरीद लोगे और शेयर आपने रिटेन किया है और आप 400 की जो कॉल है वो आप 40 दिन वाली 20 रुपए में बेचोगे, मतलब उसमें ऑप्शन नंबर वन तो ये था कि आपने जो 450 की कॉल 1 रुपए में खरीद ली और आपने कुछ नहीं किया, दूसरा जो ऑप्शन आपको अवेलेबल है वो ये है कि 450 की कॉल को आपने 5 रुपए में खरीद लिया करीबन 8-10 दिन पहले और 40 दिन बाद वाली आपने 20 रुपए में 400 की कॉल बेची है। सुनिएगा, 360 में रेट आ गई थी, 360 की रेट आने से 450 वाली कॉल आपने 5 रुपए में खरीद ली या 4 रुपए 2 रुपए में जो भी मिल रही है वो कॉल आपने खरीद ली और 400 की कॉल बेच दी, तो अभी भी 40 रुपए का डिफरेंस है, तो आपने 400 वाली कॉल बेच के शिफ्ट कर गए तो आपका जो लॉस हो रहा था जो 400 से जो 360 में आने से 40 रुपए का लॉस जो हो रहा था वो लॉस आपने 20 रुपए आपने यहाँ से कंपनसेट करा लिया, तो आपने 400 की कॉल बेची है तो इसमें आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अभी भी आपको 60 रुपए मिल रहा है। अगर आपकी वो कॉल 400 के ऊपर चली, आपका रेट चला गया तो आपको 420 में माल बिकेगा तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, क्यों, जो आपको नॉशनल लॉस हुआ था जो अपना कॉन्सेप्ट आ रहा था ना कि अगर मेरा शेयर गिरता गया तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने 400 का था 450 की कॉल बेची तो मुझे 20 रुपए तो मिल गया लेकिन मेरा शेयर तो 40 रुपए नीचे गिर गया,
तो मैं क्या करूं, तो आपको ये ऑप्शन है कि उसका पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो उस कॉल का, और आप जो है उसके आगे वाली कॉल 10 दिन पहले ही बेच दो, 5 दिन पहले बेच दो, तो चेक करते रहो क्या रेट चल रहा है। अभी तीसरा सिनेरियो, नेक्स्ट सिनेरियो है कि वो रेट और ज्यादा गिर गया, वो 400 वाला जो शेयर था वो 320 रुपए पे आ गया। अब ये 320 का जब शेयर आ जाएगा तो आप 340 की कॉल अगर बेचोगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल ही बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने का मतलब ये है कि अगर आप 340 की कॉल अगर बेचने की कोशिश करी तो आपकी अगर कॉल वो इन द मनी हो गई तो आपकी वो कॉल बिक जाएगी और आपके शेयर निकल जाएंगे। जो आपने शेयर जो 320 का जो आपने लेने की कोशिश करी तो वो एडवाइजेबल नहीं है, और जो आपको 450 वाली कॉल थी वो तो आपकी वर्थलेस हो जा रही है, तो वो तो आपको पूरा का पूरा 20 रुपये आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगा, थोड़ा वेट करोगे। क्या वेट करोगे? या तो जब तक शेयर रिवर्स ना हो जाए तब तक आप कॉल नहीं बेचोगे, वेट करो। या फिर क्या है कि आप एक और शेयर का लॉट खरीद लो आप, क्योंकि वो शेयर 400 से 320 आ गया है। तो 320 आ गया है तो अगर आपको कैश अवेलेबल है तो आप एक 320 में शेयर ही खरीद लो अलग से, हो तो आपका एवरेजिंग अच्छा आ जाएगा। तो एक तो वो ऑप्शन है, और वो जो 320 में आप शेयर खरीद रहे हो उसकी 360 कॉल बेच दो, क्योंकि वहां आपको 40 रुपए का मार्जिन चल रहा है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल 400 वाला था उस पर कुछ नहीं कर रहा है। तो एक ऑप्शन ये है, और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी ऐसा हो जाए, जब भी आपकी 400 की कॉल 320 पे रेट आ जाए, आप क्या करो कि आप पुट बेचो उसका, आउट ऑफ द मनी वाला पुट बेचो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेट गोइंग अप टू दैट लेवल इज वेरी वेरी लेस, यानी कि 320 से वो रेट 380 आ जाए, 280 या 250 आ जाएगा, उसके चांसेस तो बहुत ही कम है। तो वो पुट बेचो तो आपको कुछ तो जो लॉस हो रहा है कॉल जो इक्विटी में वो वहां से कंपनसेट हो जाएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जब भी एडजस्टमेंट करो, आप रोल ओवर कर रहे हो, रोल अप कर रहे हो, रोल डाउन कर रहे हो, या पुट बेच रहे हो, तो आप सदा अपना ये देखोगे कि आपका कॉस्ट बेसिस कितना आ रहा है, मतलब जो आपका नेट कॉस्ट जो आपकी शेयर की होने वाली है वो कितनी होने वाली है। वो जो फेवरेबल होगी तभी आप वो स्ट्रेटेजी लो, वो आप इसमें अगेन अगर आपको अपना अपना वो मैथमेटिक्स यूज करना है, अपना दिमाग लगाना है, अब ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कर दिया। जब भी आप ये जो मैन्यूवरिंग कर रहे हो, मतलब शेयर को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो सदा ये ख्याल रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, ब्रेक इवन कितना आ रहा है, कॉस्ट बेसिस कितना है, ब्रेक इवन कितना है, नेट कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आपको अवेलेबल है। इस पर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। दिस इज अ वेरी हाई लेवल वाला है, है क्या? ये टफ है थोड़ा। क्या है, क्या है? टफ है, टफ है सर थोड़ा सा। नहीं, तभी तो पीएचडी लेवल की बात कर रहा हूँ ना मैं। नाउ यू आर इन पीएचडी क्लास में बैठे हुए हैं आप, अभी आप जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप आगे आ गए हैं, तो आप पीएचडी के पीएचडी पढ़ रहे हैं आप। सर ये वाला नहीं समझा बिल्कुल भी। हाँ क्या? नहीं समझा हम लोग को। तो इसका फोटो ले लीजिए, और फोटो लेने के बाद में इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए आप कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। शेयर नीचे चला गया तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, शेयर ऊपर चला गया तो मेरे को क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, है ऐसा नहीं है कि ये करना जरूरी है, ये उनके लिए है सर। ये स्क्रीनशॉट लेने के बदले, हाँ बोलिए, ये यूट्यूब पे मिलेगा ना रिकॉर्ड? हाँ यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ओके, देन इट इज वेरी इजी टू सी ऑल दिस थिंग्स अगेन। नहीं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक बार कॉल या कुछ बेच दिया तो कुछ ऑप्शन आगे नहीं मिल रहा है, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सबसे जो बड़ी वाली चीज है वो आप देखिए, जो 320 वाली, वो 320 वाली पोजिशन अपने को कितनी बार आ जाएगी। तो जो 320 अगर शेयर आ जाता है उस समय आपको अपॉर्चुनिटी है, या तो आप एक शेयर खरीद लो या आप जो है एक पुट बेच दो, और तो उससे आपको कुछ लॉस, आपका आपका जो नॉशनल लॉस हो रहा था वो आपका कवर हो जाएगा। एक चीज तो वो वाली है। एक जो 360 वाली पोजीशन है उसमें आपको क्या है कि अपने जो 50 रुपए का जो अपन ने ऊपर जो डिफरेंस लेके चल रहे थे 400 से 450 का, तो 30-40 का डिफरेंस हम 360 में लेके हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो 450 को स्क्वायर कर दिया और 400 की कॉल फिर बेच दी हमने, उसी महीने की बेचो या अगले महीने की बेचो, तो आपने अपना प्रॉफिट घर में लेके आ गया। तो ये आपको सोचना है। सर एक क्वेश्चन है, ये जो है सोल्ड द कॉल ऑफ 450 रुपीज, ठीक है सर,
आपके जी जी जब एक दो दिन आपके एक्सपायरी के बचेंगे तो एक दिन का थीटा इफेक्ट आ जाएगा. तो थीटा इफेक्ट आने से अगर ये मार्केट को ये लग रहा है कि 450 नहीं आने वाली रेट, तो आपकी रेट 1 रुपया 50 पैसे 2 रुपया आ जाएगी. उस समय आप उसको बेच के बाहर निकल जाएंगे. हो सकता है वो रेट आपको सेम डे मिले आपको, तो आपको अपना रेट चेक करना. सर ये थीटा इफेक्ट क्या होता है कि ये एक आपका जो आपके डेल्टा गामा अल्फा जैसे होते हैं वैसे थीटा इफेक्ट. तो थीटा इफेक्ट इज इक्वल टू टाइम वैल्यू. तो जो जो आपका कॉल या पुट होता है वो महीने के एंड में जाके आपका वर्थलेस होके जीरो हो जाता है, ठीक है ना. तो उसका मतलब ये है कि अगर जैसे आज जो शेयर का प्राइस 40 रुपए है, पुट का प्राइस 40 रुपए है या कॉल का प्राइस 40 रुपए है, तो उस 40 में से वो दो पार्ट है. वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, वन इज द एक्सट्रिंसिक वैल्यू. जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो वो है जो कि डिपेंड करेगा कि स्पॉट प्राइस कितनी है. जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है उसको थीटा वैल्यू बोलते हैं. कि यानी कि एक महीने का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी उसकी इतनी है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट धीरे 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 कम हो रही है. एवरी डे आपका थीटा कम होता जा रहा है. तो जो प्रीमियम आपको 20 रुपए मिल रहा था वो दूसरे दिन 19 मिलेगा, तीसरे दिन 18 रुपए मिलेगा. क्यों? कि नंबर ऑफ डेज आपकी एक्सपायरी के कम होते जा रहे हैं, तो उसको थीटा इफेक्ट बोलते हैं. तो जैसे जैसे आपका थीटा कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम कम होते जाएगा. तो इसलिए जो 20 रुपए वाला जो प्रीमियम है, तो 450 वाला, वो अगर ITM हो जाता तो ये रेट बढ़ जाता. लेकिन वो क्योंकि अपना अभी भी OTM है, OTM कितना है 450 है और रेट चल रहा है 445, तो अभी भी मेरा OTM है तो मेरा उसका रेट गिरने लगेगा. तो वो 20 रुपए वाला 2 रुपया होगा. श्री बाल बताइए, मान ली मैंने BPCL की कॉल बेची, पुट बेचा 500 रुपए पर, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पर. बाद में उसमें बोनस आ गया, उसकी प्राइस हो गई 250 रुपए. तो अभी मुझे किस मुझे 500 पर खरीदना पड़ेगा या फिर आधे 500 का आधा 250 मेरा पुट का प्राइस हो जाएगा? वो 250 वो उसका क्या होता है कि वो उसका वैल्यू एडजस्ट करता है. वो जो आपका एक्चुअली डिविडेंड वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बोनस वाले में इतना इशू नहीं है. तो डिविडेंड वाले में क्या रूल चलता है कि अगर आपका डिविडेंड मार्केट रेट से 5% से ज्यादा आ गया. अच्छा, फिर सुनिएगा, मार्केट रेट अभी जैसे मान लो 400 रुपए चल रहा है, तो 400 रुपए का 5% कितना हुआ? 20 रुपए हुआ, ठीक है. अगर वो 20 रुपए से अगर ज्यादा प्रीमियम अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसका जो भाव है, जो कॉल का या पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो उतना कम हो जाएगा. अच्छा. मतलब 450 की कॉल की जगह वो 430 वाली कॉल मानी जाएगी. अच्छा. प्रीमियम वही चलते रहेंगे, लेकिन उसका जो 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 स्ट्राइक प्राइस है वो उतना वो कम कर देंगे. ये होता है आपका इम्पैक्ट डिविडेंड का. सेम वजह से आपका जो बोनस में भी वही रूल लगेगा. अगर बोनस आ गया तो 500 वाला जो कॉल है वो ये माना जाएगा कि आपके पास 250 रुपए की 2 कॉल होंगे. अच्छा, ऐसा. तो प्रीमियम तो हमने एक ही पर लिया था, वही प्रीमियम रहेगा. प्रीमियम कोई चेंज नहीं होगा, 250 के 2 कॉल हो जाएंगे और बाद में जो भी यही 250 से नीचे का होगा. नहीं नहीं नहीं, वो बोनस वाले में आपका प्रीमियम भी वो शायद ऐसे कुछ करेंगे. वो आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर, बट डिविडेंड में तो मुझे पता है कि डिविडेंड में ऐसा होता है. और वो उसमें जब वो कॉल का रेट कम हो गया तो एक्स डिविडेंड कम एक्स बोनस कम बोनस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन चले. बोनस में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है वो प्राइस उसी से. नहीं, वो प्रीमियम में एडजस्ट होगा क्या? सर मैंने एक प्रीमियम तो नहीं एडजस्ट. प्रीमियम कैसे एडजस्ट नहीं हुआ? तो फिर 250 वाला जो 500 वाला कॉल 250 नहीं, प्रीमियम प्रीमियम ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ना कि वो वैल्यू उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मतलब स्प्लिट हो जाएगा ना उतने शेयर्स में. अच्छा, क्योंकि मैंने एक पुट बेचा उसमें बोनस आ गया, तो मेरे को ये लग रहा है कि पहले स्क्वायर ऑफ कर दूं या क्या कर दूं. अरे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो पूरा समझना पड़ेगा. ऐसे जनरल में मैं नहीं बोल पाऊंगा. तो मैं एक काम कर दूं, स्क्वायर ऑफ देखना पड़ेगा. हाँ, वो देखना पड़ेगा अच्छे से. ठीक है सर. अभी आपको आपको कॉल एडजस्टमेंट में कोई इशू है तो बताइए. कॉल एडजस्टमेंट में एक क्वेरी है, एक क्वेरी है सर. आई हैव क्वेरी हियर. दिस 360 स्पॉट प्राइस, ये थोड़ा मुझे सिनेरियो इज नॉट क्लियर. सी व्हेन वी आर, अभी देखिए क्या हो गया है. अभी मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो गया है. 400 वाला 360 हो गया.
तो 360 होने से अभी आपका जो 450 वाली जो कॉल थी वो गिर के एक रुपए आ गई। नहीं वो कैसे हुआ, इट विल गो अप ना बिकॉज आई हैव सोल्ड पुट एंड द प्राइस। कॉल की बात कर रहा हूँ, ये अभी मैं कॉल का बात कर रहा हूँ, पुट का भी नेक्स्ट स्लाइड। नहीं वन मिनट, आपने ऊपर जो लिखा है ना शेयर्स बॉट एट 400 एंड 450 कॉल, हाँ कॉल किया ना आपने, तो लेने के बाद में कॉल किया वो तो फाइन। अभी मैं पुट में आ रहा हूँ, अभी मैं पुट में आ रहा हूँ। सर सर कैन वी गो बैक टू कॉल, एक एक क्वेरी है, क्वेरी में सर यहाँ पे ये 450 कॉल सोल्ड इन 20 रुपीस, दिस इज एंड वी आर अज्यूमिंग दैट एक्सपायरी स्टिल 30 टू 40 डेज अवे। If it is approaching 30 to 40 days, 20 rupees, then it will slowly it will erode, provided it is always up. अब अगर दो तीन चार दिन में अगर suddenly ये 20 rupees call, if it becomes in the money, and I don't want to do this martingale वगैरह, then what is the solution, sir? ये तो वो वाले scenario में फिर आप अभी मैं आगे बताऊंगा वो martingale कैसे करते हैं। और अगर नहीं करना है तो क्या? भाई नहीं करना है तो आप mentally तो ये prepare ही हैं कि मुझे delivery देना पड़ेगा। तो in that case you have to wait till delivery. Scenario तो वही है। मैंने जो आपको पहले बताया था कि always try to exit from your position at least 1 week before. नहीं, even if it comes in the money within 3-4 days also suddenly gap up हो गया कुछ। हाँ तो इसीलिए बता रहा हूँ कि वो जो आता है ना लास्ट के 3-4 दिन में ऑपरेटर बहुत ज्यादा उसमें गेम खेलते हैं, वो लंबा लंबा पोजीशन देते हैं। नहीं नहीं, I'm not talking about that. आज हमने कॉल भेज दिया और विदिन 3-4 डेज और अभी भी हमको अभी 20-25 डेज है एक्सपायरी के लिए, विदिन सडनली 3-4 दिन के अंदर ही इन द मनी हो गया कॉल। हाँ तो फिर आप ये जो 460 वाला जो मैंने बताया है जो उसमें सेकंड ऑप्शन दिखाया है 460 वाला देखिए, 400 का 460 हो गया ठीक है, तो 450 की कॉल को आप 15 रुपए में स्क्वायर करो, आप जो भी रेट है उसको स्क्वायर करो, मान लो 25 से ज्यादा रहेगा और उसको आप 470 में शिफ्ट करो, 20 से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना सर ये कॉल। अरे मैं बताऊंगा 30 हो जाता है, मान लो 30 रुपए हो जाता है, 40 हो जाता है, तो वो स्पेस पर वो डिपेंड करेगा कितना दिन है, अगर 2-3 दिन में हो गया तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो 450 की कॉल क्योंकि इन द मनी हो गई है तो टाइम वैल्यू आपका जीरो हो गया उसके अंदर, उसको स्क्वायर करो और स्क्वायर करके उसका 20-30 रुपए आगे वाली कॉल बेचो, तो उसमें आपको आपने पोजिशन शिफ्ट कर रहे हो तो आपको थीटा इफेक्ट का एडवांटेज मिलेगा। मतलब इन अदर वर्ड्स ये 20 रुपए निकल गया और यू आर शिफ्टिंग द कॉल अपवर्ड्स, अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये जल्दी अगर ये बहुत जल्दी आईटीएम हो गया तो हाँ बहुत जल्दी आईटीएम हो गया तो आप ऐसे बोल दीजिए, जगह बीच में कभी भी हो गया आप अपनी कॉल का शिफ्ट करो, वो आपका मार्जिन अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा ना, पहले आपने 20 रुपए बेचा था अभी 30 रुपए मिल रहा है 35 रुपए मिल रहा है, आप देखोगे कॉल मुझे कितना मिल रहा है और कितना का मेरा आगे का ओटीएम वाला बिक रहा है, तो बेसिकली आप शिफ्ट कर रहे हो अपनी पोजिशन। अब इसमें कितनी बार क्या प्रॉब्लम होता है कि आपने शिफ्ट कर दिया और वो शेयर वहीं से गिरने लग गया। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो हो सकता है तो एक इससे कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो टिल एक्सपायरी और 3-4 डेज बिफोर। तो डिफरेंट सब मेरा दिखाने का मतलब ये है कि इतने कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक स्ट्रेटजी कर दिया और आप चुप होकर बैठ गए, आप चाहो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में खेल सकते हो, नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे टारगेट तो शुरू के वाले फिक्स है वो तो वही है ना, तो ये कॉम्बिनेशन बताया मेरा। अभी हम पुट का एडजस्टमेंट देखेंगे, अब पुट में आपने क्या किया है, 400 का आपने था 350 का पुट बेचा 20 रुपए ठीक है, तो एक्सपायरी 30-40 दिन था तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 20 रुपए आ सकता है और ब्रेक इवन आपका है 350-20 330 रुपए, दैट इज द ब्रेक इवन, यानी 330 के नीचे आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। ओके भी हम देखेंगे कि शेयर ऊपर चला गया तो आप क्या करोगे, आप 1-2 दिन पहले या 7 दिन पहले आप उसको स्क्वायर कर दोगे, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपए में जो भी मिल रहा है उसको स्क्वायर कर दोगे और उसके आगे वाली जो अगले महीने का आप फिर पुट बेचोगे 4-5 दिन पहले, जिसमें आपको 20 रुपए में फिर पुट बेचोगे, तो आपने अपना पोजिशन अगले महीने में शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज द सिनेरियो नंबर 1, पहले वाले को स्क्वायर किया, 1 दिन पहले करो, 2 दिन पहले करो, 5 दिन पहले करो, जितना दिन पहले करोगे उतना प्रीमियम छोटा पड़ेगा, जितना कम दिन में करोगे उतना प्रीमियम आपको कम छोटा पड़ेगा, मैं रिकमेंड करूंगा आप 4-5 दिन पहले करके शिफ्ट कर जाओ, तो आपने वो प्रीमियम छोड़ दिया और अगले महीने का आप जो है 40-50 रुपए का फिर आगे का ओटीएम वाला पुट बेच दो, तो आपने अगले महीने का पुट बेच दिया, ये 500 का पुट बेचा आपने तो फिर 30-40 रुपए में इस अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका भाव नीचे चला गया, भाव जो है वो 400 की बजाय वो 360 आ गया,
अब 360 में आ गया तो आप क्या कर सकते हो? एक तो सिनेरियो ये है कि आपने वो आपने 350 का जो पुट है आपने वो 5 रुपए में या जो भी भाव है उसमें आपने उसको बाई बैक कर लिया और आपने उसके आगे का 320 का पुट बेच दिया, यानी कि आपने पोजीशन इधर नीचे शिफ्ट की है, अपनी पोजीशन को है क्योंकि आपकी 360 वाली आईटीएम हो रही थी, आईटीएम होने वाली थी, तो आपने वो पोजीशन को नीचे शिफ्ट किया और 350 की आपने पुट को आपने बेच दिया है फिर 20 रुपए में अगले महीने का, और उससे फिर आपने 30-40 रुपए कमाया। अभी एक सिनेरियो है कि जो आपका 350 से भी भाव नीचे चला गया, 350 के भाव नीचे चला गया तो आपको 5 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर 5 डिफरेंट पोजिशन आप ले सकते हो। पहला तो आप ये करोगे कि 350 की जो पुट थी वो आपने 30 रुपए में मान लो खरीद, क्योंकि वो आपकी इन द मनी हो गई थी, तो इन द मनी होने से आपने 350 वाली जो पुट है 30 रुपए में खरीदी एक दो दिन पहले या 3-4 दिन पहले। अभी इसमें ऑप्शन नंबर 1 आप इसको रोल अप करो, रोल अप यानी कि आपने 360 वाली पुट बेची अगर आप बुलिश हो तो 30 रुपए में। दूसरा ऑप्शन है रोल डाउन करो, रोल डाउन में आप 300 वाली पुट बेचोगे अगर आप बियरिश हो तो उसमें आप 15 रुपए मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट एडजस्ट होंगे। तीसरा ऑप्शन है आप शेयर खरीद लो, शेयर 400 से 320 पे आ गया, 320 में आपने शेयर खरीद लिया, 304 की कॉल बेच दी जैसे आपने पिछले वाले ऑप्शन में दिखा था, ये ऑप्शन ले लिया, ये नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है आप स्केल अप करो, स्केल अप का मतलब यह है कि आप एक और पुट बेच दो, मतलब एक आपने 400 में कॉल पुट बेचा था जो एटीएम हो गया है, जो इन द मनी हो गया है, फिर आपने 320 का एक और पुट बेचा या 300 का पुट बेचा, तो आप दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर टू टेक द डिलीवरी फॉर 2 लॉट, तो आपका एवरेजिंग बढ़ गया, आपको हाई आईवी मिल रहा है, ज्यादा वोलेटिलिटी मिलने से आपको बढ़िया प्रीमियम मिलेगा, तो आपने एक और पुट बेच दिया। और लास्ट जो ऑप्शन है, जब भी आपका ऐसा हो जा रहा है तो आप सी ई बेचो, क्योंकि वो पुट इतना नीचे गिर गया है तो सी में आपको कुछ मिला गया तो जो आपको पुट में लॉस हो रहा था वो आपको वहां से आपको क्रेडिट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हैं, नीचे जाओ ऊपर जाओ स्केल अप करो सी बेचो, बट ये सारे ऑप्शंस को आप देखो। तो अभी आपको लगेगा कि सी बेचने में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, पुट बेचने में आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी मैं इसके बाद जो आऊंगा वो पीएचडी पास हो गए वो अगर आपको समझ में आ गया ठीक है वो उसमें जाऊंगा। अभी यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है आपको, बेसिकली ये है कि आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। कभी भी आप उसको मतलब ये मत सोचो कि यार मैं तो बस हो गए चुपचाप होकर बैठ गया मुझे कुछ नहीं करना, वो ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे कोई जो लोग कितने को नेकेड काम कर रहे हैं मतलब जो आपके मतलब जो कवर्ड पोजिशन नहीं लिया हुआ है तो उनको ये सारे ऑप्शन वो लोग यूज करते हैं, जो मतलब कवर्ड पोजीशन की कुछ भी नहीं है और फिर भी उन्होंने काम किया है निफ्टी के अंदर या किसी में भी, तो उनको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल बिस्ते के लिए, और इवन कवर्ड पोजीशन था तब भी आप ये आप देख सकते हो पर्टिकुलरली एडिशनल प्रॉफिट लेने का। सर इसमें जो 5वां ऑप्शन आपने बताया है लास्ट में, दैट बिकम्स एन नेक्ड ऑप्शन करेक्ट? हाँ, क्योंकि आपका शेयर 400 का 320 में आ गया ना, 320 में आ गया तो इसका मतलब ये 320 का वापस 400 जाने के चांसेस बहुत कम है उस महीने में। आपने अपनी स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर रहे हो, आप 320 जो आपने 350 की जो पुट बेची थी तो 350 की पुट को आपने स्क्वायर कर दिया और आपने 360 का पुट बेचा रोल अप करने के लिए, रोल डाउन करना है तो 300 का पुट बेचा आपने, तो जो एडिशनल क्रेडिट मिला वो क्रेडिट आपने घर में लेके आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, आप महीने के एंड तक वेट करोगे तो आपको पूरा 20 रुपए मिलेगा, लेकिन आपको आपका चाह रहे हो मुझे थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिलने के लिए आप क्या करोगे 20 वाले में तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और वो आपको फिर आपने क्योंकि 80 रुपए का डिफरेंस हो गया था ना, 400 से जब 320 आया तो 80 रुपए का डिफरेंस हो गया। अब आप सोच रहे हो यार 80 रुपए तो वापस नहीं जाएगा तो मैं क्यों 400 में तक वेट करूं, मैं तो 400 का मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और मैं 360 वाली पुट बेच देता हूं तो मेरे को थोड़ा और थीटा का इफेक्ट आ जाएगा। सही है, रोल अप रोल डाउन तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सेम महीने भी कर सकते हो, सेम महीने भी कर सकते हो, अगर शुरू में मिल जा रहा है मौका आपको, शुरू के 4-5 दिन में अगर मौका मिल जा रहा है तो सेम मंथ में कर लो। बट इसमें रोल डाउन में आई थिंक यू हैव टू बी रेडी फॉर बाइंग अनदर मार्केट इजंट इट? हां अगर मैंने रोल डाउन में नहीं, आपने पहले अपना क्वेश्चन स्क्वायर किया ना सर, म्यूट कीजिए सर, म्यूट कीजिए।
हाँ सर, मैं ये बोला था मतलब यदि आप रोल डाउन कर रहे हैं, हाँ रोल डाउन तो इसका मतलब आपने पहले एक जो आप ऑलरेडी नीचे आ गए हैं तो उसका आपने एक लॉट खरीद लिया, फिर खरीदना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपने आपने वो 350 वाला जो पुट था उसको स्क्वायर कर दिया, मतलब लॉस में। हाँ उसके अंदर आपने लॉस बुक कर दिया ऑलरेडी, आपको इतना लॉस हो रहा था और आप डिलीवरी नहीं लेना चाहते थे। ओके ठीक है सर, आपको डिलीवरी नहीं लेना है तो आपने वहां लॉस बुक कर दिया, और लॉस बुक करने के बाद में आपने उससे और 30 रुपए का नीचे का पुट बेच दिया तो आपको कुछ वहां से पैसा मिल जाएगा, अच्छा थोड़ा रिकवर हो जाएगा और आपको डिलीवरी नहीं लेनी पड़ेगी। ओके दिस इज पार्टली रिकवरी, पार्टली रिकवर, पार्टली रिकवर। ओके सर, ओके ओके सर, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, मतलब वो आपको ओके सर ठीक है ठीक है, या अंडरस्टैंड, थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या शॉर्ट स्ट्रैंगल एडजस्टमेंट। ओके ये समझ में आ गया तो पीएसडी हो गया। इसमें अपन ने क्या किया है, 420 की कॉल बेची है और 380 का पुट बेचा है, ठीक है ना। एक 20 रुपए में कॉल बेची है और 20 रुपए में पुट बेचा है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये प्रिंसिपल समझ लो कि सदा जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे स्ट्रैंगल के अंदर तो हमको विनिंग साइड को मूव करना है, हमको जो जो लूजिंग साइड है उसको हमको छेड़ना नहीं है, उसको हमको टच नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे 420 की कॉल बेची और वो रेट अगर आपका बढ़ गया 420 की जगह 450 हो गया, इसका मतलब आपका जो 450 कॉल साइड में आपको लॉस हो रहा है, तो आप पुट वाली साइड में भी काम करो। सिमिलरली अगर पुट अगर आप 380 में बेचा है और पुट अगर आपका रेट अगर गिर गया तो आप पुट को हाथ नहीं लगाओगे, आप कॉल में एडजस्ट करोगे। सो दैट इज द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल, मूव द अनटेस्टेड लेग विनिंग साइड फॉर एडिशनल क्रेडिट, मुझे एडिशनल क्रेडिट निकालना है उसमें से, उसका ये स्ट्रेटेजी है। अगर आपका भाव गिर गया नीचे, यानी कि 380 जो 380 का पुट बेचा था उसकी जगह 360 का रेट हो गया, यानी कि मेरी जो टेस्टेड साइड है वो है 380 वाली, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 420 वाली जो कॉल है उस कॉल को मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 420 की जो कॉल को मैं स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, क्योंकि भाव नीचे गिर गया ना तो कॉल में मुझे प्रॉफिट होने लग गया, तो मैं वो 420 वाली कॉल को मैं स्क्वायर करके और 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर दूंगा और मैं 400 वाली कॉल बेच दूंगा। यानी कि मैंने कॉल को नीचे लेके गया तो अभी भी मेरा जो डिफरेंस है वो 340 रुपए का डिफरेंस चल रहा है मेरे को, यानी ऊपर भी जो मैंने डिफरेंस लिया था सिमिलर डिफरेंस मुझे नीचे भी मिल रहा है, और मैंने जो है 400 की मैंने कॉल बेच दी 15 रुपए में, तो मुझे ये एडिशनल 5 रुपए आ गया, एडिशनल क्रेडिट मुझे 5 रुपए मिल गया। तो मैं 10 रुपए में मैंने खरीद ली 420 वाली कॉल और 400 की मैंने कॉल बेच दी 15 रुपए के अंदर, 5 रुपए का मुझे एडिशनल प्रॉफिट आ गया। और मैंने कौन सी वाली साइड में किया है, अनटेस्टेड वाली जो विनिंग साइड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका 440 रेट हो जाता है तो आपकी जो 420 वाली कॉल आपकी लूजिंग साइड हो गया, मतलब वो टेस्ट हो रही है उतर की तरह मार्केट जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पुट को आप जो है रोल अप करोगे, तो 380 वाली पुट को आप स्क्वायर करोगे और अभी आप जो है 380 वाली कार्ड को आपने ले लिया और उस कॉल उस पुट को आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, 400 वाली पुट भेज दी, तो वहां आपको 15 रुपए मिल गया, तो वहां आपको 5 रुपए एडिशनल आ गया। ये स्ट्रेंगल के लिए है, तो 307 और 440 का कॉम्बिनेशन है। और इसको भी हम स्केल अप करते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि स्केल अप में जो है जब आपका रेट एकदम से ऊपर जाता है या नीचे जाता है ना तो आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं उसको, तो वो प्रीमियम बढ़ने से अगर आप वहां पे एक कॉल और एक पुट अगर और बेचोगे तो आपको ऑलमोस्ट 50% एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपने 400 की कॉल बेची थी 20 रुपए में, वही अगर कॉल आप सिमिलर कॉल आप बेचोगे तो 20 की जगह आपको 25 रुपए मिलेगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गया है, क्योंकि भाव बहुत गिर गया है या भाव बहुत बढ़ गया है, तो स्केल अप जब करोगे तो आपको यहाँ फायदा होगा। तो यू सेल वर्मोन स्ट्रगल टू गेट द हायर प्रीमियम ड्यू टू इंक्रीज वॉलिटिलिटी, यानी कि आपके पास कैश भी अवेलेबल था, आपके पास शेयर भी अवेलेबल थे, आपने एक और आपने स्ट्रगल कर दिया टू गेट अ बेटर प्राइस, ठीक है। अभी आपका जो रेट है वो 360 अगर हो गया है तो आप जो है क्या करोगे, 340 का पुट बेचोगे और 400 का कॉल बेचोगे 25 रुपए में, क्योंकि 25 जो आपको पहले 20 रुपए मिल रहा था वो 25 रुपए मिलने लग गया है क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, और आप जो है रोल डाउन कर दोगे पुट को और सेल करोगे 340 को, 300 और सिमिलरली 440 में आप जो है वो स्केल अप करने वाले में इक्वेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, तो 380 का पुट को सेल करोगे, 460 की कॉल सेल करोगे क्योंकि आपने स्केल अप कर दिया है,
380 वाला बेचा और 860 वाला कॉल बेचा तो 25-25 रुपए मिला। जैसे जैसे हम 300 ऊपर वाले 360 वाले केस में देख रहे थे, अभी आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ भी प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, तो आपका जो अपर ब्रेक इवन प्राइस जो जो 440 था वो 440 से 445 चला गया, मतलब ब्रेक इवन आपका ऊपर भी बढ़ गया और लोअर वाला ब्रेक इवन भी आपका नीचे चला गया, क्योंकि आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि शेयर में वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। तो इंक्रीज वॉलिटिलिटी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज व्हेन वी सी द मार्केट लॉसेस। जब आपके लॉसेस बढ़ गए एकदम से 360 हो गया 440 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो गया है, सिनेरियो नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इंक्रीज प्रीमियम का, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, तो आप एक और स्ट्रगल कर सकते हैं। बट अगेन ऑलवेज बी अवेयर ऑफ ब्रेक इवन, रीअसेस योर अजम्पशन एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेड। मतलब आप देखो कि आपका नेट में आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब आपको एनालाइज कर रहा है, उसके बाद में आपको आपको स्टैंड लेने। क्या आपको समझ में आया ये चीज? एनी क्वेश्चन? We are buying one more lot of triangle. That's it. Yeah. We are trying to do one more triangle. पहले वाले में हम सिर्फ टेस्ट कर, पहले वाले में हमने सिर्फ मूव किया था, हमने रोल अप किया था। In that case, Pitaji, should we have another stock in hand, one lot? हाँ, वो होना ही चाहिए, तभी तो आप दूसरा ट्रायंगल करोगे ना। Okay. मतलब पहले वाले सिनेरियो में आपने सिर्फ रोल अप या रोल डाउन किया अनटेस्टेड साइड का, दूसरे वाले सिनेरियो पे आपने एक और ट्रायंगल किया, और एक और ट्रायंगल करने का वजह यह है कि आपके प्रीमियम एकदम से बढ़ गए हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। जो शेयर 400 से 360 आता है ना, आप देखोगे कभी भी आप शेयर का देखो, एकदम से वॉलिटिलिटी जब बढ़ती है तो आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जो एवरेज प्रीमियम 20 चलता था वो 20 का 25 मिलने लगेगा, क्योंकि वो मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया है, तो उसमें एक और स्ट्रगल यहाँ पे ठोक दिया। The second one is also the same strike price? Same, वो आप डिसाइड करोगे कि उसमें रेट क्या चलता है। जो रेट चल रहा है उसे आपने 20 रुपए 40 रुपए ऊपर का, 20 रुपए 40 पर नीचे का बेचा, आप नया स्ट्रगल कर रहे हो ना, नया स्ट्रगल आप फिर डिसाइड करोगे 20-20 रुपए का या 30-30 रुपए का, जो भी आपको लेना है, बट आपको ऑन एन एवरेज प्राइस ज्यादा मिलेगा। इसको स्केल अप बोलते हैं, हमने मेरा स्केल अप करता जा रहा हूं, यानी कि मैं मेरा जो छोटा जी अभी देखा है, जो वोलेटिलिटी बढ़ता है दोनों साइड पुट एंड कॉल दोनों का ही प्रीमियम बढ़ता है। नहीं, एक साइड में ज्यादा बढ़ेगा, एक साइड में ज्यादा, दोनों साइड में नहीं, कभी हुआ है तो कम होगा, नहीं नहीं दूसरी साइड में कम होगा, एक साइड में जिधर ज्यादा गिरा है ना उधर का वोलेटिलिटी ज्यादा है लॉजिकली। ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, लॉजिकली जिधर साइड में शेयर मूव हुआ है उधर के प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, उधर ज्यादा बढ़ेंगे, ये वो प्रैक्टिकल बोल रहे हो आप, ये मैंने थ्योरेटिकल बताया। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स थे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मार्टिंगल स्ट्रेटजी फॉर स्टॉप लॉस। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली जो जो आपके गैम्बलर्स होते हैं या जो कैसीनो में होते हैं वो लोग ये यूज करते हैं, बट द सेम स्ट्रेटजी वी कैन यूज इवन इन अवर मार्केट आल्सो। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, डबलिंग अप। लूजिंग साइड में अगर हो रहा है तो मुझे वॉल्यूम डबल करना है, और विनिंग साइड में हो रहा है तो मुझे वॉल्यूम आधा करना है। तो मैं जब मैं डबल वॉल्यूम करता हूँ तो उसका लॉजिक ये है कि अगर मान लो वो मेरा लॉजिक सही बैठ गया तो मेरा जो लॉस हुआ था वो मेरा पूरा पूरा कवर हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली प्रॉफिट साइड में जब मैं आधा करता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने आधा प्रॉफिट अभी बुक कर लिया, और अगर वो रेट और बढ़ गया तो मुझे और प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो हम इसको बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली स्टॉप लॉस वाले को। सो इसमें प्रिंसिपल क्या है कि नेवर अलाउ योर ऑप्शंस टू गो आईटीएम इफ यू डोंट वांट टू गिव और टेक डिलीवरी। ये उनके लिए एप्लीकेबल है, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कवर्ड का काम कर रहे हैं। जो कवर्ड काम कर रहे हैं उनको डर है ही नहीं है, उनको तो या तो डिलीवरी दे देंगे या डिलीवरी ले लेंगे। अभी आपको डिलीवरी देना नहीं है, यू आर वेंट अपन, मुझे तो डिलीवरी देना भी नहीं है और मुझे लेना भी नहीं है, तो आप ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी करेंगे। इसमें क्या अजम्पशंस हैं, एचपीसी का भाव 225 है, 240 का कॉल आपने 10 रुपये में बेचा है, और आपने स्टॉप लॉस लिया है कि या तो 20 रुपये अगर प्रीमियम हो गया या मेरी कॉल अगर आईटीएम हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है। तो ये मैंने एक टारगेट लेके चला हुआ कि मेरा जो है, और ये 20 रुपये कब आएगा, जबकि वो शेयर 240 के ऊपर चला जाएगा ना, तो उसमें आपका कॉल का प्रीमियम 10 का 20 हो जाएगा, तो मुझे वो सिचुएशन नहीं चाहिए। मतलब वो सिचुएशन आ गई तो मुझे डिलीवरी देना पड़ेगा, मुझे वो डिलीवरी नहीं देना है, तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस एक दिमाग में रखा हुआ है। तो मार्टिंगल में क्या करेगा आदमी, कि जैसे ही भाव आपका 240 के पास आने लगेगा,
तो वो क्या करेगा कि जब उसे 240 का जो कॉल का रेट जो आपका पहले 10 रुपया था वो 20 रुपया हो गया, 20 रुपया आपका स्टॉप लॉस था, तो आप क्या करोगे कि आप वो कॉल ढूंढोगे जिसका प्रीमियम आपका 10 रुपया है, और 10 रुपया कैसे निकाला, जो 20 रुपए का जो आपका स्टॉप लॉस था उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 10 रुपया आया। तो मेरे को ऐसी कार ढूंढनी है जिसमें मेरे को 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा हो, मैं वो 2 कॉल बेच दूंगा। तो मैंने डबलिंग कर दिया, मैंने 240 वाली कॉल को स्क्वायर कर दिया, 240 की मेरी स्टॉप लॉस था, तो 240 का जो कॉल था मैंने स्क्वायर करके मैं बाहर आ गया, तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया। अब जो 20 रुपए का जो मुझे लॉस हुआ है उसको मैं कवर करने के लिए मैं 2 कॉल बेचूंगा, एक नहीं 2 बेचूंगा, डबल बेच रहा हूँ, डबलिंग कर रहा हूँ, 2 कॉल बेचूंगा मैं। और कॉल कैसे सेलेक्ट करूंगा, वो कॉल सेलेक्ट करूंगा जिसका प्रीमियम उस समय 10 रुपए चल रहा है। तो 2 कॉल बेचा तो मुझे 20 रुपए मिल गया, यानी कि 20 रुपया मेरा कवर हो गया। ये मैं मार्टिंगल किया। अभी इसके अंदर मान लीजिए आपने 260 वाली कॉल बेची है 10 रुपए में, 2 कॉल बेची आपने 260 वाली जिसका 200 रुपए प्रीमियम था, तो आपको 20 रुपए मिल गया, आपका लॉस एंड प्रॉफिट बराबर हो गया, बट आपका एक आपने अनकवर पोजिशन लिया हुआ। अभी ये शेयर और बढ़ और आपका जो है 260 के नीचे रहता है, तो आपने नया पोजिशन लिया था 260 वाला, और 260 के अगर पोजिशन नीचे रहता है तो आपने अपना 20 रुपए का रिटेन कर लिया, एंड यू हैव एस्केप फ्रॉम गिविंग द डिलीवरी। आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट ये था मुझे डिलीवरी नहीं देना है, और आपका भाव जो 260 आपका जो भाव 260 के नीचे रह गया, तो आपका 20 रुपया आपका हो गया, तो आपका जो लॉस और जो प्रॉफिट बराबर हो गया, और आपका जो पहले वाला जो 10 रुपए का जो प्रीमियम था वो आपके पास रह गया, एंड आपको डिलीवरी भी नहीं देना पड़ा, तो आपका ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी काम कर गया। अभी क्या हो सकता है कि वो 260 के भी भाव ऊपर चला गया, आपने मार्टिंगल किया और मार्टिंगल करने के बाद भी शेयर आपका और ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे एक और स्ट्रेंगल करेंगे, एक और मार्टिंगल करेंगे। अगर प्राइस ऊपर 260 के ऊपर चला गया तो यू कैन डू वन मोर मार्टिंगल By squaring your two call, 260 की जो कॉल थी उसको आप स्क्वायर करोगे, और अभी आप 2 OTM कॉल बेचोगे फिर उसकी जिसकी 10 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, मतलब कि आप अपने पोजीशन को आप ऊपर ले गए, लेकिन आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट को बराबर कर दे रहे हो। इसमें आपको क्या करना है कि एक प्रिंसिपल ध्यान रखना, कभी भी 2 बार से ज्यादा मार्टिंगल नहीं करना एक महीने के अंदर। अगर वो 260 के भी ऊपर जा रहा है तो उस चीज को छोड़ दो भैया, क्योंकि वो अभी अभी मतलब वो जबरदस्त उसमें कुछ इनसाइड कोई काम हो रहा है, इसकी वजह से शेयर भाग रहा है, तो वो छोड़ देने का। 2 तक करोगे तो रीजनेबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो लॉस हो रहा था, जो डिलीवरी नहीं देनी थी, उससे आप इसमें से निकल जाओगे। अच्छा, इतनी बार क्या हो सकता है कि आपको जो 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो सेम महीने में नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, अगले महीने का मार्टिंगल कर दो। मतलब कि ये महीने का आपने लॉस में बेचा, 20 रुपए का लॉस हुआ, और ये महीने में आपको वो 20 रुपए का प्रीमियम 2 कॉल से नहीं मिल रहा है, तो अगले महीने का ऐसा ढूंढो जहां आपको वो प्रीमियम मिल जाए और वो वाला मार्टिंगल कर दो। तो आपने अपना पोजीशन ज्यादा शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपको डिलीवरी नहीं देना, टारगेट हमारा था डिलीवरी नहीं देना, ठीक है ना। तो वो आप यूज करो, तो इसमें गिव डिलीवरी, स्क्वायर योर शॉर्ट कॉल एंड सेल पी इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू डबल द वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि अगर आपको वॉल्यूम को डबल नहीं करना है, अगर आपको मार्टिंगल नहीं करना है, तो भैया अपनी डिलीवरी दे दो एंड पोजिशन से बाहर आ जाओ, and it will give you additional credit from short PE in case share goes further above. If the stock falls to PE strike price, you can fire your PE and buy back your share at the market price. जब आप ये delivery दे रहे हो आप, okay. Now roll down करो, if 240 का जो premium जो है 5 रुपये हो जा रहा है share गिरने की वजह से, तो you can fire 240 का call and 200 और उसके बाद में OTM कॉल बेचो तो 10 रुपए वाला। तो ये क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, आपको अगेन वही सेम अपने को दिमाग लगाना है, सोचना है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं डिलीवरी देना है नहीं देना है, रोल डाउन करूं, रोल अप करूं, है। बट मेजर जो है मार्टिंगल का मतलब ये है कि आप उसके आगे की आप अपनी कॉल को शिफ्ट करोगे और वो जो प्रीमियम आपको जो मिलना चाहिए वो लॉस के बराबर होगा, तो आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट करोगे। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल इज मार्टिंगल। Never forget selling opposite side. हाँ, इसमें जो अपने पहले वाला लिया था, जब भी ऐसा पोजिशन हो जा रहा है, जब शेयर भाग रहा है ऊपर का, तो नीचे का पुट बेच दो, तो आपको कुछ थोड़ा क्रेडिट आपको मिल जाएगा, एडिशनल क्रेडिट आ जाएगा, जो कि आपके लॉस को कंपनसेट करेगा। तो वो ऑप्शन भी भूलिए मत आप।
हमारा क्या होता है प्रॉब्लम इसमें ऑप्शंस के अंदर, हम एक पोजीशन लेते हैं फिर हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है. तो अपने यू ओपन योर आईज, कीप योर आईज ओपन एंड देखो कि क्या चल रहा है. पुट का रेट क्या चल रहा है, उसका ओटीएम का रेट क्या चल रहा है, नीचे के रेट क्या चल रहे हैं, मैं क्या पोजिशन स्क्वायर करूँ. देर आर हंड्रेड ऑफ कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ कॉम्बिनेशन. आप ये कर सकते हो, आप आईटीएम ओटीएम करो, आप नीचे का बेचो, आप रोल अप करो, रोल डाउन करो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन करो. अगर आप चाहते हो तो यू कैन डू एनी ऑफ दोस. Now I am discussing. This is essentially rolling over only, right? Marketing. Rolling over ही है, सारे rolling over ही है, rolling up कर रहे हो. और कोई option ही available नहीं है ना. या तो आप delivery दो, या delivery लो, या roll up करो, roll down करो, चार ही options available हैं. तो जो delivery नहीं देना चाहते हैं, या delivery नहीं लेना चाहते हैं, वो martingale करेंगे, वो double volume करेंगे और अपनी position को shift करेंगे. Okay. अभी मैं ये बता रहा हूँ जो कि normally हम सब लोगों के साथ होता है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया और वो शेयर लॉस में चला गया, मैं क्या करूँ. तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है. क्या मतलब, आपने कोई शेयर खरीदा और शेयर खरीदने के बाद में वो शेयर नीचे चला गया, तो मुझे क्या करना है. तो मुझे देखना है कि हाउ आई कैन रिड्यूस माई ब्रेक इवन विदाउट इन्वेस्टिंग मोर फंड एंड विदाउट डबलिंग माई डाउनसाइड रिस्क. क्या है कि जैसे आपका शेयर आपने 400 रुपये में खरीदा, अब 400 का शेयर मान लो 350 हो गया, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप एवरेजिंग करें. एवरेजिंग करने में आप क्या करते हैं, आप वो एक लॉट और शेयर का खरीद लेते हैं. एक शेयर खरीदने से आपका रिस्क डबल हो गया, वो शेयर अगर उससे भी अगर नीचे चला गया तो, और आपको फंड भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है. मतलब आपको एक लॉट और खरीदना है तो एक लॉट का पैसा भी देना पड़ रहा है और आपका डाउनसाइड रिस्क भी आपका ज्यादा बढ़ जा रहा है. मुझे ये दोनों नहीं करना है तो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ मैं, ये वो स्ट्रेटेजी. तो यू परचेज शेयर्स वुड समटाइम्स फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइस ऑफ योर शेयर ड्रॉप ड्यू टू योर बियर मार्केट और ड्यू टू डिसअपॉइंटिंग न्यूज इशू बाय द कंपनी. किसी भी वजह से शेयर नीचे चला गया आपका, नाउ यू कैन आइदर यू कैन योर शेयर्स यू बुक ए लॉस और ट्राई टू फॉरगेट अबाउट योर बैड मार्केट एक्सपीरियंस और यू कैन ट्राई टू रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट बाय डबलिंग अप योर पोजीशन. ये एक नॉर्मली हम लोग करते हैं, या तो हम वो लॉस बुक कर दें. तो 400 का शेयर खरीदा था, 350 आ गया, 350 में मैंने मेरा लॉस बुक कर दिया और आई विल ट्राई टू फॉरगेट किया, जो हो गया सो हो गया, मेरा गलत किस्मत था और लॉस बुक कर दिया. या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और 350 में शेयर खरीद लेता हूँ, मैं डबल करता हूँ. ये हम नॉर्मली जो करते हैं. ओके, नाउ डबलिंग ऑफ स्टॉक पोजिशन रिक्वायर इन्वेस्टिंग मोर फंड. डबल करोगे तो पैसा और लगाना है. बाई डबलिंग अप और बाई एवरेजिंग योर पोजिशन यू आर डबलिंग योर डाउन साइड रिस्क विद ट्वाइस द नंबर ऑफ शेयर. आपने उतने शेयर और खरीद लिए तो आपका रिस्क डबल हो गया. हमें स्ट्रेटेजी क्या है वही कारण बता रहा हूँ. अभी आपको क्या करना है, सपोज जैसे आपने एचपीसी के 2700 शेयर 230 पे खरीदा और शेयर आपका गिर गया 210 रुपए, 20 रुपए का शेयर का लॉस हो रहा है. अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो शेयर 220 में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. सो द गुड स्ट्रेटेजी वुड बी टू एवरेज डाउन, मतलब योर एवरेज डाउन योर ब्रेक इवन टू 220 रुपए. तो 200 जो मेरा ब्रेक इवन है वो अगर मैं 220 पे आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा. मतलब 230 का 230 से मेरा लॉस चालू हो जा रहा था, 210 पे आ गया. आप सोच रहे हो क्या 210 से 220 पे जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. अगर मेरा मैं ब्रेक इवन जो 230 वाला जो ब्रेक इवन जो मेरा जो 230 पे खरीदा था वो अगर 220 पे हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर वन तो आपको वही यू हैव टू बाय द 2700 शेयर एट द रेट ऑफ 210 रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,67,000. नॉर्मली लोग करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 230 का था अभी 210 आ गया, 210 में और खरीद लिए तो अपना एवरेज 220 आ गया. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका क्या है वो आप ये देखेगा, जो ये तरीका है, बाय वन एटीएम 210 कॉल अज्यूमिंग एट 18 रुपीज, 18 रुपए में आपको 210 की कॉल खरीदनी है और आपको 220 की कॉल जो 10 रुपए में चल रही है वो दो कॉल बेचनी. फिर से सुनिएगा, एक आपको जिस रेट पे वो शेयर आ गया है 210 एचपीसी पर आ गया है तो 210 पे आपको एटीएम की कॉल खरीदनी है. तो एटीएम का कॉल का रेट अप्रोक्सीमेटली 18 रुपए चल रहा है मान लीजिए, तो उसकी जो 220 वाली कॉल है वो अंदाजन 10 रुपए चल रहा हो, तो 220 वाली कॉल आपको 220 में बेच देगी. तो उससे आपको 2 रुपए तो आपको एडिशनल क्रेडिट मिल गया, क्योंकि 218 में आपने खरीदी और 220 में 2 बेची है तो आपको 2 रुपए तो वहां मिल गया. नंबर 1 फायदा. नंबर 2,
you have purchased the right to double your position at 210 and committed to sell at 220. यानी कि 210 पे आप अपनी पोजीशन आप खरीदने को तैयार हो और 220 पे आप जो है बेचने को तैयार हो, क्योंकि आपने 210 की कॉल खरीदी है. इसका मतलब 210 पे आपने 210 पे आपको शेयर मिलेंगे अगर ये अभी पोजीशन आपकी इंदमनी हो गई, क्योंकि आपने कॉल खरीदा है, बेचा नहीं है. बेचने की बात ही क्या मैंने, 210 में आपने जो कॉल खरीदी है उसमें आपको 210 में शेयर मिलेगा, और 220 की आपने कॉल बेची है तो 220 में आपको शेयर बेचने पड़ेंगे, तो आप 220 में शेयर बेचने को तैयार हो. तो आपका ये इसका जो ब्रेक इवन देखोगे, दो कॉल जो आपने जो बेची है वो आपके 210 की कॉल को कवर कर देगी, क्योंकि आपने एक एडिशनल कॉल बेच दी थी और एक लॉट आपके पास ऑलरेडी था, तो दो कॉल की आपको बेचने की ताकत आपके पास है. ठीक है ना, अगर मान लो शेयर ऊपर चला गया तो 210 वाली कॉल का जो शेयर आपको मिलेगा और एक जो शेयर आपने 230 का लिया था वो आपको पोजीशन को कवर कर देगा. नाउ अगर प्राइस 210 के नीचे रहती है, अगर प्राइस 210 के नीचे कोई भी भाव रहता है तो आपकी दोनों पोजीशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगी. आपके जो 2 रुपए मिला था वो आपके 2 रुपए आपका रह गया, जो आपको एडिशनल क्रेडिट मिला था, जो भी मिला है 2 रुपए 5 रुपए जो भी मिलता है वो क्रेडिट आपका रह गया जो प्रिंसिपल. और अगर वो रेट ऊपर चला गया, अगर वो रेट ऊपर चला जाता है तो आपको 10 रुपए 210 वाली कॉल में मिल जाएगा, क्योंकि 210 की आपने कॉल खरीदी हुई है तो उसमें आपको 10 रुपए रिकवर हो जाएगा, और जो 220 की कॉल है वो आपकी जो है वो वर्थलेस करके आपकी एक्सपायर हो जाएगी. तो उसमें जो आपको जो प्रीमियम मिला था वो आपको आपको जो शेयर मिला जो आपने शेयर दिया है वो आपके दोनों प्रीमियम आपके वहां एडजस्ट हो गए, लेकिन आपको ये 10 रुपए एडिशनल हो गया, तो आपका जो ब्रेक इवन है वो आपका 20 रुपए पे आ गया. अभी वो 230 के ऊपर रेट ऊपर चला जाता है, मान लो जो आपने किया है तो आपको 210 में आप शेयर खरीदेंगे और 5400 शेयर, तो 210 में आपको शेयर मिल गए और 2300 में आपने शेयर पहले से खरीदे हुए थे, उन शेयर को आप बेच दोगे तो आपका पोजीशन एक्सपायर हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि जो आपका ब्रेक इवन जो था आपने 230 से आप 220 पे लेके आ गए और आप पोजीशन से आप जो है आप निकल जा रहे हैं. तो इस तरह से आप अपना पोजीशन को आप अपने जो लॉन्ग स्टॉक जो उसमें लॉस हो रहा था उसको आप एडजस्ट करो. अगर आपका रेट 250 के भी ऊपर चला गया तो सेम सिनेरियो, यू विल बाय 2700 शेयर एट 210 बट यू आर कमिटेड टू सेल एट 220. सो दिस स्ट्रेटेजी विल नॉट ओनली अनेबल यू टू प्रॉफिट फ्रॉम अ प्राइस इंक्रीज अबव ब्रेक इवन प्राइस, यू कैन स्टिल बाय बैक 220 कॉल एंड सेल 210 कॉल एट जीरो कॉस्ट. तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जा रहे हैं, बट ये है कि आपको वो एडिशनल प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो 250 पे जाने से जो आपको सोच के और प्रॉफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपना ब्रेक इवन नीचे लेके आ गए. तो इस तरह से हम जो है हमारा स्टॉक जो हमारा शेयर लॉस में जा रहा है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं. कि ये समझ में आ रहा है तो अभी मैं ये मेरा लास्ट लेके आ रहा हूँ सिंथेटिक पोजिशन. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. अभी देखिए कि कोई भी जो एक पोजिशन होता है वो पोजिशन 3 चीज से बनता है, कॉल से, पुट से और स्टॉक से. जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो सदा कॉल पुट और स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन होता है. तो एनी स्ट्रेटेजी और पोजिशन इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ स्टॉक कॉल एंड पुट आइदर शॉर्ट और लॉन्ग. मतलब इन तीनों में आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, स्टॉक बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं. तो सिंथेटिक पोजिशन जो होती है उसमें आपको कैपिटल बहुत कम लगाना पड़ता है और आपका सेम प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलता है. जो मेन पोजीशन है उसका जो सब्स्टिट्यूट करके जो सिंथेटिक पोजीशन ले रहे हैं उसमें कैपिटल कम लग रहा है, लेकिन आपका जो ट्रेड ऑफ आ रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो सेम आता है. वो हम देखेंगे कौन सी पोजीशन. तो सिंथेटिक पोजीशन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कन्वेंशनल कवर्ड कॉल और कैश सिक्योर्ड बुक. इन केस वन पोजीशन गो रॉन्ग रिपेयर कैन बी डन विद ओनली वन मोर ट्रांजेक्शन. अभी आप ये टेबल देखिए, ये थोड़ा सोचिएगा. हम कवर्ड कॉल में क्या करते हैं, हम कवर्ड कॉल के अंदर लॉन्ग स्टॉक करते हैं और शॉर्ट कॉल करते हैं, बराबर है ना. पर हम शेयर खरीदते हैं और हम कॉल को बेचते हैं, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है कवर्ड कॉल में करते हैं. आप थोड़ा सा सोचिए इसको, जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका ग्राफ बनेगा वो सेम ग्राफ अगर सिर्फ आप शॉर्ट पुट करेंगे तभी बनेगा. कहने का मतलब है कि अगर आप कवर्ड कॉल नहीं कर रहे हैं, आपके पास में शेयर भी नहीं है, आपने शॉर्ट कॉल भी नहीं किया, उसकी जगह आपने सिर्फ पुट को शॉर्ट कर दिया, आपका जो पी एंड एल बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा, एग्जैक्टली सेम, एक रुपए का भी डिफरेंस नहीं आएगा. सिमिलरली अगर आप कैश सिक्योर्ड पुट कर रहे हैं जिसके लिए आपको पहले शेयर बेचना पड़ता है
और फिर आप शॉर्ट पुट करते हैं, ये शॉर्ट जो स्टॉक है वो कैश के इक्विवेलेंट है, तो आपने अपने पास जो शेयर है उन शेयर को बेच दिए थे जो कैश आ गया वो पोजीशन लिया, और उसके साथ में आपने जो शॉर्ट पुट किया ये कंबाइंड पोजीशन को हम कैश सिक्योर्ड पुट बोलते हैं, उसकी जगह अगर आप सिर्फ शॉर्ट कॉल करते हैं तो अगेन जो पी एंड एल जो बनेगा आपका सेम पी एंड एल बनेगा, तो इसको हम सिंथेटिक पोजीशन बोल रहे हैं। सिमिलरली आपने जो मैंने आगे बोले कॉल रिप्लेसमेंट प्रोफिटिव कॉल, तो आप ये जो ओरिजिनल पोजीशन है इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसकी जगह आपको सिंथेटिक पोजीशन में आपको एक ही पोजीशन लेना पड़ता है और आपको उसको रिपेयर करना भी बहुत आसान है। जैसे आपका शॉर्ट पुट हुआ तो लॉन्ग पुट कर दिया तो आपका पोजीशन इक्वलाइज हो गया। तो ये सिंथेटिक पोजीशन है, कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा और प्रॉफिट एंड लॉस आपका सेम आएगा जो ओरिजिनल पोजीशन में आता था। ये सब हाई क्लास फंडे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ अभी मैं बता रहा हूँ कि हाउ पोजिशन आर सेटल्ड ऑन एक्सपायरी, ये बहुत क्वेश्चन आता है लोगों का, ये पोजिशन हमारी जो है वो कैसे सेटल होती है एक्सपायरी। सो इफ यू डू नॉट एक्सपायरी सिंथेटिक कॉल आपने जो बताया है, तो उसमें अगर वो सेम काइंड ऑफ पी एल एंड होता है तो फिर देन व्हाट इज द रिस्क इन दैट, व्हाट एग्जैक्टली द इशू, व्हाई वन शुड डू दैट? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेम पिंडल आएगा, आप एक बार अपना इक्वेशन करके देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम प्रॉफिट और सेम लॉस आएगा जो पोजीशन आपकी वो है वो वाले से है। आप बोला कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। कुटरी, बोथ आर नेकेड कॉल्स ना? हाँ, बोथ आर दिस ऑप्शंस आर, या बोथ आर नेकेड। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैं मैथमेटिक्स दिखा रहा हूँ भी आपको, ये इक्वेशन है। ये कई बार जो हम जो दिमाग में सोचते हैं जो एक्चुअल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ये वही वाला सिनेरियो है। आप एक कवर्ड पोजीशन ले रहे हैं, कवर्ड पोजीशन की जगह से आपने नेकेड पोजीशन ले लिया और आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेम आ रहा है। आप करके देखो एक बार, आप कैलकुलेशन करके देखो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखो कि आपने शेयर खरीदा, आपने कॉल को शॉर्ट किया और आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना लॉस आना है, वही जगह की जगह आपने सेम पोजीशन पे आपने पुट को शॉर्ट किया और उसमें आपको देखो कि आपको कितना प्रॉफिट मिला, सेम आएगा, एक्जेक्टली सेम आएगा। एक एक चीज अब नहीं समझ रहे, बिकॉज योर प्रॉफिट इन सेलिंग शॉर्ट और कॉल इज प्रीमियम, बट इन केस ऑफ लॉस इट इज अनलिमिटेड। नहीं, अभी देखिए आपको बताता हूँ क्या। आपने शेयर खरीदा 400 रुपए में, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक 400 रुपए में किया, मान ली 400 रुपए में शेयर खरीदा, ठीक है, और आपने कॉल को शॉर्ट किया, उसमें 20 रुपए का प्रीमियम मिला, ओके ओके, 420 रुपए मिला। अभी ये 400 रुपए का, अभी आपका शेयर अगर आपका ऊपर चला गया, शेयर आपका ऊपर चला गया, 400 रुपए का 420 हो गया, तो 420 होने में आपका कॉल में आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपका वो ऊपर चला गया, शेयर ऊपर चला गया है तो कॉल में लॉस हो रहा है, नेट जो हो रहा है वो आपका 0 हो गया। तो 20 रुपए आपको पहले मिला था और 420 से ये 20 रुपए आपका शेयर ऊपर चला गया, तो कॉल और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन आपको 0 हो गया, ठीक है ना, मतलब आपका स्टॉक में फायदा हुआ और लॉस कॉल में लॉस हुआ है, तो आपका जो नेट पोजीशन है वो 0 हो गया। वही चीज अगर आप शॉर्ट पुट में करते हैं तो आपने क्या किया होता, आपने पुट बेचा होता और शेयर आपका ऊपर चला गया है तो जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका हो गया, तो सिमिलर पोजीशन आपको इधर भी मिल रहा है, जितना इधर प्रॉफिट मिला उतना प्रॉफिट आपको उधर भी मिल रहा है। आप थोड़ा देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए इसको, आप इसको थोड़ा कलेक्ट करके देखिए, कि आपने शेयर खरीदा एक्स रेट पे, उस पर आपने कॉल को बेचा तो आपको एक प्रीमियम आया और एक आपका फ्यूचर में प्राइस हो गया, उस दिन आप देखिए कि जितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो रहा था वही चीज अगर आप पुट में करते तो आपको उतना कॉप नहीं आता। बट ये हमारा दिमाग का है कि हम कंफर्टेबल लगते हैं कवर्ड कॉल करके और शॉर्ट पुट करके, वो नेकेड पोजीशन है तो हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग, इट्स ओनली साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिफरेंस, अदरवाइज पी एंड एल इज एक्जेक्टली सेम। यू कैन गूगल इट, यू कैन फाइंड आउट कि सिंथेटिक पोजीशन क्या होती है, आपको सब जगह पता चल जाएगा, हर जगह आपको यही वो लोग बताएंगे कि द प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्जेक्टली सेम, 100% सेम, इट इज ओनली अ साइकोलॉजिकल, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द कवर्ड कॉल, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द कैश सिक्योर्ड शॉर्ट पुट,
बट वो भी सारी थ्योरी मैंने खत्म कर दी है और मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर सर वही बोल रहा हूँ here here the common is the confusion is can we take short as selling and long as buying So against that, we are in synthetic, it is short put. So we are not holding, we are not required to hold any holding now. No. And for which if it goes wrong, the repair is long put, correct? हाँ, आप repair करना तो long put को ले लो तो आपको position. नहीं, if it goes wrong, if it goes wrong. हाँ, got wrong, बराबर. I mean that is how the interpretation of this table is. Yeah, right. So long stocks for short plus nothing but covered call. But if you want to do, don't want to do covered call, you just go short put. Short put. आपको सेम प्रॉफिट मिलेगा आप अभी रिपेयर वाले को छोड़ दीजिए रिपेयर वाले को भी छोड़ दीजिए अभी टीम को देखो आपको शॉर्ट कॉल कर आपको कवर्ड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है कितना पैसा लगाना पड़ता है वो देखो आप 400 प्लस आपको प्रॉफिट कितना रहा वो देखो वही प्रॉफिट अगर आपको शॉर्ट पुट किया होता तो सेम प्रॉफिट आपको आएगा अगर वो पोजिशन आपकी बढ़ती है या घटती है सेम एग्जाम्पल 400 and 440 BPCL, same. So instead of doing it, you simply go and short 440 put. Yeah, कर लीजिए same profit मिलेगा आपको. मतलब without holding. हाँ, without holding same मिलेगा. So we are just playing with the options, which is the only options are available. मैं बता रहा हूँ जो अब तक आपने सीखा था, वो सारा का सीधा यहाँ के sell हो जा रहा है. That is what you are under everything. See, no. See, no wonder we are selling more puts. Actually, there is some market. Yeah. Generally, everybody in a bull market is selling short puts and trying to make money without the intention of holding the stock, which may not go correct always. Yeah. No, this is mathematically correct. Actually, I have tried on the first part of it. Second one. Correct. I am. Sometimes I realize that it is how can it happen. But when the graph draw करना तो same graph बन रहा है. मतलब if you पर सर तो गर्ल सिचुएशन आ गई तो सिचुएशन गर्ल आ गई तो रिपेयर आप कवर्ड तो हो नहीं वो माइंड में है मैडम नो यू आर इंकरिंग लॉस इन द स्टॉक ना अदरवाइज सी दैट यू आर कंसीडरिंग मैडम हां दिस इज करेक्ट लॉस इन द स्टॉक व्हिच यू आर नॉट कंसीडरिंग हां इसमें जो नॉशनल लॉस ही कंसीडर कर रहे हैं ना हां नहीं कर रहे इज कंसीडर्ड नॉशनल लॉस आल्सो Then the equation correct. Sir, in other words, this is how mathematically this is correct. आपने सही पकड़ा है sir. हमको जो notional loss को भी अगर consider करेंगे या notional profit को consider करेंगे, तब ये equation आपका fit होगा. Correct. Sir, मतलब if we practice a little bit, this one chart can make our lives probably. Looks like. क्या बोल रहे हो? अगर हम थोड़ा अच्छा सा practice किया, तो this one chart without holding stock can make or break. सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट लॉन्ग पुट उसका मतलब क्या होता है और हाउ डज दैट वर्क इंडिपेंडेंट लॉक पुट का तो मैंने कोई पोस्टर से दिखाया नहीं ना इसमें तो लॉन्ग नहीं मतलब मुझे नहीं कैन आई जस्ट डू अ लॉन्ग पुट बाकी सब पता लॉन्ग पुट तो मतलब आपने एक पोजीशन लिया यू आर बेयरिश एंड देन यू आर बाइंग अ लॉन्ग पुट दैट्स ऑल तो वो जो लॉन्ग पुट का जो है अभी उसका सिंथेटिक क्वेश्चन बताता हूं अभी आप जब आप या पुट का खरीदते हो कि जब यू वांट द शेयर टू फॉल डाउन बराबर है जब बेयरिश होता है तब आई डिड नॉट नो दैट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हां तो उसके लिए आपको उसका जो इक्विवेलेंट पोजीशन किया है ये शॉर्ट स्टॉक प्लस लॉन्ग कॉल आपने शेयर को बेच दिया और आपने कॉल को खरीदा उसको बोलते हैं कॉल रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या है कि आपने कोई शेयर जैसे 400 रुपए में आज आपका बीपीसीएल 450 में ट्रेड हो रहा है और आपने 450 में बीपीसीएल बेच दिया क्योंकि आप मान रहे हो कि वो शेयर नीचे गिर सकता है तो आपने 450 में बेच दिया और आपने उसके साथ में एक कॉल इसलिए खरीद लिया कि आप ये चाहते हो कि अगर कहीं शेयर घूम जाए तो मेरे को कॉल में फायदा हो जाए और नीचे जाएगा तो मैं शेयर वापस खरीद लूंगा तो ये एक आपने स्ट्रेटेजी बनाई है इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं कॉल रिप्लेसमेंट
आप इसकी जगह है, आप क्या करोगे, आप सिंपली लॉन्ग पुट खरीदो। आप देखोगे कि ये स्ट्रेटेजी के लिए जो आपको शेयर बेचना पड़ा, कॉल खरीदना पड़ा, उसकी जगह आपने सिर्फ लॉन्ग पुट कर लिया। लॉन्ग पुट में आपको सेम ब्रेक इवन आपको मिलेगा, सेम प्रॉफिट मिलेगा। नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो जो आपका लॉस हो रहा है प्रीमियम वाला, वो आपको यहाँ लॉन्ग कॉल में जो प्रीमियम था उससे बराबर हो जाएगा, तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब सिंथेटिक करने में सर स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा अगर? हाँ वो सेम ही रहेगा, और क्या है, सेम ही रहेगा ना। शॉर्ट कॉल जितने कॉल शॉर्ट कर रहे हो उसी हिसाब से पुट शॉर्ट करोगे। शॉर्ट पुट किया आपने, शॉर्ट पुट किया और भाव नीचे चला गया, शॉर्ट पुट किया और भाव ऊपर चला गया तो रेंट मिल गया ना आपको, जो रेंट वहां मिल रहा था वो रेंट आपको यहाँ मिला, रेंट बराबर मिलेगा सेम एग्जैक्टली। नीचे हुआ ऊपर गया तो मिला, नीचे गया तो रेंट मिलेगा ना, और नीचे गया तो, और नीचे गया तो फिर आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जो आपने वहां पे डिलीवरी आपके घर में रखी थी, जो आपने जो पहले ओरिजिनल पोजीशन में क्या था, लॉन्ग स्टॉक किया था और शॉर्ट कॉल किया था, और आपका भाव नीचे चला गया तो कॉल का प्रीमियम आपको 20 रुपए मिल गया, लेकिन शेयर आपका घर में रह गया जिसका भाव गिर गया, बराबर है, बराबर है ना। वही स्ट्रेटेजी आपको शॉर्ट पुट में आया, शॉर्ट पुट में शेयर गिर गया तो आपको डिलीवरी लेना पड़ा, और जो शॉर्ट पुट का प्रीमियम आपको मिला था वो पहले ही प्रीमियम मिल गया, तो सेम सिचुएशन आ रहा है ना, देखिए ना। Without owning the property, you will get rent. हाँ, you will get the rent or you will buy the share if the share is smaller. जो same position आपका पहले वाला आ रहा है। Put को square करते time share ले लेने का। हाँ। Same. अरे बताओ same result आएगा। It is such a wonderful thing कि मैं मुझे भी खुद को सुबह विश्वास नहीं हुआ था यार ऐसे कैसे हो सकता है। But then मतलब देखा आगे मैंने study किया तो मैंने कहा तो सही बोल रहे हैं ये। But हम लोग use ही नहीं करते। मैं भी use नहीं करता। But this is quite possible. Okay. Now we'll go to the how your positions are settled on expiry. This everybody has a question. Huh? If we do not square close our position before expiration, then what will happen? Now, if the position is OTM, suniyega, if the position is OTM, your long or short position options will expire worthless. No action is to be taken. यानी कि आपने जैसे 420 का call बेचा है या 420 का put बेचा है और दोनों अगर OTM रह जा रहे हैं, यानी कि कॉल वाले प्रेस में आपका वो भाव ऊपर रह गया और पुट में वो भाव नीचे रह गया, तो आपके ये पोजीशन ओटीएम ही है, तो आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपके ऑप्शन जीरो पे खत्म हो जाएंगे और जो प्रीमियम है आपको मिल जाएगा। सिचुएशन नंबर वन। सिचुएशन नंबर टू, अगर यू हैव टू टेक द डिलीवरी, द स्टॉक्स आर डिलीवर्ड टू योर डीमैट अकाउंट, वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपने पोजीशन को स्क्वायर नहीं किया है, पोजीशन को छोड़ा हुआ है और आपका पोजीशन आईटीएम अगर हो गया है, दैट मींस तीन सिनेरियो के अंदर, लॉन्ग फ्यूचर है या लॉन्ग आईटीएम कॉल है या शॉर्ट आईटीएम पुट है, ये तीनों पोजीशन अगर आपकी है तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा और वो डिलीवरी आपके अकाउंट में आएगी। फिर बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है, कॉल आपकी आपने कॉल ली हुई है और वो आपकी कॉल आईटीएम हो गई है, और आपने पुट बेचा हुआ है और वो अगर आईटीएम हो गया है तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, दैट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द स्टॉक्स टू द एक्सचेंज। अगर शॉर्ट फ्यूचर है या फ्यूचर बेचा हुआ है और आपने स्क्वायर नहीं किया, आपने कॉल बेची हुई है या आपने पुट खरीदा हुआ है, ये तीनों सिनेरियो के अंदर आपको डिलीवरी देना पड़ेगा। ओनली ओटीएम ऑप्शंस विल बी फिजिकली सेटल्ड, जो आईटीएम ऑप्शंस जो होते हैं ना जिसे मैंने ऊपर बताया, वो ही फिजिकली सेटल्ड होंगे। इफ द ऑप्शन एक्सपायर्स ओटीएम, दे एक्सपायर वर्थलेसली, there won't be any delivery obligation, कोई delivery ना देना है ना लेना है। If multiple positions of the same underlying for the same expiration date form a hedge, the same will be netted off. कहने का मतलब है कि एक आपने call बेचा हुआ है, एक आपने put बेचा हुआ है उसी का, तो उसका जो वो net करके वो position निकालेंगे और फिर आपका फिर आपको देना है। ये नहीं है कि आपको हर एक का खरीदना भी है और बेचना भी है, एक ही position HPCL में आपने जैसे call भी बेचा हुआ है, put भी बेचा हुआ है, तो उसका वो कंबाइंड पोजीशन देखेंगे, उसके बाद में आपकी पोजीशन को वो जो है आपको डिलीवरी देंगे या डिलीवरी लेंगे।
margin requirement for all stock FLO contract will be increased during last 2 days prior to expiry to twice of the exchange's mandated span plus exposure margin. कहने का मतलब यह है कि लास्ट के 2 दिन के अंदर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बराबर आपका मार्जिन होना जरूरी है, तभी आप लास्ट के 2 दिन में पोजीशन रख पाओगे। आईटीएम वाले केस में, ओटीएम वाले में प्रॉब्लम नहीं है, आईटीएम अगर हो जा रहा है तो आपको मार्जिन वहां पर भरना पड़ेगा। नाउ अगर ये हुआ तो आपको जब डिलीवरी लेनी पड़ रही है, फिजिकल जब डिलीवरी ले रहे हो, तो देयर विल बी एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 0.1% एसटीटी due to physical settlement of share on the total contract value. वो STT लगेगा, वो पूरा सिर्फ आपका option के premium पे नहीं लगेगा, जो share का value है वो जुड़ के और जो total value आएगा उसके ऊपर आपको 1.1% STT देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ही square करके बाहर निकल जाओ, तो ये सब generally में नहीं पा सकते, नहीं तो आपको additional STT ये 0.1% का देना पड़ेगा। और अगर Zerodha में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे 0.25% additional brokerage charge करता है वो physical settlement वाले केस पर, और नेटेड वाले में 0.1% चार्ज करता है। एक ही एडिशनल ब्रोकरेज आ जाएगा आपको अगर आप Zerodha में कर रहे हो। अगर जैसे आपका IIFL में शायद वो लोग नहीं चार्ज करते हैं, ICICI का मुझे पता नहीं है, बट कितने लोग नहीं चार्ज करते, बट Zerodha जो है 0.25% एडिशनल ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो वो थोड़ा ख्याल रखिएगा। एंड देन वो लास्ट का जो बताया मैंने कि मार्जिन बढ़ जाता है, वो 50% एडिशनल मार्जिन वो लोग चार्ज करते हैं। सो फाइनली दिस वाज ऑल माय स्लाइड्स। अगर आपको ऑप्शंस में खेलना है तो प्रॉफिट को लव करो, शेयर को लव मत करो। नंबर टू, वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड स्लोली बट कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफेट। उसने जो है अपना वेल्थ बनाया है वो कंसिस्टेंटली बनाया है, स्लोली बनाया है, डिसिप्लिन से बनाया है। यूज ऑप्शंस विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस टू मेक कंसिस्टेंट मनी। अगर आप डिसिप्लिन है, पेशेंस है, आप बराबर पैसा बनाओगे, ये आपने थोड़े कोई जिम्मेदारी नहीं लगता। टारगेट आपको क्या रखना है, टारगेट मोर देन ₹5,000 पर मंथ, दैट इज 6% और 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए है तो 10 लाख पे बैंक का FD मेरा ब्याज होता है ₹5,000। मेरा टारगेट है मुझे 5,000 से ज्यादा कमाना है। रीजनेबल टारगेट विद ऑल दी स्ट्रेटेजीज जितना आपने इतने दिन सीखा है, दैट इज 24% मुझे मिलना चाहिए, दैट मीन ₹20,000 पर मंथ आपको 10 लाख रुपए पे कमाना है। और अगर आप वो अमाउंट बढ़ा दे रहे हो 10 लाख से अगर 20 लाख कर दे रहे हो, तो मुझे 30% का मुझे टारगेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे एडिशनल वो मेरे को मैन्यूवरिंग को मिल जा रहा है, मेरे को मतलब ज्यादा मैं 2 या 3 कर पाऊंगा। तो अगर आप 20 लाख लगा रहे हो तो आपको 50,000 आना है, 50 लाख लगा रहे हो तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए आना चाहिए। तो ये आपको कवर्ड ऑप्शन से, ये आपके टारगेट आपको रख के और आपको अपना पैसा सिस्टम में से निकालना है। लास्ट जो है मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, FNO इज सब्जेक्ट टू हैवी लॉसेस, लर्न लर्न एंड लर्न, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए